इन सूत्रों के बारे में, इन श्लोकों के बारे में आपके मन में कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, आप जरूर पूछ लीजिए, क्योंकि हम आज उससे भी आगे की बात करेंगे। और आगे की कोई भी बात आपको अच्छे से समझ में आए, ये तभी संभव है जब कल और कल के पहले दिन परसों बोले गए सूत्र आप ठीक से समझ पाए। तो आप कल के जो बात कही थी मैंने सूत्रों के बारे में और परसों, इन दोनों से संबंधित कोई भी प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, तो आप अभी तुरंत पूछ लीजिए। हाँ, तो एक दो दिन होगा। इनका प्रश्न यह है कि सुबह 4:30 बजे इन्होंने पानी पिया तो इनको उल्टी हो गई, 5 बजे पिया फिर भी हो गई। एक दो दिन ऐसा हो सकता है, उसके बाद ठीक हो जाएगा, क्योंकि पहली बार में आप शुरू कर रहे हैं। तो मेरी ऐसी आपको प्रार्थना है, विनती है कि थोड़ा शुरू करिए, एक साथ 1.25 लीटर मत पीजिए। पहले दिन 1.5 गिलास पीजिए, दूसरे दिन 1 गिलास ले लीजिए, तीसरे दिन 1.5 गिलास कर दीजिए, धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। एक साथ 1.25 लीटर पीने की कोशिश पहले दिन में मत करिए। कितना पानी पिया था आपने? पहले 4:30 बजे आधे गिलास से शुरू करिए, आधे गिलास से शुरू करिए, कुछ मत करिए। रात को दांत साफ करके सोइए, सुबह उठते ही पानी पीना है, कोई गुल्ली बुल्ली नहीं करना है, सीधे पानी पीना। आपको अगर तकलीफ हो रही है, जैसा इनका कहना है कि उल्टी हुई, तो आधे गिलास से शुरू करिए। पहले दिन 1.5 गिलास, अगले दिन 1 गिलास, फिर 1.5 गिलास, फिर 2 गिलास, धीरे धीरे 2.5 गिलास, फिर 3 गिलास, ऐसे बढ़िए। शरीर को आदत पड़ जाएगी, और एक बार आदत पड़ गई तो फिर ये नहीं होने वाला। और कोई प्रश्न? किसी ने इन सूत्रों को कल और एक दिन पहले परसों अपने जीवन में उपयोग किया हो और कोई तकलीफ आई हो तो जरूर पूछिए। जैसे इन्होंने बोला कि इनको उल्टी हो गई, वॉमिटिंग हो गई। आपने जो बताया कि खाना खाने के बाद 1.5 घंटा पानी नहीं पीना चाहिए, तो मैंने 3 बार और ट्राई किया कि खाना खाने के 1.5 घंटे का पानी पिया तो थोड़ी सी पेट में तकलीफ होने से जड़ लग रहा है, पेट में कुछ चीजें है। आपने खाना खाने के तुरंत बाद ताक पिया? नहीं। तो पीना चाहिए ना, मैंने आपको बोला है। सुबह का खाना खाएं तो जूस पीजिए, दोपहर का खाना खाएं तो ताक पीजिए, रात का खाना खाएं तो दूध पीजिए, पानी 1.5 घंटे बाद पीजिए। 3 दिन कुछ भी, डिनर टाइम कुछ भी नहीं पिया तो पीजिए ना, नहीं तो दाल का पानी पीजिए। सर, गुड़ का पानी पी सकते क्या? गुड़ का गुड़ मिला के पानी पी सकते? पी सकते, पी सकते, गुड़ का पानी पी सकते। ये तो है, क्योंकि उस समय पानी में गुड़ मिल गया तो पानी का अपना गुण कुछ भी नहीं है, वो गुड़ का गुण उसमें आ जाएगा। तो गुड़ मिलाया हुआ पानी भोजन के बाद पी सकते, भोजन के बाद थोड़ा गुड़ भी खा सकते, दोनों ही अच्छा। और कोई प्रश्न? जी, गुड़ का चाय करने के बाद तो फट जाता है। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है। गुड़ का चाय बनाएं तो फट जाता है, गुड़ का चाय बनाएंगे तो कभी भी नहीं फटेगा, अगर आप गुड़ ठीक से देखकर खरीद के लाएं। बाजार में 2 तरह के गुड़ आते हैं, एक गुड़ ऐसा है जो केमिकल के द्वारा बनाया जाता है, जो केमिकल के द्वारा बनाया हुआ गुड़ है उसकी कभी भी चाय बनाएंगे तो फटने वाली है। तो आप बाजार से ऐसा गुड़ लाइए जो बिना केमिकल का बनाया हुआ हो। बिना केमिकल के गुड़ की पहचान क्या है? वो दिखने में थोड़ा काला होता है, गहरा लाल होता है, काला होता है। और जो केमिकल वाला गुड़ है वो दिखने में बहुत पीला और सफेद होता है। तो ज्यादा पीला और सफेद गुड़ अगर है तो समझ लीजिए केमिकल वाला है, उसकी चाय बनाएंगे हर बार फटेगी। और अगर थोड़ा काला और गहरे लाल रंग का गुड़ है तो वो ऑर्गेनिक है, बिना केमिकल वाला है, उसकी बनाई हुई चाय कभी भी नहीं फटेगी। तो जब भी गुड़ लाएं तो देख के लाएं। पानी के साथ चावल खाएं? पानी के साथ चावल खाएं? एक दो, मैंने बोला था कि एक अन्न आपने खाया और उसके बाद दूसरा शुरू कर रहे हैं तो एक दो घूंट पानी उस समय आप पी सकते हैं।
रोटी आपने खाई है गेहूं की बनी हुई, ज्वारी की बनी हुई, उसके बाद चावल खा रहे हैं, तो रोटी जो है गेहूं की है, चावल दूसरा है, तो गेहूं और चावल दो अलग अलग अन्न है, तो गेहूं खत्म हुआ आप चावल आप शुरू कर रहे हैं, तो दो घूंट पानी पी सकते हैं, ज्यादा नहीं। और कोई प्रश्न आप लोग पूछे, आप मराठी में पूछ सकते हैं, मैं मराठी समझता हूं। पूछिए जी, नाश्ते में क्या आपने पूछा? नहीं मिला तो क्या ले सकते? नाश्ते में कुछ नहीं मिला, जूस, वो जूस नहीं मिला, तो ये एक भाई ने अभी पूछा था कि पानी में गुड़ मिला के पी सकते हैं, आप भी पी लीजिए पानी में गुड़ मिला के, और पानी में गुड़ मिलाया है ना, थोड़ा नींबू भी मिला लीजिए, नींबू का रस, गुड़ और पानी, ये तीनों मिला के पिए हैं तो ये सबसे अच्छा जूस है। नहीं भोजन के बाद नहीं, सुबह के नाश्ते के बाद, भोजन के बाद तो जब भी पिए ताक पिए, या तो दूध पिए, रात को दूध पिए, दोपहर को ताक पिए। अब आप ये कह सकते हैं कि ताक ना मिले तो, दूध ना मिले तो रहने दें, लेकिन जूस जो पीना है वो सुबह ही पी सकते हैं, जूस का जो समय है आयुर्वेद में वो सुबह का सबसे अच्छा है। हाँ बहुत अच्छा प्रश्न है ये, आई का प्रश्न है कि डायबिटीज अगर है तो गुड़ चलता है? बिल्कुल चलता है, चलता नहीं दौड़ता है, डायबिटीज वाला कोई भी व्यक्ति गुड़ खाए कोई तकलीफ की बात नहीं, डायबिटीज का कोई भी व्यक्ति फल का रस पिए कोई तकलीफ की बात नहीं, डायबिटीज का कोई भी व्यक्ति फल खाए मीठे कोई तकलीफ की बात नहीं है, वो आम खा सकता है, अमरूद खा सकता है, केला खा सकता है, अनार खा सकता है, दाड़िम खा सकता है, संतरा, मौसमी, द्राक्ष, जो भी फल खाना खा सकता है। कारण है वो समझ लीजिए आप कि जो प्रकृति से बने हुए फल हैं उसमें जो शक्कर होती है, वो मैंने आपसे कल कहा वो मोनोसेकेराइड फॉर्म में होती है, शक्कर का सबसे आसान रूप है फलों में मिलने वाली शक्कर, ये शरीर को सबसे आसानी से हजम होती है, लेकिन ये जो मिल में बनने वाली शक्कर है जिसको चीनी कहते हैं, शुगर कहते हैं, ये कभी भी हजम नहीं होती। तो डायबिटीज के पेशेंट को जो सबसे ज्यादा तकलीफ करती है वो मिल में बनी हुई शक्कर की तकलीफ सबसे ज्यादा होती है, तो मिल की बनी हुई जो शक्कर है, शुगर है, चीनी है, वो ना खाएं, बाकी प्राकृतिक रूप से जो फलों में मिलने वाली शुगर है जूस के रूप में पिए, सीधे फल खाएं, कोई तकलीफ की बात नहीं। मिश्री चलेगी? मिश्री, मिश्री के बारे में ध्यान ये रखना है कि वो बनाई किससे गई है। मिश्री बनाने के दो तरीके हैं, एक तो खांडसारी वाला पुराना तरीका है, अगर खांडसारी से मिश्री बनी है तो चल जाएगी, लेकिन आजकल शुगर मिल से बनी हुई जो मिश्री आती है वो बिल्कुल नहीं चलेगी। तो मिश्री खरीदते समय पूछ लीजिए कि ये कौन सी वाली मिश्री है, खांडसारी वाली है तो चल जाएगी, ना खांडसारी वाली नहीं है तो नहीं चलेगी। अच्छा मैं आपको एक जानकारी दे दूं, फिर आपको ये बात और अच्छे से समझ में आएगी, आप एक मिनट ये समझ लीजिए कि डायबिटीज क्या है, तो फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। डायबिटीज माने क्या, किस रोग को डायबिटीज कहते हैं? हमारे शरीर में हम जो कुछ भी खाते हैं, मैंने आपको कल भी कहा था, परसों भी कहा था, जो कुछ भी खाते हैं इसमें जो मीठा तत्व है जिसको हम शुगर कहते हैं, अंग्रेजी में कई बार उसको ग्लूकोज कहते हैं, सुक्रोज कहते हैं, फ्रक्टोज कहते हैं, ये शुगर के अलग अलग नाम है, तो भोजन के अंदर ये जो कुछ भी है ये शरीर को सबसे जल्दी और सबसे आसानी से ऊर्जा देने वाला तत्व है। आपने जो कुछ भी खाया शरीर उसको पचाएगा, और ये जो कुछ भी पचा हुआ तत्व है ये हमारे रक्त में जाएगा, कुछ भी आप खाएंगे शरीर उसका पाचन करेगा, पाचन करने के बाद वो आपके रक्त में जाएगा। रक्त के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं जिनको हम कोशिकाएं कह सकते हैं, तो ये जो सेल होते हैं, कोशिकाएं होती है रक्त के अंदर, ब्लड सेल्स जिनको ज्यादा अच्छे शब्दों में कहें रक्त कोशिका, इन ब्लड सेल्स की कुछ इस तरह की बनावट होती है जैसे आपके घर का दरवाजा, आपके घर में एक दरवाजा होता है, अगर ये दरवाजा बंद है तो आप अंदर घर में प्रवेश नहीं कर सकते,
आप पहले दरवाजे पे कॉल बेल बजाएंगे, घंटी बजाएंगे, कोई दरवाजा खुलेगा, फिर अंदर आप प्रवेश करेंगे। तो हमारे रक्त के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं वो ऐसे ही दरवाजे जैसे होते हैं। सामान्य रूप से रक्त कोशिकाओं का दरवाजा ऐसे बंद रहता है, रक्त कोशिकाओं का दरवाजा इस तरह से बंद रहता है। अब ये जो हमने कुछ खाया है, खाने के अंदर जो कुछ भी मीठा तत्व है, जिसको आप ग्लूकोज कहिए या एनर्जी कहिए, ये रक्त के अंदर आता है और कोशिकाओं के अंदर आने के लिए ये दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। इस मीठे तत्व को रक्त कोशिका के अंदर लाने के लिए एक कैरियर होता है। कैरियर माने वाहक, जैसे घोड़ा है, घोड़े पर बैठा हुआ घुड़सवार है, तो घोड़ा कैरियर है, घुड़सवार अंदर जाने वाला व्यक्ति है। तो एक कैरियर होता है, उसी कैरियर का नाम है इंसुलिन। ये इंसुलिन हमारे पेट में एक छोटी सी ग्रंथि होती है जिसको पैनक्रियास कहते हैं, वहां उत्पन्न होता है। इंसुलिन का काम क्या है कि आपने जो कुछ भी भोजन में खाया है उसमें जो ऊर्जा तत्व है, सबसे आसानी से घुलने वाला, जैसे ग्लूकोज या सुक्रोज या फ्रक्टोज या शुगर कहिए, इसको इंसुलिन अपने ऊपर बिठा के दरवाजे पर लेके आता है, ब्लड सेल के दरवाजे पर, और इंसुलिन दरवाजे की घंटी बजाता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है तो उसका जो शुगर तत्व है वो इंसुलिन के साथ अंदर आ जाता है। अब जब शुगर तत्व इंसुलिन के ऊपर बैठकर अंदर आ गया रक्त कोशिका में, तो ये स्वस्थ व्यक्ति की निशानी है। अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो उसको इंसुलिन रक्त के अंदर कैरियर के रूप में काम करेगा और अंदर उसकी एनर्जी पहुंचाता रहेगा। अगर किसी को डायबिटीज है तो क्या होता है, जिसको डायबिटीज है उसका जो इंसुलिन है वो अपने ऊपर सुक्रोज या ग्लूकोज या फ्रक्टोज को लेकर दरवाजे तक तो आता है, लेकिन घंटी नहीं बजाता, कॉल बेल नहीं बजाता, आता है फिर वापस चला जाता, आता है फिर वापस चला जाता। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इंसुलिन के ऊपर बैठा हुआ जो ग्लूकोज है, सुक्रोज है, फ्रक्टोज है या शुगर है, वो ब्लड में ही घूमता रहता है, रक्त में ही घूमता रहता है, अंदर नहीं जाता रक्त कोशिकाओं में। तो आप जब भी रक्त का परीक्षण कराते हैं तो उसमें शुगर निकल आती है, क्योंकि वो शुगर इंसुलिन के ऊपर बैठी तो हुई है लेकिन वो अंदर नहीं जा रही है कोशिकाओं में, और इसी स्थिति को डायबिटीज कहते हैं। डायबिटीज का सीधा सा मतलब है कि आपके शरीर में बनने वाली इंसुलिन आपके शरीर के भोजन में से निकलने वाले शर्करा तत्व को अंदर लेके नहीं जा रही है। इसका मतलब यह है कि इंसुलिन या तो आलसी हो गई है या इंसुलिन बनना कम हो गई। जब इंसुलिन आलसी हो जाती है तो डायबिटीज ठीक होना आसान हो जाता है, लेकिन जब इंसुलिन बनना ही कम हो जाती है तो डायबिटीज का ठीक होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर इंसुलिन आलसी हो गई है तो इस आलसी इंसुलिन को थोड़ा तेजस्वी बनाए, इसका आलस्य दूर हो जाए, इसके शरीर में जो स्लगिशनेस आई है ये खत्म हो जाए, ये उद्देश्य होता है औषधि का। और या इंसुलिन बनना अगर बहुत ही कम हो गई है तो इंसुलिन ज्यादा बने। इन दोनों ही स्थिति में जो समझने की बात है वो ये कि किसी के शरीर में इंसुलिन आलसी कब होती है, ये एक ही कारण से होती है। जिसके शरीर में रक्त के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई हो उसी के शरीर की इंसुलिन आलसी होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके शरीर की इंसुलिन आलसी हो गई है, काम नहीं कर रही है ठीक से, तो उसके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, तो कोलेस्ट्रॉल कम करिए तो इंसुलिन काम करना शुरू करेगी। तो डायबिटीज ठीक करना है तो सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल कम करना पड़ेगा, ये बात सबसे आसान है समझना। तो इसलिए डायबिटीज के मरीज को कोलेस्ट्रॉल की चिंता ज्यादा करनी चाहिए बनिस्बत की शुगर की। हम शुगर खाएं कि न खाएं ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप ऐसा भोजन कभी भी ना खाएं जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता हो, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से आपको डायबिटीज होती है, इंसुलिन उससे आलसी हो जाती है, काम करने लायक नहीं रहती। बहुत कम ऐसे मरीज होते हैं जिनकी पैनक्रियास खत्म हो जाए या काम बिल्कुल ना करे और इंसुलिन बनाना बंद कर दे, ऐसे बहुत कम मरीज होते हैं।
अगर 1 लाख मरीजों को हम देखेंगे तो उसमें से 8 या 10 मरीज ही ऐसे मिलेंगे जिनकी पैनक्रियाज बिल्कुल काम नहीं कर रही है या इंसुलिन बन नहीं रही है। लेकिन ज्यादा मरीज ऐसे मिलते हैं जिनके इंसुलिन तो बन रही है लेकिन वो एक्टिव नहीं है, आलसी हो गई है, काम करने में उसको तत्परता नहीं है, तेजस्विता नहीं है। तो आप उसको थोड़ा तेज बनाइए, एक्टिवेट कर दीजिए, और उसका सबसे सरल उपाय है कि आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल थोड़ा कम कर दीजिए। तो डायबिटीज के मरीजों को सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है इस विषय पर कि उनका कोलेस्ट्रॉल कम हो। तो खान पान ऐसा रखिए जिसमें कोलेस्ट्रॉल कम से कम होता चला जाए। अब आप ये पूछेंगे कि कैसे खाएं, क्या खाएं जिससे कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए। तो मैंने आपको कल एक बात बताई थी कि कोलेस्ट्रॉल कम करना है तो कभी भी डालडा मत खाइए, क्योंकि ये डालडा सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। डालडा किसी भी नाम से मिले, वो गगन के नाम से मिल सकता है, वो बजरंगबली के नाम से मिल सकता है, हनुमान के नाम से मिल सकता है, रुचि के नाम से मिल सकता है, किसी भी नाम से मिल सकता है। डालडा आप समझते हैं वेजिटेबल ऑयल, वनस्पति घी, ये बिल्कुल मत खाइए क्योंकि इसी से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो ये मत खाइए। दूसरी कौन सी चीज ना खाएं जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है? दुनिया में 2 ही चीजें हैं जिनसे सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, एक तो ये है वनस्पति घी, वो किसी भी नाम से मिले, और दूसरा है मांस, वो चाहे कोंबड़ी का हो, मुर्गी का हो, चाहे मुर्गे का हो, बकरे का हो, बकरी का हो, भैंस का हो, भैंसे का हो, गाय का हो, किसी भी जानवर का मांस कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, किसी भी जानवर का मांस कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। इस बात को बहुत ध्यान से आप समझ लीजिए, सुन लीजिए। कोई भी जानवर दुनिया में मांस के रूप में अगर खाया जाए तो मनुष्य शरीर के कोलेस्ट्रॉल को सबसे ज्यादा बढ़ाता है। और दूसरा कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने वाला जो कारक है वो है डालडा, गगन, रुचि, सोया, ये वनस्पति घी जो अलग अलग नामों से दिखता है। तीसरी और एक आखिरी चीज है जो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है, तीसरी और आखिरी चीज वो क्या है? वो है आजकल मिलने वाले रिफाइंड तेल। जो मैंने कल आपसे कहा था कि अगर आप अपनी जिंदगी में किसी से नफरत कर सकते हैं तो रिफाइंड तेल से नफरत करें, वो डबल रिफाइंड हो या ट्रिपल रिफाइंड हो या सिंगल रिफाइंड हो, किसी भी नाम का रिफाइंड तेल मत खाइए, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। वनस्पति घी मत खाइए, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। मांसाहारी खाने को बिल्कुल छोड़ दीजिए, कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। अब हमको कुछ गलतफहमियां हो गई हैं और मैं मानता हूं कि वो गलतफहमियां आपको डॉक्टरों ने दी हैं। जैसे एक गलतफहमी आपको ये हो गई है कि देशी घी खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। कई बार आपको डॉक्टर बोल देता है कि घी मत खाओ, तेल मत खाओ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। मैं आपको विनम्रता पूर्वक ये बताने आया कि देशी घी जब मैं बात करूंगा तो देशी घी का मतलब गाय के दूध से बनाया हुआ घी, और गाय का मतलब देशी गाय, जर्सी नहीं, जर्सी गाय नहीं है। गाय जैसा दिखने वाला एक विचित्र प्राणी है गाय नहीं, क्योंकि उसमें गाय का कोई भी गुण नहीं है। गाय के जितने गुण हैं वो जर्सी में कभी भी नहीं मिलेंगे आपको देखने। गाय का सबसे बड़ा गुण है वात्सल्य। वात्सल्य माने जैसे एक आई अपने बच्चे को प्रेम करती है वैसे गाय अपने बच्चे को प्रेम करती है। जर्सी गाय कभी भी बच्चे को प्रेम नहीं करती, मैंने इसके कई परीक्षण करके देखे। जर्सी गाय के सामने उसके बच्चे को अगर आप काट दोगे तो भी उस पर कोई असर नहीं पड़ता, वो चुपचाप खड़ी रहती। जर्सी गाय के सामने उसके बच्चे को मारोगे पीटोगे कोई असर उसके ऊपर नहीं पड़ता, वो जैसी है वैसे ही खड़ी रहती। लेकिन अगर देशी गाय के सामने उसके बच्चे को आपने थोड़ी भी तकलीफ पहुंचाई वो गाय आपको मार डालेगी। ये सबसे बड़ा अंतर है जर्सी में और देशी। दूसरा, जर्सी गाय कभी भी अपने बच्चे को पहचानती नहीं है कौन सा बच्चा उसका, देशी गाय बराबर अपने बच्चे को पहचानती, और देशी गाय का बच्चा भी अपनी आई को बराबर पहचानता। अगर 10 गाय खड़ी है और एक बच्चा है वो 10 में से अपनी आई को ढूंढ ले कौन सी उसकी आई, लेकिन जर्सी का बच्चा 2 अगर खड़ी है तो उसमें से आई को नहीं पहचान सकता कौन सी उसकी है।
जर्सी में गाय का कोई भी गुण नहीं। देसी गाय पहाड़ पे आराम से चढ़ जाती है, जर्सी कभी भी नहीं चढ़ती, वहीं बैठ जाती है। जर्सी तो चलती भी नहीं है, या तो खड़ी होती है या तो बैठती है। और देसी गाय को आप भोजन कराओ तो उसका समय पक्का है, इतने से इतने समय ही खाना खाएगी। जर्सी को कभी भी खिलाओ कभी भी खाएगी। रात को 2 बजे उठ के उसको खाना खिला दो, वो खाती रहेगी 2 बजे 3 बजे 4 बजे। उसको खाने पर कोई कंट्रोल नहीं है, इसलिए वो बीमार भी ज्यादा पड़ती है। लेकिन देशी गाय का इतना पक्का नियम है, सूर्यास्त होने के बाद देशी गाय खाने को कभी भी मुंह नहीं लगाएगी। अगले दिन जब सूर्योदय होगा तभी खाना खाओ। जर्सी को रात को 2 बजे खाने को डाल दो, वो खाती जाएगी खाती जाएगी खाती जाएगी। तो ये जो जर्सी है वो गाय नहीं है। जिन वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया उनका ये कहना है कि ये डूकर जाति की प्राणी है जर्सी, और डूकर के जीन में से इसको बनाया गया। तो घी का मतलब ये नहीं है जर्सी गाय के दूध का, घी का मतलब है देशी गाय का दूध का। तो आजकल डॉक्टरों ने, खासकर एलोपैथी के डॉक्टरों ने, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन सब लोगों के दिमाग में डाल दिया, वो ये घी मत खाओ नहीं तो हार्ट अटैक आ जाएगा, तेल मत खाओ नहीं तो हार्ट अटैक आ जाएगा। और मैं आपको आयुर्वेद की जानकारी ये दे रहा हूँ कि जो अगर आपने देसी घी नहीं खाया और तेल नहीं खाया तो जरूर हार्ट अटैक आएगा। इस बात को आप ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर आपने देसी गाय का घी अपनी जिंदगी में नहीं खाया और शुद्ध तेल नहीं खाया तो 101% आपको हार्ट अटैक आएगा, और 101% ये गुर्दे का त्रास होगा, कमर दुखेगी, घुटने दुखेंगे, कंधा दुखेगा, और इससे भी ज्यादा खराब खराब बीमारियां आएंगी। मूड़ व्याध हो जाएगा, बवासीर हो जाएगा, भगंदर हो जाएगा, कोष्ठबद्धता होगी, मलबद्धता होगी। जो देशी गाय का दूध नहीं खाया और शुद्ध तेल नहीं खाया तो लगभग आपको 23 बीमारियां होंगी, 23 रोग होंगे। इसलिए भोजन में देशी गाय का दूध और शुद्ध तेल ये जरूर खाइए। इससे किसी को ना हार्ट अटैक आता है ना किसी को डायबिटीज होती है। हार्ट अटैक किससे आता है वो समझ लीजिए, डालडा खाएंगे, रिफाइंड तेल खाएंगे, जरूर हार्ट अटैक आएगा। डालडा खाएंगे, रिफाइंड तेल खाएंगे, जरूर आपको डायबिटीज होगी। डालडा खाएंगे, रिफाइंड तेल खाएंगे, जरूर आपको अस्थमा होगा, ब्रोंकियल अस्थमा होगा। डालडा खाएंगे, रिफाइंड तेल खाएंगे, सब तरह की एलर्जी आपके शरीर में आएगी। तो ये तकलीफ जो है वो डालडा से है, रिफाइंड ऑयल से है, देशी घी से कोई तकलीफ कभी किसी को नहीं हुई। हाँ, भैंस का भी नहीं, भैंस और जर्सी एक ही है। आप जरा सोचो, भगवान कृष्ण ने भैंस क्यों नहीं पाली? सोचो ना आप इस बात। भगवान कृष्ण के घर में 7 लाख गाय थी, एक मशी तो रख सकते थे। जिस घर में 7 लाख गाय, एक भैंस तो पाल नहीं सकते थे, नहीं रखते थे। राम जी के घर में भी कभी गाय थी, मशी कभी नहीं आई। राम जी के पिताजी दशरथ, उन्होंने भी गाय पाली, कभी मशी नहीं पाली। दशरथ जी के वंश में एक दिलीप राजा हुए, वो तो गाय के लिए इतने मशहूर थे कि गाय की जान बचाने के लिए अपना शरीर उन्होंने दान कर दिया। भारत के जितने भी महान देवी देवता हैं, दत्त भगवान, उन्होंने भी गाय पाली। कृष्ण भगवान, उन्होंने भी गाय पाली। शंकर जी के पास गाय का नंदी है, भगवान राम के पास गाय थी, मशी और भैंस सिर्फ यमराज ने पाली। और आप जान लो, यमराज मृत्यु के देवता, तो मशी का घी खाओ और दूध पियो, जल्दी से यमराज के पास जाओ, ज्यादा से ज्यादा तो वैश्रेष्ठ दूध मिलता है। हाँ, तो मशी का दूध आप अपने लिए मत लाओ, मेरी आपसे पहले भी विनती थी, मशी का दूध बंबई को पिलाओ, आप मत पियो। 40 गांव के लोग दूध का धंधा करते हैं ये मुझे माहिती है, इसलिए यहां से दूध जो बेचना है मुंबई को वो मशी का बेचो, जितना बेचना है बेचो। अपने लिए दूध अगर लाना है तो देशी गाय का लाओ। और आप 10 मशी पाल सकते हो, एक गाय तो पाल ही सकते हो ना अपने लिए।
तो अपने लिए दूध लाना है तो देशी गाय का लाओ, अपने लिए दही लाना है तो देशी गाय के दूध का बनाओ, अपने लिए तूप लाना है तो देशी गाय का दही बना के, दही का ताट बना के, ताट में से मक्खन निकाल के, मक्खन को गर्म करके ऐसे तूप बनाओ, वो तूप खाओ। इस तूप से कभी भी आपको डायबिटीज नहीं होगी, अर्थराइटिस नहीं होगी, हार्ट अटैक नहीं आएगा, अस्थमा नहीं होगा, एलर्जी नहीं होगी, जिंदगी में बहुत सारे रोग अपने आप होंगे। तो डायबिटीज है इसका मतलब आप समझ लो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो इसको कम करना है तो मैंने बता दिया सबसे आसान उपाय है डालडा खाना बंद और रिफाइंड तेल खाना बंद, कोलेस्ट्रॉल अपने आप कम हो जाए। तेल खाना हो तो शुद्ध तेल खाओ, मैंने कहा था घाणी का निकला हुआ तेल, चाहे तो शेंगा का, चाहे तो तिल का, चाहे तो नारियल का, चाहे तो करड़ी का, चाहे तो सरसों का, चाहे जो तेल खाना है सोयाबीन छोड़कर और पामोलिन छोड़कर, कोई भी तेल खाओ शुद्ध तेल खाओ, घी खाओ, तूप खाओ, देशी गाय के दूध का, तो आपकी जिंदगी में बहुत सारे रोग अपने आप ही खत्म होने हैं। जी बिल्कुल नहीं, कल मैंने जानकारी दी थी फिर दोहरा देता हूं, सोयाबीन में प्रोटीन बहुत है, ये आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन जो प्रोटीन है उसको पचाने के लिए एंजाइम एक लगता है, वो एंजाइम मनुष्य के शरीर में नहीं बनता, वो एंजाइम पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ डूकर के शरीर में बनता, तो डूकर अगर सोयाबीन खाएगा तो उसको हजम हो जाएगा, डूकर ही है जो सोयाबीन को पचा सकता है, बाकी कोई नहीं पचा सकता, इसलिए यूरोप के देशों में डूकरों को सोयाबीन खिलाया जाता है, फिर वो डूकर का मांस वहां के लोग खाते हैं। सूर्यफूल का चल सकता है, सूर्यफूल का तेल चल सकता है, लेकिन आप जिस क्षेत्र में रहते हैं इस भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से सबसे अच्छा तेल है वो शेंगा का, मूंगफली का तेल आपके लिए सबसे अच्छा है। आप जहां रहते हैं ये इलाका है, यहां थोड़ी हवा खुश्क है, नमी वाला इलाका हो तो वहां पर ये तेल बहुत अच्छा होता है, सूरजमुखी वाला, लेकिन आप ऐसे इलाके में नहीं रहते जहां नमी बहुत है, यहां की हवा में खुश्की है, सूखापन ज्यादा, तो इसलिए मूंगफली का तेल आपके लिए सबसे अच्छा है। और दूसरे नंबर पर सबसे अच्छा तेल आपके लिए है वो तिल का है, तिल का आप खा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मूंगफली का है। आज मैं आपसे रोगों की ही बात करूंगा और चिकित्सा की बात करूंगा, डायबिटीज पे बात शुरू हो गई है, डायबिटीज रोग क्या है वो मैंने सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है, और डायबिटीज ना हो उसके लिए मैंने आपको उपाय बताया है कि आप जैसे ही डालडा खाना बंद करेंगे और रिफाइंड तेल खाना बंद कर देंगे डायबिटीज आपकी अपने आप खत्म हो जाएगी, नहीं आएगी जिंदगी। अब और एक दो माहिती दे देता हूँ डायबिटीज के बारे में, क्योंकि ये रोग आजकल बहुत हो गया है, हमारे भारत के ऐसे ऐसे लोगों को ये रोग आ गया है जिनकी कभी कल्पना नहीं करते थे कि उनको डायबिटीज हो सकता है, गांव में शेतकड़ी बंधुओं को अब डायबिटीज होने लगा, जबकि कोई जीवन में कल्पना नहीं करता कि शेतकड़ी को भी डायबिटीज होना चाहिए। ये डायबिटीज के सबसे बड़े कारणों में एक मैंने आपको बताया, खान पान में हमारा बहुत कुछ बदल हो गया है, जाहिरात देख देख कर टीवी का हमारा दिमाग इतना खराब हो गया है कि हम जो भी तेल लाते हैं वो रिफाइंड तेल घर में आता है, डिब्बा बंद तेल लाने लगे हैं वो सब ज्यादातर रिफाइंड तेल है, और रिफाइंड तेल के साथ उससे भी ज्यादा खराब तेल आ गया है पामोलिन तेल, जितना ज्यादा पामोलिन तेल और रिफाइंड तेल आप खाएंगे उतना ज्यादा डायबिटीज होने वाला है, तो इसलिए आप अपनी जिंदगी में अगर रिफाइंड तेल और ये डिब्बे बंद तेल और ये डालडा और ये सब बंद करेंगे तो डायबिटीज नहीं होने की आपकी जिंदगी में गारंटी है और आधार तैयार होता है। अब प्रश्न आता है कि डायबिटीज हो जाए तो क्या करें, पहला काम तो यही करिए डालडा बंद करिए, रिफाइंड तेल बंद। अब दूसरा काम क्या करें, दूसरा काम आप अपना भोजन ऐसा करिए जिसमें मांस बिल्कुल ना आए, भोजन ऐसा करिए जिसमें मांस बिल्कुल भी ना हो, माने संपूर्ण शाकाहारी भोजन शुरू कर दीजिए, किसी भी तरह का मांस मत खाइए, अंडा भी जो है ना वो मांस है, अंडा शाकाहारी नहीं है वो भी मांस है, तो अंडा है, मछली है, मीट है, मीट चाहे वो मुर्गे का हो, मुर्गी का हो, भैंस का हो, बकरे का हो, बकरी का हो, गाय का हो, किसी का भी हो, डुकर का हो, किसी भी तरह का मीट मत खाइए, किसी भी तरह का अंडा मत खाइए, डायबिटीज बहुत जल्दी ठीक होगी।
और तीसरा और आखिरी उपाय खाने पीने के संबंध में वो ये कि आप जो कुछ भी खाना खाते हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा ऐसी चीजें खाइए जिनमें फाइबर बहुत होता है, रेशा बहुत होता है। डायबिटीज के लिए एक सूत्र बनाया है, हाई फाइबर लो फैट डाइट। हाई फाइबर, फाइबर माने जिनमें रेशे का तत्व ज्यादा हो ऐसा भोजन खाइए। अब रेशे का तत्व ज्यादा है ऐसा भोजन क्या है, मैं आपको कुछ नाम गिनाता हूं, आप ध्यान रखिए उनका। सबसे ज्यादा रेशा है दालों में, मूंग की दाल सबसे ज्यादा, मसूर की दाल सबसे ज्यादा, चने की दाल बहुत रेशा है, तुअर की दाल उसमें भी काफी रेशा है। सबसे कम रेशा होता है वो उड़द की दाल में। तो उड़द की दाल छोड़कर, सोयाबीन की दाल छोड़कर कोई भी दाल खाइए जिनको डायबिटीज है। और अन्न में किसमें सबसे ज्यादा रेशा है, अन्न में सबसे ज्यादा रेशा होता है जवारी में। तो जिनको भी डायबिटीज है उनको हमेशा जवारी की भाकरी खानी चाहिए या जवारी की रोटी खानी चाहिए। और सबसे कम अन्न में जो रेशा है वो है गेहूं में, तो गेहूं सबसे कम खाना चाहिए। जिनको भी डायबिटीज है उनको हमेशा ध्यान रखना है गेहूं की रोटी कम, जवारी की रोटी जास्ती। चावल जरूर खाइए, लेकिन कौन सा चावल खाएं? अभी बाजार में दो तरह के चावल आते हैं। एक चावल आपने देखा है जो दिखने में लाल लाल सा होता है, गुलाबी सा, लाल लाल सा, रेड कलर का, देखा? उसको कहते हैं बिना पॉलिश किया हुआ चावल। ये जो बिना पॉलिश किया हुआ चावल है ये डायबिटीज के किसी भी मरीज की सबसे अच्छी दवा है, सबसे अच्छी औषधि है, क्योंकि बिना पॉलिश किए हुए चावल में सबसे ज्यादा फाइबर होता है। तो आप बाजार में जाइए, किसी भी दुकान से चावल खरीद कर लाइए, लेकिन उसको बोलिए कि हमको ऐसा चावल दो जिसकी पॉलिश नहीं की गई। पॉलिश किया हुआ चावल एकदम सफेद होता है और बिना पॉलिश किया हुआ चावल थोड़ा लाल लाल रंग का होता है और थोड़ा मोटा होता है, जाड़ा होता है। तो वो मोटे वाला चावल, लाल रंग वाला चावल, ये आप भरपेट खा सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन सफेद चावल खाएंगे तो डायबिटीज बढ़ेगा, माने शुगर बढ़ेगी, इसलिए सफेद कभी भी बंद करें। अब थोड़ा आगे चलते, डायबिटीज के मरीज को गाय के दूध के अलावा किसी भी जानवर का दूध नहीं चलता, बकरी का चलता है। उनको जिनको अस्थमा होता है, अस्थमा ट्यूबरकुलोसिस, ये दो बीमारियों में बकरी का दूध सबसे उत्तम है। लेकिन डायबिटीज के मरीज को सबसे अच्छा दूध जो है वो देशी गाय का है। तो अगर डायबिटीज के मरीज को दूध पीना है तो देशी गाय का पिए, और उसको कैसे पीना है वो जरा ध्यान से देखें। देशी गाय के दूध को गर्म करें, गर्म करने के बाद वो ठंडा हो जाए, ठंडा होने के बाद उसके ऊपर से मलाई निकाल दें, फिर दोबारा गर्म करें, फिर एक बार ठंडा करें, फिर एक बार मलाई निकाल दें, फिर तीसरी बार गर्म करें, फिर ठंडा करें, फिर मलाई निकाल दें। तीन बार मलाई निकालने के बाद जो दूध बचा ये डायबिटीज के पेशेंट को पीना चाहिए, और वही दूध का दही बनाना चाहिए और वही दही की ताक खानी चाहिए, और उसी दही को आगे भी चाहें तो दूसरे तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा ऐसा भोजन करें जिसमें फाइबर बहुत है। तो मैंने कहा मूंग की दाल बहुत अच्छी है, मसूर की दाल बहुत अच्छी है, चने की दाल बहुत अच्छी है, तुअर की दाल अच्छी है, उड़द की दाल कभी नहीं खाना, सोयाबीन की नहीं खाना, क्योंकि इसमें फाइबर सबसे कम है। अन्न में उड़द नहीं, उड़द के पापड़, उड़द के पापड़ भी नहीं, डायबिटीज के मरीज को नहीं, स्वस्थ अगर आदमी है तो वो खा सकता। अभी अन्न में मैंने बोला सबसे ज्यादा जवारी की रोटी खानी है, जवारी के बाद जो सबसे अच्छी रोटी है आपके लिए बाजरी की है, उसके बाद तीसरे नंबर पर जो सबसे अच्छी रोटी है वो मक्की की है। गेहूं की रोटी सबसे कम खाएं उतना अच्छा है, और गेहूं की रोटी खानी ही पड़े तो उसमें चने का आटा मिला के खाएं, माने बेसन, गेहूं के आटे में चने का आटा मिलाएं, बेसन मिलाएं, दोनों की मात्रा बराबर रखें, उसकी रोटी बनाकर खाएं जिनको डायबिटीज है उनके लिए। और सब्जियां क्या खा सकते हैं आप? बटाटा छोड़कर कोई भी सब्जी खाए, बटाटा नहीं, आलू नहीं, पटेटो छोड़कर कोई भी सब्जी खाए। हरे पत्ते की सब्जी खाएंगे तो सबसे अच्छी पालक है,
मेथी है, चौलाई है, भिंडी है, करेला है, और एक बहुत अच्छी सब्जी आती है सेम की फली को मराठी में क्या कहते हैं, सेम फली आती है, सेम फली कहते हैं, चौड़ी, चौड़ी कहते हैं, शेवगा, अगर शेवगा कहते हैं तो वो सबसे अच्छी सब्जी है डायबिटीज वालों। दो सब्जियां सबसे अच्छी है, एक तो ये शेवगा और दूसरा मैंने बोला करेला। तो डायबिटीज के मरीजों को बटाटा छोड़कर सब सब्जी चलती है, लेकिन सबसे अच्छी करेला, दूसरे नंबर पर शेवगा, फिर बाकी कोई भी हरे पत्ते की, मेथी की खाएं, पालक की खाएं, चौलाई खाएं, ये सब हरे पत्ते की सब्जी आप भरपेट खा सकते हैं। और डायबिटीज के मरीज को कोई भी फल अच्छा है, लेकिन ऐसे फल सबसे अच्छे हैं जो थोड़े खट्टे होते हैं, जैसे संतरा, जैसे मौसमी, जैसे द्राक्ष, जैसे टमाटर, ये थोड़े खट्टे होते हैं, ऐसे फल थोड़े बेहतर होते हैं। केला कम अच्छा है, लेकिन केले से ज्यादा अच्छा ये ही फल है जो रसीले भी हैं और थोड़े खट्टे। जामुन बहुत अच्छा है, खट्टा है, रसीला भी है। जो भी फल में थोड़ी खटास है, सिट्रिक एसिड जिस फल में भी है, वो सब डायबिटीज के लोगों के लिए अच्छे है। इमली बहुत अच्छी है, इमली का पानी अगर पी सके खाने के बाद तो अद्भुत परिणाम आपको आएगा डायबिटीज के लोगों को। तो ऐसा भोजन आप अपने डायबिटीज के लोगों के लिए तय कर दीजिए। अब भोजन हो गया, अब आखिरी चीज बताता हूं डायबिटीज के लिए औषधि क्या। अगर डायबिटीज की सबसे अच्छी औषधि मैं बात करूं तो वो आपके घर में है, स्वयं पाक घर में है, बाजार से लाने की जरूरत नहीं उस औषधि की, स्वयं पाक घर में है। मैंने एक बार सूची बनाई थी, 108 औषधियां हैं स्वयं पाक में, हमको माहिती नहीं है। माहिती क्यों नहीं है, कोई बताता नहीं। स्कूल कॉलेज में फालतू बातें बहुत बताते हैं, काम की कुछ नहीं बताते। मैं पूरी जिंदगी स्कूल और कॉलेज में पढ़ता रहा, किसी ने मुझे नहीं बताया कि स्वयं पाक घर में डायबिटीज की औषधि क्या है, और फालतू बहुत बताया मुझे x प्लस वाई होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, क्या करूं इसका, मुझे आज तक माहिती नहीं। एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई होल क्यूब, एक्स प्लस वाई होल क्यूब, ऐसे ऐसे कचरा चीज मुझे पढ़ाई, जिंदगी में कभी काम नहीं आई। और जो काम की चीज है कि डायबिटीज कौन सी औषधि से ठीक होता है, वो किसी ने नहीं बताया, ये बहुत बाद में मेरे को समझ में। डायबिटीज की सबसे अच्छी औषधि अपने स्वयं पाक घर में है मेथी का दाना, आप इसको किसी को भी बता सकते हैं, जिसको भी शुगर की बीमारी है, डायबिटीज की बीमारी है, उसको आप बोलिए मेथी का दाना खाना। अब कैसे खाना, खाने का तरीका है बहुत जरूरी, वो ही बहुत महत्व का है। वैसे तो मेथी का दाना है पाउडर बना के आप ले सकते हैं, ये तरीका अच्छा नहीं है डायबिटीज के। सबसे अच्छा तरीका है मेथी के दाने को रात में पानी में डालना, एक चम्मच मेथी दाना एक गिलास पानी में रात को डालना, रात्रि पर्यंत उस पानी को रखना, सुबह सुबह सोकर जब उठे तो वो दाने का पानी पहले पीना, पीछे से वो दाने को चबा चबा के खाना, ये तरीका है। एक चम्मच मेथी दाना एक गिलास पानी में रात को डालना, सकाड़ी वो पानी को पीना, पीछे से दाने को चबा के खाना, ये तरीका है। अगर किसी ने भी 3 महीने ये कर लिया, उसकी डायबिटीज समाप्त हो जाएगी, बिना इंसुलिन के, बिना एक पैसे के खर्च। मेथी का दाना बहुत सस्ता मिलता है, हर घर में है, ज्यादा खर्चा नहीं लगता। मेथी के दाने का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और मेथी के दाने की एक्सपायरी डेट भी नहीं, कोई एक्सपायरी डेट। सब्जी करें तो अच्छी है, लेकिन पूरा लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप सब्जी खाएं मेथी के दाने की तो 6-7 महीने खाने पड़ेगी, तब जाके डायबिटीज ठीक होगी। लेकिन दाना पानी में डाल के अगर 3 महीने ही खा लिया तो आप ठीक हो जाएंगे, तो आपको जैसा लगे वैसा कर लीजिए। आप मेथी दाने को पाउडर बना के पानी में मिला के भी पी सकते हैं, लेकिन ऐसा 5-6 महीने करना पड़ेगा, तब असर आएगा। दाने को सीधे पानी में डाल के चबा के खाएंगे, असर 3 महीने में ही आ जाएगा। अब जो आपको पसंद हो आप कर लीजिए।
मेथी के लाड़ू जरूर खाइए, जरूर खाइए। मेथी के लाड़ू बनाइए गाय के तूप में और गुड़ में, गुड़ गाय का तूप और मेथी के लाड़ू बनाइए, भरपूर खाइए। सर्दियां आ जाए तो रोज खाइए। 3 महीने सर्दी चलती है, कभी कभी 4 महीने भी चलती है, तो सर्दी के दिन रोज एक मेथी का लाड़ू जरूर खाइए। और ये मेथी का लाड़ू उनको तो अच्छा ही है जिनको डायबिटीज है। मैं आप सबको माताओं बहनों को एक जानकारी दे देता हूँ, ये मेथी का लाड़ू इतनी अच्छी दवा है, ऐसी किसी भी आई के लिए जिसको सिजेरियन ऑपरेशन हुआ, आजकल बहुत होता है। आजकल तो जब भी मैं किसी से पूछता हूं सबको ही सिजेरियन होता है, नॉर्मल डिलीवरी होता ही नहीं। क्यों? ये डॉक्टरों की बेईमानी और हरामखोरी का प्रमाण। हाँ, मैं आपको हाथ जोड़कर एक विनती करता हूं, आप बीमारी से नहीं डॉक्टर से बचो। बीमारी खतरनाक नहीं है, डॉक्टर खतरनाक। ये पता है डॉक्टर क्या करते हैं? आई को डराते हैं। आई को गर्भावस्था है, आप जाते हैं डॉक्टर के पास, वो डराना शुरू कर देता है, ओ आपको कॉम्प्लिकेशन है, बच्चा स्वस्थ नहीं होगा, मर सकता है, पैसेज बहुत छोटा है, शरीर में कैल्शियम कम है, आपको हीमोग्लोबिन कम हो गया है, अभी तो बच्चे को काट के ही निकालना पड़ेगा। तो आई को डराते हैं, आई के घर वालों को डराते हैं, वो बेचारे सब तैयार हो जाते हैं और डॉक्टर का धंधा चल पड़ता है। अगर डिलीवरी नॉर्मल हो तो डॉक्टर को 500-700 रुपए मिलेगा, और अगर उसने सीजर कर दिया तो 40-45 हजार रुपए तो बन गया उसका। अक्सर क्या होता है, जो आई को सीजर होता है उसको तकलीफें क्या है ये डॉक्टर कभी नहीं जानता और समझता भी नहीं। सबसे बड़ी तकलीफ क्या होती है, सीजरियन के बाद आई का जो गर्भाशय है वो अपने स्थान से हट जाता है कई बार। उस बीमारी का नाम है यूट्रस डिस्प्लेसमेंट, गर्भाशय का अपने स्थान से हटना। और अगर ये हट गया तो डॉक्टर के हाथ पांव फूल जाते हैं। फिर वो बोलता है आगे, पता है क्या बोलता, अरे अब तो ये हट गया है, इसकी कोई औषध नहीं है, दुनिया में नहीं है, अभी क्या करें? आप बोलोगे क्या करें, इसको काट के निकाल। अब उस मूर्ख डॉक्टर को ये पता है, पूछने की जरूरत है कि अगर इसको काट के निकालना है तो भगवान ने दिया क्यों? और जो आई को गर्भाशय कट करके निकाल दिया डॉक्टर ने, उस आई को जिंदगी भर त्रास होगा, उसकी कोई दवा दुनिया के किसी डॉक्टर के पास नहीं। क्यों? गर्भाशय बहुत बड़े काम करता है शरीर के लिए, वो सारे काम रुक जाते हैं गर्भाशय काट के निकाल देने के बाद। आई के शरीर का हार्मोनल बैलेंस पूरा टूट जाता है, और हार्मोनल बैलेंस टूटेगा तो आई को जिंदगी भर पीठ का दर्द होगा, जिंदगी भर, वो मरने के बाद ही जाएगा। फिर उस आई को ये जांघा का दर्द होगा, फिर मुर्गे का दर्द होगा, फिर यहां कंधे का दर्द आ जाएगा, फिर जिंदगी भर ये दर्द में तड़पते तड़पते आई चली जाएगी। डॉक्टर के पास फिर दोबारा जाएंगे तो कहेगा मैं और कुछ नहीं कर सकता। तो मेरी आप सभी को एक विनती है कि आपके घर में कोई आई को गर्भावस्था है तो डॉक्टर की बात भूल के भी मत सुनिए। वो कहता है ऑपरेशन कराओ, कहते हैं कि नहीं कराएंगे, तो वो आपको डराएगा, बच्चा मर सकता है, तो कहना भगवान के हाथ में है मरना और जिंदा होना, वो तुम्हारे हाथ में नहीं, जिसको मरना है मरेगा, जिसको जिंदा रहना है वो रहेगा, तुम तुम्हारी अपनी बात अपने पास रखो, हम हमारे घर में काम कर लेंगे। अब आप बोलेंगे कि फिर हम करें क्या? ऐसी स्थिति में ये जो मेथी के लड्डू है ना, ये बड़े काम की चीज है। जिस आई को गर्भावस्था में मेथी के लड्डू आपने थोड़े दिन भी खिला दिए, मेरी गारंटी है कि उसको सीजेरियन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मेथी के लड्डू पीछे से आवाज आई, जरूर खाइए, और उस आई को खिलाइए जिसको गर्भावस्था है। और इससे भी ज्यादा जरूरी एक और माहिती दे देता हूं कि अगर किसी आई को किसी कारण से यूट्रस डिस्प्लेसमेंट हो गया, गर्भाशय अपने स्थान से हट गया, तो उसकी दुनिया में एक ही दवा है और वो यही है मेथी के लड्डू, उसके अलावा कोई दवा ही नहीं है उसकी। तो जिस आई को गर्भाशय अपने स्थान से हट गया है उसको नियमित रूप से मेथी के लड्डू खिलाइए। लड्डू बनाना आप सब जानते हैं, मेथी के लड्डू नियमित रूप से अगर आपने खिलाए गाय के दूध के साथ
तो 3-3.25 महीने के अंदर आई का गर्भाशय वापस अपने स्थान पर स्थित हो जाता है और उसकी जिंदगी में जो त्रास होने वाला है वो सब दूर हो जाता है। इसलिए मेथी जो है बहुत अद्भुत औषधि है, अपने घर में जरूर रखिए। डायबिटीज के लिए काम आती है, आई को गर्भावस्था में काम आती है, यूट्रस डिस्प्लेसमेंट की सबसे अच्छी दवा है। और यही मेथी और भी कई रोगों में काम आती है। और क्या रोगों में काम आती है? अगर आपके शरीर में वात से संबंधित कोई भी रोग हो गया तो ये मेथी ही सबसे अच्छी औषधि है। वात से संबंधित रोग, गुर्दे दुखना, ये वात का रोग है। ये टांच दुखना वात का रोग है। एड़ी में दुखना ये वात का रोग है। हड्डियों में, जॉइंट्स में दुखना ये वात का रोग है। कंधे में दुखना वात का रोग है। मनके का त्रास वात का रोग। ये सभी वात के रोग की सबसे अच्छी औषधि यही है, मेथी का दाना। खाने का तरीका मैंने बता दिया, 1 चम्मच रात को 1 गिलास पानी में डालिए, सुबह उठकर वो पानी पीना है, पीछे से मेथी दाना चबा चबा के खाना। इसी मेथी दाने से और भी एक रोग ठीक होता है। वो रोग क्या है? रक्त के अंदर, अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था ना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया हो, तो इसी मेथी के दाने की ताकत है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। माने आपने बहुत दिन डालडा खाया है और बहुत दिन सोयाबीन तेल खाया और बहुत दिन रिफाइंड तेल खाया, तो थोड़े दिन अब मेथी का दाना खा लो तो आगे की जिंदगी ठीक रहेगी। जितने दुष्परिणाम हुए हैं डालडा खाने से, रिफाइंड तेल खाने से, उन सबको बाहर निकालने की ताकत इसमें है, मेथी के दाने में। रक्त के अंदर कोलेस्ट्रॉल, जो खराब कोलेस्ट्रॉल है, जिसको LDL कहते हैं, VLDL कहते हैं, उसको कम करने की सबसे ज्यादा शक्ति मेथी के दाने में है। तो मेथी का दाना उस रूप में भी काम आता है। कोलेस्ट्रॉल आप समझते हैं, ये वही बीमारी है जिससे हृदय घात आता है, ये वही बीमारी है जिससे डायबिटीज होती है, तो मेथी का दाना इसमें भी चलता है। और एक बीमारी में मेथी का दाना काम आता है, और वो बीमारी है हाई ब्लड प्रेशर। रक्त का दबाव ऊंचा हो गया, जिनको भी रक्त का दबाव ऊंचा हो गया उनको कहिए मेथी का दाना खाओ, 10 से 15 दिन में ही रक्त का दबाव सामान्य हो जाता है। बिल्कुल नहीं करता। अगर वायु का रोग आपको है तो मेथी का दाना बिल्कुल गर्म नहीं करता। जिनको स्वस्थ है शरीर उनको गर्म करेगा, लेकिन जिनको वायु का रोग है उनके लिए तो वो सबसे अच्छी औषधि है मेथी का दाना। 3 महीने ले लीजिए, सामान्य रूप से सभी रोगों में 3 महीने आप ले लीजिए। 3 महीने से ज्यादा लगातार मेथी दाना लेने की कभी भी जरूरत पड़ती नहीं है, 3 महीना मैक्सिमम होता है, 90 दिन काफी होता है। तो कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए मेथी का दाना, शरीर का ट्राइग्लिसराइड कम करने के लिए मेथी का दाना, शुगर कम करने के लिए मेथी का दाना, ब्लड प्रेशर कम करने के लिए मेथी का दाना, यूट्रस डिस्प्लेसमेंट ठीक करने के लिए मेथी का दाना, ऐसे ऐसे मैंने 48 रोगों में उपयोग किया है मेथी का दाना, सभी रोगों में इसके बहुत अच्छे परिणाम। मेथी दाने का पानी लेने के बाद चाय दूध पीना हो तो? नहीं, 1 घंटे तक नहीं, 1 घंटे बाद। मेथी दाना पीने के, खाने के 1 घंटे बाद कुछ भी खा पी सकते हैं, चाय ना पिए तो अच्छा, क्योंकि चाय और मेथी दाने की दुश्मनी, मेथी दाना और चाय की दोस्ती नहीं है, मेथी दाना और चाय की दुश्मनी है। तो आप बोलेंगे चाय की जगह क्या पिए, दूध पी लो, दूध और मेथी दाने की दोस्ती है। दूध की जगह ताक पी लो, ताक और मेथी दाने की दोस्ती है। दही खा लो, ताक पी लो, और जूस पी सकते हैं कोई भी। चाय पियोगे तो मेथी दाने का असर कम होता है चाय से, चाय का असर मेथी दाना कम करता है, मेथी दाने के असर को चाय कम करता है, दोनों एक दूसरे से दुश्मन है। तो मेथी दाने का आप कभी भी जीवन में उपयोग करिए, बहुत अच्छे परिणाम। और आप बोलेंगे जी हम तो सब बीमारियों से मुक्त हैं, स्वस्थ हैं, तो क्या हम ले सकते हैं? आप भी चाहें तो ले सकते हैं, बीच बीच में थोड़े दिन छोड़ छोड़ कर। जो कोई स्वस्थ व्यक्ति मेथी दाना खाना चाहता है इसके लिए कि भविष्य में उसको कोई बीमारी ना हो, तो 15-20 दिन लगातार खाओ, फिर 15-20 दिन का गैप दे दो, फिर 15-20 दिन खाओ, फिर गैप दे दो, फिर खाओ, फिर गैप दे दो, ऐसा करके आप खा सकते हैं। सर पुदीना खाने से क्या फायदा? 1 मिनट रुक जाइए, मेथी दाने की बात चल रही है, आप पुदीना में पहुंच गए। मेथी दाने को स्वस्थ व्यक्ति भी खा सकता है, लेकिन बीच बीच में छोड़कर, लगातार उसे नहीं खाना चाहिए, लगातार उसी को खाना चाहिए जिसको बीमारी है। ठीक है,
अब इस मेथी दाने के कुछ और उपयोग भी बता देता हूँ, बहुत अद्भुत है। गायत्री परिवार के जीवन कल्प शुरू करके मिट्टी का दाना गोमूत्र और देसी गाय का दही आती है, हाँ ले सकते हैं। तो गायत्री परिवार की मिलती बाजार में, वो अच्छी है, आप भी उसे बना सकते हैं। वो कैसे बनता है मैं बता देता हूँ। देसी गाय का मूत्र ले लीजिए, उसमें मेथी दाना डाल दीजिए, रात्रि पर्यंत उसको रखा रहने दीजिए मूत्र में, सवेरे उस मूत्र में से मेथी दाना निकाल लीजिए, और जहां सूर्य का प्रकाश ना आता हो ऐसी छांव में, सावली शायद मराठी में कहते हैं, वहां उसको सूखने को डाल दीजिए। 3 दिन में वो सूख के तैयार हो जाएगा, डिब्बे में भर के रख लीजिए, इसका असर 3 गुना बढ़ जाएगा अगर आपने ऐसे तैयार करके मेथी दाना खाया। वो आप ले सकते हैं, बाजार में मिलती है तो ले सकते हैं, लेकिन उसके तैयार करने की विधि क्या है वो मैंने बता दी है, आप चाहे तो आप खुद भी तैयार कर सकते हैं। मेथी दाने के और कई प्रयोग मैं आपको बताता हूँ, अद्भुत है ये मेथी दाना। कई बार छोटे छोटे बच्चों को कान में दर्द होता है, बहुत तेज होता है, और इतना तेज होता है कि बेचारे वो चिल्लाते ही रहते, फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो कोई पेन किलर दे देगा, इंजेक्शन लगा देगा, जितनी देर उसका असर रहेगा उतनी देर बच्चा शांत रहेगा, फिर दर्द शुरू होगा, फिर चिल्लाएगा। ऐसे किसी भी बच्चे को दर्द है, बहुत तेज दर्द है, तो सरसों का तेल या नारियल का तेल या तो गाय का शुद्ध घी, जो भी आपके घर में है, इसमें मेथी दाना डाल के गर्म करें, खूब गर्म करें, और गर्म करके थोड़ी देर के बाद उसको ठंडा करें, और ठंडा करने के बाद उसको एक थेम कान में डाल दें, एक ही थेम डालेंगे, 5 मिनट में दर्द बंद हो जाए, 5 ही मिनट में दर्द बंद हो, और शायद दोबारा डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और दोबारा दर्द नहीं आएगा। तो ये मेथी दाने का ऐसा भी एक उपयोग, और एक उपयोग बताता हूं मेथी दाने का। दूसरे तेल में आपके पास अगर शुद्ध नारियल का तेल है, देशी गाय का घी है और शुद्ध सरसों का तेल है, और अगर चाहिए तो शुद्ध तिल के तेल में भी चल जाता है। अगर बच्चा थोड़ा समझदार है तो आप चाहें सीधे मेथी दाना ही कान में डाल दीजिए, हाँ, और 5 मिनट उसको बोलिए कान को ऐसे ही रखिए, थोड़ी देर के बाद कान को वो ऐसे करेगा तो मेथी दाना अपने आप कान से निकल जाएगा और उसके बाद दर्द भी निकल जाएगा। बिल्कुल निकलेगा, आप परेशान मत होइए, दर्द जैसे ही खत्म हुआ कान नीचे करते ही दाना निकल गया। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं निकला, अटक गया, तो उस कान में थोड़ा गुनगुना कोमट पानी डाल दीजिए, पानी के साथ निकल जाए। और इसका एक उपयोग बताता हूं, मेथी दाने का बहुत अच्छा एक उपयोग है, पिछले 5-6 साल से मैं उसका एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं ऐसे पेशेंट पर जिनको नींद नहीं आती, रात भर नींद नहीं आती, ऐसे कई लोग 4-4 गोलियां खाते हैं कंपोज की, फिर भी करवट इधर से उधर बदलते ही रहते, नींद ही नहीं आती, ऐसे लोगों को क्या करिए, उनके ये 2 अंगूठे हैं ना हाथ के, राइट और लेफ्ट, ये अंगूठे का साइड का हिस्सा, ये एक साइड है, ये एक साइड है ना, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं, साइड नाखून है उसके बाजू वाला हिस्सा, दोनों तरफ यहां पर मेथी दाना रख के पट्टी से बांध दीजिए, और वो पट्टी आती है ना टेप, सेलो टेप आता है जिसपे पानी का असर नहीं होता, वो टेप बांध दीजिए, इधर 3-4 दाने रखिए टेप बांध दीजिए, इधर रखिए टेप बांध दीजिए, दोनों हाथ में, जैसे ही आप ये बांधेंगे तो 20 मिनट से लेकर 40 मिनट में बहुत जबरदस्त नींद आ जाएगी और वो सो जाएगा, और अच्छे से सोएगा। कच्चा मेथी का दाना, सीधा कच्चा मेथी का दाना नाखून के नजदीक वाले हिस्से में 5-4-5 दाने रख के ऐसे टेप से बांध दीजिए, इधर भी दोनों हाथ में, बहुत भरपूर नींद आती है। और जिनको सिरदर्द होता है आधे में, लेफ्ट हाफ और राइट हाफ जिसको माइग्रेन कहते हैं, उनको भी यही बांध दीजिए तो सिरदर्द चला जाएगा। अंगूठे में बांधने से? जी, अंगूठे के नाखून के दोनों साइड में, हाँ जी, अंदर की बात, दोनों हाथों में करेंगे तो बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा। और क्या कर सकते हैं इस मेथी दाने जी, अगर आप इसको टेप से बांधेंगे 4-5 दिन उसमें कुछ हरकत नहीं, बंधा रहने दीजिए, 4-5 दिन के बाद फिर टेप निकालिए, नया मेथी का दाना भर दीजिए, फिर बांध दीजिए,
इस पर बस इतना ही ध्यान रखिए, पानी ना गिरे, मेथी का दाना गीला ना हो, जब तक गीला नहीं है तब तक वो काम करे। और एक इसका आप चाहे तो प्रयोग कर सकते, शरीर में कहीं भी दर्द हो रहा है, बहुत तेज दर्द हो रहा है और आपके पास कोई गोली नहीं है, कोई दवा नहीं है और दर्द आपको कम करना है, तो जिस स्थान पर भी दर्द हो रहा है वहीं पे 4-5 दाने मेथी के रखिए और पट्टी लगा दीजिए सेलोटेप, 10 मिनट के अंदर ही दर्द चला जाएगा। जहां भी दर्द हो रहा है, मान लीजिए यहां दर्द हो रहा है, माथे पर मेथी दाने रखिए और एक पट्टी लगा दीजिए, 5-7 मिनट आराम से बैठ जाइए, दर्द कम होना शुरू होगा, थोड़ी देर में खत्म। मेथी के दाने में ऐसा क्या है आप ये पूछोगे जो ये सब करता है? भगवान ने इसको अद्भुत बनाया। वैसे तो अपने स्वयं पाक घर में बहुत सारी औषधियां हैं लेकिन ये विशेष औषधि है, इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर सबसे ज्यादा है। सभी वस्तुओं में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, मेथी दाने में सबसे ज्यादा। ये बिल्कुल चुंबक की तरह से काम करता है मेथी दाना। यहां अगर दर्द है तो यहां बांध लो, मेथी का दाना रखो, पट्टी बांध लो, सब दर्द को खींच लेते। गुर्गे का भी, गुर्गे का दर्द हो, एड़ी का दर्द हो, हाथ की कोहनी का दर्द हो, कहीं भी दर्द है, इसमें खींचने की ताकत है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इसका बहुत है, दूसरे सभी औषधियों की तुलना। इसलिए मैं सबको बोलता हूं, स्वयं पाक घर में कुछ हो या ना हो, मेथी का दाना जरूर रखिए, सस्ता है, ज्यादा महंगा आता नहीं। मैंने बोला एक्सपायरी डेट कुछ नहीं है, 2 साल, 5 साल, 10 साल भी खराब होता नहीं है और कहीं भी किसी भी गांव में आसानी से मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि थोड़ा कम ज्यादा हुआ तो साइड इफेक्ट इसका कुछ भी नहीं है, आपको तकलीफ नहीं करेगा, ये फायदा नहीं किया तो तकलीफ तो कुछ नहीं कर देगा। और यही मेथी का दाना और एक काम में आता है, अगर किसी ने कुत्ते ने काट लिया और घाव हो गया तो आप मेथी के दाने की चटनी बनाइए और उस घाव पर लगा दीजिए, कुत्ते के काटे हुए घाव को सबसे तेजी से भरने की ताकत इसमें है, इंजेक्शन लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेथी का दाना पानी में डाल के खाइए, बांध लीजिए सिर पे, पॉइंटेड पेन कहीं भी है, पूरे सिर में है तो बांधने का काम नहीं चलेगा, फिर तो खाइए मेथी का दाना, खाने से बिल्कुल ठीक होगा। पॉइंटेड पेन कहीं भी है शरीर के किसी भी हिस्से में, बांध दीजिए, पट्टी लगा दीजिए, तुरंत असर दिखेगा उसका। हृदय पे भी बहुत अच्छा परिणाम है, अगर आपको हृदय की तकलीफ है तो हृदय क्षेत्र में रोज रात को मेथी दाने की पट्टी लगा के वो लगा दीजिए सेलोटेप, बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो आप इसको खाने में उपयोग तो ले ही सकते हैं, बाहरी भी इसका उपयोग बहुत है, जिसको एक्सटर्नल यूज कहते हैं मेथी दाने। पहचानने का, मेथी का दाना सबसे अच्छा वो होता है जो छोटा हो और तीखा हो, खाने में जितना तीखट होगा उतनी ही क्वालिटी अच्छी, देशी होगा उतनी क्वालिटी अच्छी। कब्जियत में बहुत अच्छा परिणाम करेगा, जिनको भी कब्जियत है वो रात को सोने के पहले मेथी दाने का पाउडर 1 चम्मच गर्म पानी के साथ पी के सोए, बिल्कुल कब्जियत ठीक कर देगा आपकी। वात से जुड़े हुए रोग और कफ से जुड़े हुए रोग कुल मिलाकर 73 हैं, 73 रोग हैं, वो पूरे के पूरे मेथी दाने से ठीक होते हैं। वात और कफ, पित्त को छोड़कर वात और कफ के जितने भी रोग हैं वो सबको ठीक करने की ताकत इस मेथी के दाने में है, तो आप उसको भरपूर इस्तेमाल करिए, बहुत अच्छा। और कम से कम स्वस्थ हैं तो हफ्ते में एक दिन तो मेथी दाना खा ही लीजिए, किसी ना किसी बहाने से खा लीजिए, चाहे सब्जी बना लीजिए, चाहे पाउडर ले लीजिए, चाहे गिलास पानी में भर के डाल के ले लीजिए, किसी ना किसी बहाने से मेथी दाना खाते रहिए, रक्त अच्छा रहेगा, रक्त प्रवाह अच्छा रहेगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा, ट्राइग्लिसराइड नहीं जमेगा, हार्ट अटैक नहीं आएगा, डायबिटीज नहीं होगी, गुर्दे का त्रास नहीं होगा, कमर का दर्द नहीं होगा, कंधे का दर्द नहीं होगा, नींद बहुत अच्छी आएगी, भूख अच्छी लगेगी, कब्जियत नहीं होगी, कोष्ठबद्धता नहीं होगी, मलबद्धता नहीं होगी, ऐसे बहुत सारे रोग ठीक रहे। वो भी अच्छी है, हरी मेथी की सब्जी तो पूरे साल नहीं मिलती लेकिन जितने दिन मिलती है खाइए,
तीन महीने मिलती है लगातार खाइए, चार महीने मिलती है लगातार खाइए, लेकिन मेथी का दाना पूरे साल मिलता है, कभी भी नहीं। ठीक है, अब एक आखिरी माहिती, माताओं को शरीर में गर्भाशय से संबंधित जितने रोग होते हैं वो सबकी सबसे अच्छी दवा यही है, मेथी का दाना। जैसे मासिक पाड़ी से जुड़े हुए जितने भी रोग हैं, मासिक पाड़ी समय से नहीं आती, आती है तो बहुत रक्त जाता है या बिल्कुल नहीं जाता है, या बहुत दर्द होता है, या चिड़चिड़ होने लगती है, बहुत अच्छा नहीं लगता है, गुस्सा बहुत बढ़ जाता है उस समय, ये जितने रोग हैं मासिक पाड़ी के, ये सबकी औषधि मेथी का दाना। और एक नियम है कि सभी आयु को 45-50 साल की उम्र में मासिक पाड़ी बंद होती है, उस समय शरीर में जो हार्मोन का चेंज होता है उसकी भी सबसे अच्छी औषधि यही है मेथी का दाना। तो अद्भुत है ये मेथी का दाना, आप इसको जरूर रखिए, अपने जीवन में भरपूर इस्तेमाल करें। ठीक है, अभी जितना मैंने बताया मेथी के दाने का, कोई शंका हो तो पूछ लीजिए, फिर मैं दूसरी माहिती अब देता हूँ। बट जो है जी मटका, मेथी के दाने की बात चल रही है, अंकुरण हो जाता है। हाँ ठीक है, चलेगा। अगर मेथी के दाने को भिगा के थोड़ी देर आप रखेंगे कपड़े में बांध के, गीले कपड़े में, तो अंकुरण हो जाएगा। अंकुरित किया हुआ तो बहुत ही अच्छा है, खा सके तो खाइए, उसका तीखापन बढ़ जाता है अंकुरण होने के बाद। खा सकते हैं तो जरूर खाइए, नहीं खा सकते तो वैसे ही खाइए जो पहले मैंने बताया। जी गर्मी में किसी को भी चलेगा, जिसको वात की तकलीफ है, कफ की तकलीफ है, जिनको वात और कफ नहीं है उनको गर्मी में मेथी दाना नहीं खाना चाहिए। वात और कफ की तकलीफ है तो जरूर खाना चाहिए, और वात और कफ की तकलीफ के रोग सब मैंने बता दिए, डायबिटीज, अर्थराइटिस, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा बढ़ना, मोटापा बढ़ना, ओबेसिटी होना, हृदयघात होना, ये सब वात और कफ से जुड़े हुए रोग हैं। जिनको भी ये रोग हैं उनको मेथी दाना गर्मी में भी चलता है, जिनको नहीं है उनको गर्मी में ना खाएं तो अच्छा है। हाँ संधिवात यही है, बात में ही संधि आती है, संधिवात माने अर्थराइटिस, अर्थराइटिस माने गाउट, और गाउट और ये सब एक ही फैमिली की डिसीज है, बात से जुड़ी हुई, तो उसमें मेथी दाना तो सबसे आवश्यक है और बहुत अच्छा। पाइल्स की तकलीफ वालों को अगर रक्त निकलता है तो मेथी दाना ना खाएं तो अच्छा, और अगर रक्त नहीं है, सूखा है, तो जरूर मेथी दाने से ठीक हो जाएगा। पानी में उबाल के ले सकते हैं, पानी में उबाल के मेथी दाना लेने की जरूरत नहीं है, पानी में डाल के रख दीजिए और थोड़े दिन में या थोड़ी देर उबला हुआ पानी पी सकते हैं, उबला हुआ पानी पीने की जरूरत नहीं है, मेथी दाने को गर्म करना अच्छा नहीं होता। 3-4 महीने बस, फिर बीच में एक छोटा ब्रेक दे दीजिए, फिर 3-4 महीने खा सकते हैं। जी गाय के गोमूत्र में मेथी दाना भिगो के एक दिन रख दीजिए, फिर निकाल के छांव में सुखा लीजिए, फिर उसको डिब्बे में भर के रख लीजिए, फिर उसका उपयोग करें। बाजार में गाय का घी मिलता, बाजार के घी की गारंटी नहीं देता, क्योंकि बाजार में तो घी के नाम पर बहुत कुछ मिलता है, लेकिन आपने अगर गाय पाली है, दूध निकाल के घी बनाया, तो उसकी गारंटी है। बाजार में कोई बहुत आपका खास परिचित आदमी है तो देख लीजिए, मेरे को भरोसा नहीं होता कि बाजार में शुद्ध देसी गाय का घी मिलता है, भेड़ सेड़ करके मिला देते, भैंस का भी देंगे, गाय का भी देंगे, जर्सी का भी मिला देंगे, और उनको कुछ मिल गया तो वो भी मिला देंगे। शुद्ध घी चाहिए, शुद्ध दूध चाहिए, तो गाय घर में रखिए। अगर आप स्कूटर रख सकते हैं तो गाय क्यों नहीं रख सकते, मोटरसाइकिल रख सकते हैं तो गाय क्यों नहीं रख सकते, कार रख सकते हैं तो गाय क्यों नहीं रख सकते। ये स्कूटर मोटरसाइकिल तो तेल खाता है, धुआं देता है, वो गाय तो बेचारी सूखी घास खाती है और अमृत देती है दूध, तो आप रखिए गाय घर के साथ। कोई और प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, मैं आगे चल रहा हूँ, फिर मेथी के बाद एक दूसरी जानकारी देने वाला। जी जी क्या बोला,
मासिक पानी में वही, रात को पानी में डालिए, रात भर पानी में रखा रहने दीजिए, सुबह उठकर पानी पीना है, पीछे से दाना चबा के खाना है। लेकिन आपको अगर मासिक पाड़ी की कोई भी तकलीफ है तो जब पाड़ी का समय है तब लेने की जरूरत नहीं है, पहले से ले लीजिए तो पाड़ी तक ठीक ही कर देगा। 15-20 दिन ले लीजिए, ज्यादा से ज्यादा एक महीना ले लीजिए। आगे चले, आगे चले। चलिए, एक चीज मैंने बोली मेथी का दाना, ऐसी एक दूसरी चीज और बताता हूं जो बहुत अद्भुत है, वो भी आपके घर में हो तो मजा आएगा, वो कई बीमारियों को दूर करने की उसमें भी शक्ति है, और वो है पान में लगाया हुआ चूना। चूना खाइए, हाँ चूना लगाइए मत, चूना खाइए। और मेरा सबको कहना है तंबाकू मत खाइए, चूना खाइए। हाँ चूना बहुत ही अद्भुत है, जैसे मेथी का दाना अद्भुत है ऐसे ही चूना बहुत अद्भुत है। चूने की ताकत भी यही है जो मेथी के दाने की है। वात से जुड़ा हुआ कोई भी रोग शरीर का बंद करने का, खत्म करने का, समाप्त करने का ताकत चूने में भी है। गुर्दे दुखते हैं, कमर दुखती है, कंधा दुखता है, मनके का त्रास हो गया है, हड्डी में गैप पड़ गया है, ये सभी औषधि के रूप में चूना चलता है। चूना खाइए। अब कैसे खाना, कैसे खाना, कितना खाना। चूना बाजार में मिलता है आप सब जानते हो, पान की दुकान में मिलता है आप सब जानते हो, वो चूना ले आइए। उस चूने को थोड़ा सा मात्रा में 1 ग्राम, 1 ग्राम चूना और 100 ग्राम दही, 1 ग्राम चूना 100 ग्राम दही दोनों मिलाइए और दही को खा जाइए। और दही नहीं है तो ताक, 100 ग्राम ताक 1 ग्राम चूना दोनों मिलाइए और पी लीजिए। ताक भी नहीं है तो कोई भी जूस, पूस का रस, संतरे का रस, मौसमी का रस, द्राक्ष का रस, टमाटर का रस, कुछ भी रस में चूना मिलाइए और पी जाइए। 1 ग्राम रोज के, 1 ग्राम रोज का काफी होता है। गिनके गिनके सर, 1 ग्राम कितना होता है मालूम, बिल्कुल थोड़ा सा, एक जो चम्मच होती है ना, 1 चम्मच भर के टी स्पून, उसमें लगभग 15 ग्राम चूना आता है। अब उसके 15 हिस्से कर दीजिए तो 1 ग्राम रहेगा। तो 1 ग्राम चूना 100 ग्राम दही, 1 ग्राम चूना 100 ग्राम ताक, 1 ग्राम चूना 100 ग्राम कोई भी फल का रस, और कुछ भी नहीं मिले तो पानी, पानी में चूना मिलाइए, पानी पी जाइए। तो अब क्या क्या ठीक कर देगा, गुर्दे का त्रास जिनको भी है, गंभीर से गंभीर गुर्दे का त्रास है, चूना बिल्कुल ठीक कर देगा। कमर दुखती है, चूना ठीक कर देगा। कंधा दुखता है, चूना ठीक कर देगा। मनके का त्रास है, चूने से ठीक हो जाएगा। मनके के अंदर गैप आ गया, जो दुनिया की कोई दवा ठीक नहीं कर सकती उस गैप को, चूना उस गैप को भर देता। दांत कमजोर हो गए हैं, चूने से मजबूत हो जाते हैं। दांत हिल रहे हैं, वापस जम जाएंगे। मुंह में बदबू आती है, चूना खाएंगे कभी नहीं आएगी। रात को नींद अच्छी नहीं आती, चूने से बहुत अच्छी नींद आएगी। पेट में भूख नहीं लगती, चूना खाओ बहुत अच्छी भूख लगेगी। और जिन बच्चों को ऊंचाई नहीं बढ़ती उनको चूना खिलाओ, ऊंचाई बढ़ेगी। जो भी बच्चे आपको ऐसा लगता है कि इनकी ऊंचाई नहीं बढ़ रही है, बढ़नी चाहिए, उनकी आई भी ऊंची है, बाबा भी ऊंचे हैं, लेकिन बच्चे छोटे हैं, उनको जरूर चूना खिलाए। कैसे खिलाएं, तरीका मैंने बता दिया, दही में मिला के, ताक में मिला के, जूस में मिला, कितने दिन। जिनकी ऊंच बढ़ानी है उनको लगभग 1 साल चूना खाना पड़ा, हाँ रोज 1 ग्राम 1 साल का, सुबह खाली पेट। और एक गंभीर बीमारी है जो बच्चों को अक्सर होती है, आपने देखा है कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मतिमंद है, देखा है ना, मतिमंद बच्चे, मतिमंद बच्चों की सबसे अच्छी औषधि है यही चूना। जिन बच्चों को मतिमंदता है उनको चूना खिलाइए, दही में डाल के, ताक में मिला के, 1 बरस सतत खिला दीजिए, 1 साल मतिमंदता बिल्कुल दूर हो जाए। और एक बीमारी जिसका नाम है जॉन्डिस, कावड़, पीलिया, हेपेटाइटिस, ये चारों एक ही बीमारी के नाम है। जिनको भी जॉन्डिस है, पीलिया है, कावड़ है, हेपेटाइटिस है, उनको भी चूना खिलाइए, लेकिन ऊस के रस, उनको दही में मत खिलाना कभी भी।
जिनको कावड़ है, पीलिया है, जॉन्डिस है, हेपेटाइटिस है, उनको चूना कभी भी दही में नहीं खिलाना, ताक में नहीं खिलाना, उनको ऊस के रस में चूना मिला के ऊस का रस पिलाना, तो 10 दिन में ही कावड़ ठीक होता है। प्रमाण वही, 1 ग्राम चूना, 1 गिलास ऊस का रस। और सबसे दुनिया की खराब बीमारी जिसको कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पाता, उस बीमारी का नाम है लीवर सिरोसिस, लीवर का खराब हो जाना, इतना खराब हो जाना कि खत्म होने की स्थिति में आए, उस बीमारी को भी ठीक करने की ताकत इस चूने में है, चूना खिलाइए उनको। वही तरीका मैंने बता दिया, उसके रस में। हाँ, जिनको भी लीवर का त्रास है, लीवर का त्रास जॉन्डिस में होता है, कावड़ में होता है, पीलिया में होता है, सिरोसिस में होता है, इन सबको चूना खिलाना है उसके रस में। नहीं मिलेगा तो 1 दिन पहले लाके रख लीजिए। हाँ, और कुछ भी नहीं मिलेगा किसी भी कारण से तो पानी में मिला के दे दीजिए। और चूना किस बीमारी में काम आता, बहुत ज्यादा दिन तक जिन्होंने शराब पिया है और शराब पी के शरीर उनका खराब हुआ है, उनकी सबसे अच्छी औषधि है चूना। ज्यादा दिन जो शराब पिए हुए लोग होते हैं उनके शरीर के अंदर के अंग बहुत खराब हो जाते हैं, उनको अगर ठीक करना है जिंदगी में तो उनको भी चूना खिलाना। शराबी लोगों की सबसे अच्छी औषधि है चूना। कितने दिन? लगभग 4 महीने। और चूना किसको खिला सकते हैं? कुछ ऐसे लोग आपने जिंदगी में देखे होंगे, कुछ ऐसे बच्चे भी आपने देखे होंगे जिनमें पढ़ाई करते समय कुछ खास तरह के उनके सिम्टम्स आ जाते हैं। जैसे कई बच्चों को मैंने देखा है जब परीक्षा आएगी तो बुखार आ जाएगा, तो ऐसे बच्चों की सबसे अच्छी औषधि है चूना। कोई ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल जाने के नाम से ही रोना शुरू कर देते, सवेरे हुआ स्कूल का समय आया और उन्होंने चिल्लाना शुरू किया और ऐसे ऐसे बातें बताएंगे, पेट में दर्द हो रहा है, वो उसी समय होगा जब स्कूल जाने का टाइम है, आप बोलो स्कूल मत जाओ, दर्द तुरंत ठीक हो जाएगा। ऐसे बच्चों की सबसे अच्छी औषधि है चूना। जिनको परीक्षा के नाम से डर लगता है, बुखार आ जाता है, स्कूल जाने से घबराते हैं, स्कूल जाना बिल्कुल नहीं चाहते, पढ़ाई से कतराते हैं, पढ़ना बिल्कुल नहीं चाहते, ऐसे सब बच्चों की औषधि है चूना। पानी में डाल के दे दो, दही में डाल के दे दो, ताक में मिला के दे दो, जूस में मिला के दे। और मेरी तो आप सबको एक छोटी सी सलाह है कि आपके घर में पानी भरने का तो घड़ा है ना मिट्टी का, उसमें सुबह सुबह चूना डालो, सब लोग पी लेंगे तो चक्कर ही खत्म हो गया ना। आप रोज मिट्टी के घड़े में पानी भरते हैं, पानी भरते ही थोड़ा सा चूना डाल दो, दिन भर वो पानी कोई भी पिएगा सबके शरीर में चूना जाएगा, सबके काम आएगा। कितना डालो? अगर 15 लीटर का घड़ा है, 15 लीटर का, तो उसमें कम से कम 5 ग्राम चूना डालूंगा। 20 लीटर का है तो 6 से 7 ग्राम चूना डाल दो, और 30 लीटर वाला घड़ा है सबसे बड़ा तो उसमें 10 ग्राम तक चूना डाल दो। चूना वही जो पान की दुकान में मिलता है, लेकिन पान वाले से जब भी चूना लाओ तो कहना हमको सेंट मिलाया हुआ नहीं, बिना सेंट मिलाया हुआ चूना दो, गीला चूना कभी भी लाना है और उपयोग करना है तो गीला ही उपयोग करो। तो पान की दुकान में 2 तरह का मिलता है, एक तो सेंटेड है जिसमें खुशबू मिलाई हुई है, वो पान वालों के काम का, वो आपके काम का नहीं, आप उनको बोलो बिना सेंट मिलाया हुआ दे दो वो आप ले आओ। और अगर पान की दुकान में ना मिले तो बाजार से सीधे चूने का पत्थर खरीद लाओ, पानी में डाल के 2-4 दिन उसको छोड़ दो, 2-4 दिन में पानी ऊपर आ जाएगा, चूना नीचे बैठ जाएगा, इस पानी को हटा दो, चूने को उपयोग करना शुरू कर दो। और चूने की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है और चूने का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, एक चीज आप ध्यान रखना जिंदगी में हमेशा, आप में से किसी को भी अगर पथरी का रोग है, गॉल ब्लैडर में पथरी बनती है, किडनी में पत्थर आता है, इनको कभी भी चूना नहीं खाना। चूना नहीं खाने वाले एक ही कैटेगरी के मरीज हैं जिनको पथरी की शिकायत है, गॉल स्टोन में या तो किडनी में।
पथरी अगर बन रही है या पथरी बनी हुई है या आपके शरीर को बार बार पथरी होने की शिकायत है, ऐसे कोई भी लोग चूना ना खाए, नहीं तो तकलीफ बहुत बढ़ जाएगी। बाकी कोई भी खा सकते। गीला चूना महीने दो महीना तीन महीना कभी भी खराब नहीं होता, पानी डालते रहिए, चूने का उपयोग करते रहिए। हाँ एक मिनट बात करता हूँ इस पर थोड़ी देर, दूध और दूध के पदार्थ जी। मेथी मेथी का अगर प्रयोग कर रहे और साथ में चूने का, अगर आपकी उम्र 70 वर्ष के ऊपर है तो आप मेथी और चूना दोनों साथ में प्रयोग कर सकते हैं, दोनों के बीच एक तास का अंतर रखें। लेकिन 70 से कम उम्र है तो दोनों में से कोई एक ही आपके लिए अच्छा है, चाहे चूना ले लीजिए चाहे मेथी का दाना ले लीजिए। आप चाहें तो दोनों ले सकते हैं। कैसे? थोड़े दिन मेथी का दाना ले लीजिए एक महीने, फिर एक महीने चूना ले लीजिए, फिर एक महीने मेथी का दाना, फिर एक महीने चूना, तो जिंदगी की सब बीमारी चली जाएगी जी। पान के साथ जरूर खाइए लेकिन उसमें कत्था मत लगाइए। चूने का पान खाइए, कत्था मत लगाइए, तो वो चूना भी आपके लिए बहुत उपयोगी है। पान खाइए चूने वाला, कत्था मत लगाइए। कत्था और चूने का दुश्मनी है, इसलिए कत्थे के साथ कभी भी चूना नहीं खाना। कत्था चूना दोनों साथ नहीं खा सकते, आयुर्वेद में निषिद्ध है। खाली चूना खा सकते कत्थे के साथ जी। तो पान वाले को कहिए कि हमारे पान में खाली चूना लगा, कत्था मत लगा, बिना कत्थे का पान खाओ जी। चूने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है, चूने से ट्राइग्लिसराइड कम होता है, चूने से वजन कम होता है, चूने से शुगर कम होती है, चूने से बुद्धि बहुत बढ़ती है, शरीर के जितने भी हार्मोन्स का बैलेंस टूटा हुआ है चूना वापस उसको स्थापित कर देता है। आई को जो 45 साल की उम्र में मासिक पाड़ी बंद होने के बाद जितने भी त्रास है वो चूने से भी ठीक हो जाते हैं। जो कुछ मेथी दाने से ठीक होता है वो चूने से भी ठीक होता है। रात में कम खाएं तो अच्छा है, दिन में सबसे अच्छा चूना, और दिन में भी सबसे अच्छा समय है सुबह का। साइड इफेक्ट एक ही है, अगर आपको पथरी बनने की शिकायत है तो साइड इफेक्ट चूने का आएगा, वरना किसी को भी साइड इफेक्ट नहीं आता। अगर आपको पहले से शरीर में पथरी बनने की शिकायत है तो चूना खाने पर इतना ही होगा कि पथरी फिर बन जाएगी, इसलिए आप पथरी बनने की शिकायत पहले दूर करिए। वो नहीं है तो कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा। अगर थोड़ा भी चूना ज्यादा खाया तो पेशाब के साथ शरीर के बाहर अपने आप निकल जाएगा। चाट के खाया तो? चाट के खा लीजिए। जीभ की ताकत कितनी है ये इस पर निर्भर है, अगर आपकी जीभ टॉलरेट कर सकती है तो चाट के खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक ग्राम तक चाट सकते हैं रोज। पान के साथ चूना लगा उसको कुछ डालना क्या? पान में सौंफ डाल सकते हैं, लवंग डाल सकते हैं, इलायची डाल सकते हैं, दालचीनी का पाउडर डाल सकते हैं, कत्था नहीं डाल सकते। हाँ तो बिना कत्था डाले चूना लगा के खा लीजिए। बच्चे को लगभग, अगर आपका बच्चा थोड़ा उम्र में 15 साल के आसपास है तो उसको 1 ग्राम दे सकते हैं, लेकिन 15 से कम उम्र के जितने भी बच्चे हैं उनको आधा ग्राम ही काफी है, 1 ग्राम का आधा। कितने दिन देना उनको? लगभग अगर आप मानसिक बीमारी के लिए दे रहे हैं जिनको मैंने कहा ना मति मंद बताया, उनको तो 1 साल लगातार देना पड़ता है। उंच बढ़ाने के लिए अगर दे रहे हैं तो भी लगातार 1 साल देना पड़ता है। बाकी सभी बीमारियों में 3 महीने से ज्यादा देने की जरूरत नहीं। कावी के रोग में जॉन्डिस में 10 दिन से ज्यादा देने की जरूरत है जी। गर्मी के ले सकते हैं, चूने से कोई तकलीफ। अब मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण माहिती देने जा रहा हूं, वो सभी आई ध्यान से सुने तो अच्छा। कई बार क्या होता है कि घर में बच्चे पैदा होते हैं ना, छोटे बच्चे, तो 2-4 दिन होते ही उनको कावड़ हो जाता है, कई बार ऐसा जॉन्डिस होता है, और वो जॉन्डिस कई बच्चों की जान ले लेता है, और आजकल ऐसी बहुत केस आ रहे हैं। तो मेरा एक निवेदन है कि जिनके भी घर में नया बच्चा आया है वो आई को नियमित रूप से चूना खिलाए, तो उसका जो दूध है दूध में चूना आएगा और बच्चे को मिल जाएगा, तो उस बच्चे को कभी भी कावड़ नहीं आएगा। हाँ अगर आई को 8 महीने पूरे हो गए तो चूना खिलाना शुरू कर दो,
लगभग 7 महीने से भी दे सकते। आई को कैसे देना है, सुबह सुबह नाश्ते के समय दही और चूना दोनों मिला के दीजिए, 100 ग्राम दही 1 ग्राम चूना गर्भावती गर्भस्थ आई को जरूर दीजिए ताकि उसके बच्चे को कावड़ ना हो। जो आई भी गर्भावस्था में चूना खा ले 1 महीने उस आई के बच्चे को कभी भी कावड़ नहीं होता, जॉन्डिस होता है, और उस आई का बच्चा स्वस्थ और तंदुरुस्त होता है और आई को कभी सीजरियन नहीं होता। अगर चूना खाया है आई ने 1 महीने भी लगातार खाया है तो आई को सिजेरियन ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, नॉर्मल डिलीवरी होगी, बच्चा स्वस्थ होगा तंदुरुस्त होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि घर में कोई भी आई गर्भावस्था में हो तो सवेरे दूध में नहीं सॉरी माफ करिए दही में चूना मिला के देना शुरू कर दे। और उसी आई को एक काम और करेंगे तो और भी अच्छा है, सवेरे तो दही और चूना देना और रात को उस आई को गाय का दूध और तूप मिला के देना, गाय का दूध और उसमें मिलाया हुआ तूप, 1 गिलास दूध में कम से कम 2 चम्मच तूप रात को देना और सकाड़ी दही और चूना देना, नहीं तो ताक और चूना देना। ये 2 चीज अगर नियमित रूप से 2 महीने 3 महीने आई को दे दिया गर्भावस्था में तो डिलीवरी नॉर्मल होगी, बच्चा स्वस्थ होगा तंदुरुस्त होगा और उस बच्चे को भविष्य में कोई भी रोग और बीमारी जल्दी नहीं आएगी। उस बच्चे को का लस देने की भी जरूरत नहीं पड़ती, ये जो पोलियो का लस देते हैं ना, हेपेटाइटिस बी का लस देते हैं, जो बच्चों की आई में चूना खाया है गर्भावस्था में उन बच्चों को कोई भी लस देने की जरूरत नहीं होती। उनका शरीर का रेजिस्टेंस पहले से ही इतना अच्छा होता है कि कोई भी बीमारी को वो झेलने की ताकत पहले से रखते हैं। मैंने ये प्रयोग 100 आई के करके देखा पिछले 6 साल और उन सभी के बच्चे बिना सीजर हुए हैं, बच्चे तंदुरुस्त हैं स्वस्थ हैं, किसी को भी पोलियो वैक्सीन नहीं दिया आज तक, कोई बच्चा उसमें 2 साल का है कोई 3 साल का नहीं, और 3 साल की उम्र में जो बच्चे हैं उनका IQ यानी बुद्धि इतनी तेज है कि कक्षा 1 और 2 के बच्चों को भी मात करते हैं। उनमें से एक छोटी बेटी है अकोला में है, उसका भी एडमिशन कराया 3 साल की उम्र में, तो उसके स्कूल की प्रिंसिपल बोलती है कि इसको 3 क्लास के बच्चे से भी ज्यादा ज्ञान है, अभी उसका एडमिशन KG में हुआ है, इतना IQ तेज है, रिसेप्टिविटी इतनी तेज है। और ये सारा का सारा प्रभाव है चूने का, वो आई ने गर्भावस्था में नियमित रूप से 4 महीने चूना लिया है, उसकी बच्ची बहुत ही स्वस्थ तंदुरुस्त है, कभी दांत निकलते समय बीमारी उसको हुई नहीं, बच्ची को सर्दी जुकाम आज तक 3 साल हो गया कभी आया नहीं, उसको बुखार कभी हुआ नहीं, पूरे अकोला शहर में चिकनगुनिया हुआ उस बच्ची को नहीं हुआ, उसकी आई को भी नहीं हुआ। जी क्या बोला, सर्दी जिनको बार बार सर्दी होती है, बार बार सर्दी होती है ऐसे बच्चों को भी चूना दीजिए, तरीका वही है पानी में मिला के, नहीं तो दही या ताक। तो ये चूना मैंने देखा है 48 रोगों को ठीक करने की ताकत रखता है, अकेला चूना। पेशाब की तकलीफ में अगर रुक रुक के पेशाब आती है उनको चूना मत दे, रुक रुक के जिनको पेशाब आती है ड्रिबलिंग जिसको कहते हैं उनको चूना नहीं देना, बाकी किसी को भी दे सकते। अभी चूना और मेथी 2 औषधि की माहिती मैंने आपको दी, समझ में आई। अभी तीसरी एक माहिती और देखो, जैसे चूना है मेथी है ऐसे ही अपने स्वयं पाक घर में एक बहुत अच्छी औषधि, उसका नाम है दालचीनी, बहुत ही अद्भुत है ये दालचीनी, इतनी अच्छी औषधि है कि आप इसके बारे में भी हैरान हो जाएंगे सुनकर। दालचीनी का पाउडर और मध दोनों मिलाकर अगर कोई भी ले, सुबह 1 चम्मच दालचीनी का पाउडर और 1 चम्मच मध दोनों मिलाकर अगर कोई भी खाए तो ट्यूबरकुलोसिस माने TB, अस्थमा ब्रोंकियल अस्थमा और अस्थमा के फैमिली में होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं जो एलर्जी से ज्यादा शुरू होती हैं, ये सबको ठीक करने की ताकत दालचीनी में है। दम भरता है, सांस भरती है, 10 कदम भी चल नहीं सकते, चले तो बैठना पड़ता है, इन सब की औषधि दालचीनी।
खाने का तरीका, दालचीनी का पाउडर बनाइए, मध में मिला के खाइए। और अगर आप जैन धर्म का पालन करते हैं तो मध नहीं खा सकते, तो गुड़ में मिला के खाइए। जितनी दालचीनी उतना ही गुड़, दोनों को गर्म पानी में घोल लीजिए, पानी को पी लीजिए। ये दालचीनी गंभीर से गंभीर रोग में काम आती है। आपको बहुत तेज बुखार आया उसमें दालचीनी काम आती है, सर्दी जुकाम होता है उसमें दालचीनी काम आती है, वायरल फीवर है उसमें दालचीनी काम आती है, बैक्टीरियल फीवर है उसमें दालचीनी काम आती है, शरीर को मोटापा बहुत हो गया है, वजन कम करना है उसमें दालचीनी काम आती है, शरीर को कभी भी भूख ही नहीं लगती है उसमें दालचीनी काम आती है, एकदम बारीक शरीर है जिन बच्चों का उनको भी दालचीनी काम आती है। ये एक दालचीनी 23 रोगों को ठीक कर देती है, बहुत अद्भुत है। तो रसोई में जरूर रखिए इस दालचीनी, कभी भी आप इसको उपयोग करेंगे धोखा नहीं देती दालचीनी। सब्जी में डाल के खा सकते हैं, दालचीनी तो सब्जी में डाल के ही खाने की चीज है, मसाले के रूप में ही उपयोग होती है, गरम मसाले में दालचीनी के बिना चलता नहीं, तो मसाले में तो डलती ही है, लेकिन अलग से आप उसको उपयोग करें तो वो बहुत ही अच्छी औषधि है। प्रमाण ये, एक चम्मच दालचीनी पाउडर, एक चम्मच मध, अगर मेथी खा रहे हैं तो इसकी जरूरत नहीं, ये खा रहे हैं तो मेथी की जरूरत नहीं, एक बार में एक ही औषधि खाइए जी। बच्चों को मात्रा कम करिए, आधा चम्मच काफी होता है बच्चों को, बड़े लोगों को एक चम्मच। एलर्जी के लिए, एलर्जी के लिए बेस्ट मेडिसिन है दालचीनी। किसी भी तरह की एलर्जी आपको है शरीर में, नियमित दालचीनी खाइए मध में मिला के, मध नहीं खा सकते तो गुड़ में मिला के, 3 से 4 महीने में सब एलर्जी ठीक कर देते। सुबह के खाली के, एसिडिटी के लिए खाइए दालचीनी, बहुत अद्भुत। ठीक है, अब क्या क्या हो गया, मेथी दाना हो गया, चूना हो गया, दालचीनी हो गया, अब एक चौथी औषधि और बताओ, बहुत अच्छी औषधि है, वो आप सभी के काम आएगी, जिनको भी गुड़गे का त्रास है, कमर दुखती है, कंधे दुखते हैं, बात की तकलीफ बहुत ज्यादा, अगर हो कई बार ऐसी कंडीशन होती है बात की तकलीफ में कि मनुष्य को शरीर हिलाना भी मुश्किल हो जाता है, वो जिस स्थिति में लेटा है उसी में लेटा है, थोड़ा भी करवट बदले भयंकर दर्द होता है, उंगलियां ऐसी हो जाती है, हिलना भी संभव नहीं होता। ऐसी कंडीशन जब हो जाए, बात अंतिम स्थिति में पहुंच जाए, बिल्कुल विकृत हो जाए, शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, तब एक औषधि काम आती है, और वो औषधि है, आपने वो देखा परिजात, परिजात का पेड़ होता, परिजात के पेड़ के पत्ते 40 साल पुरानी अर्थराइटिस, रूमेटिक अर्थराइटिस, ऑस्टियो अर्थराइटिस को भी ठीक कर देते, परिजात के पत्ते। परिजात का फूल आपने देखा, सफेद फूल होता है और गंडी नारंगी होती है, और पूरे साल नहीं आता, साल में 2 या 3 महीने ही फूल आता है। तो इस परिजात के पेड़ के पत्ते तोड़िए, जिनको भी पुराने डायबिटीज वो है, अर्थराइटिस, गुड़गे की तकलीफ पुरानी हो, 10 बरस पुरानी, 15 बरस पुरानी, 20 बरस पुरानी, 25 बरस पुरानी, 40 बरस पुरानी, ठीक ही नहीं होती, डॉक्टर ने मना कर दिया, सबने मना कर दिया, कुछ नहीं हो सकता, उनके लिए ये है परिजात। परिजात के पत्ते तोड़िए, 5-6 पत्ते तोड़िए, उसकी चटनी बनाइए, चटनी बना के 1 गिलास पानी में डालिए, पानी को खूब उबालिए, और इतना उबालिए कि वो पानी आधा रह जाए, इतना उबालिए कि पानी आधा रह जाए। कितना पानी? 1 गिलास पानी, 5-6 परिजात के पत्ते, पत्तों को बनाइए चटनी, चटनी को मिलाइए पानी में, 1 गिलास पानी, पानी को उबालिए, इतना उबालिए कि पानी आधा रह जाए। अब इस पानी को रख दीजिए ठंडा होने के लिए, और जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाए तब उसको पीना, छान के पिए तो अच्छा है, और वैसे पिएंगे तो और भी अच्छा, वो पत्ते अगर जाए पेट में तो बहुत ही अच्छा। अब इसको पीना है तो सुबह ही सुबह पीना है, खाली पेट पीना, तो मतलब इसका ये है कि रात को ये बनाइए, परिजात के पत्ते तोड़ के चटनी बना के पानी में उबाल के रात को रख दीजिए, रात भर रखिए, सुबह उठकर उस पानी को पीना, मुंह धो के साफ करके, कुल्ला तकुन करके,
अगर आपने 4-5 दिन भी पी लिया तो 40 साल पुराना डायबिटीज वो सॉरी आर्थराइटिस जो हाथ पर भी नहीं हिलने देता वो हाथ पर हिलना शुरू करा देगा। और कितना भयंकर दर्द हो 7 दिन में तो दर्द बिल्कुल गायब करा देगा। बहुत अद्भुत है। इसलिए मेरा सबको एक विनंती है कि परिजात का झाड़ अपने घर में जरूर लगाएं। और परिजात का झाड़ गमले में भी लग जाता है, उसको बहुत जगह नहीं लगती, छोटी सी जगह में भी हो जाता है। ये परिजात का झाड़ बहुत ही अद्भुत है हर एक उस पेशेंट के लिए जिसको अर्थराइटिस है, रूमेटिक अर्थराइटिस हो या ऑस्टियो अर्थराइटिस हो, दोनों ही तरह के अर्थराइटिस में, दोनों ही तरह के संधिवात में बहुत अद्भुत है और पुराने संधिवात में तो सबसे ज्यादा अद्भुत है। शुरुआत है तो 1-2 दिन ही लेना, बहुत गर्म है, शुरुआत है तो 2 दिन ही लेना, उतना ही काफी है। लेकिन ज्यादा पुराना है तो 15-20 दिन लगातार ले सकते हैं। दूसरा नाम उसका है हार सिंगार। परिजात जो नाम है वो मराठी नाम है, हार सिंगार हिंदी नाम है। हार सिंगार समझते? वो भी नहीं समझते। तो मैं आपको शक्ल बताता हूं उसकी। सफेद रंग का छोटा फूल होता है और नारंगी रंग की उसकी डंडी होती है। पारिजातक, पारिजात वो एक ही बात है। पारिजातक उसको संस्कृत में कहते हैं, परिजात मराठी में कहते हैं, हार सिंगार हिंदी में कहते हैं। मालूम है तो बहुत अच्छा। इसलिए मेरी विनती है कि घर में थोड़ी भी जगह है तो एक परिजात का झाड़ लगा के रखिए, बहुत काम आएगा आपके, नहीं तो आपके पड़ोसी के, क्योंकि आजकल संधिवात बहुत हो, ऐसा कोई परिवार नहीं जिसमें संधिवात न हो। और संधिवात की सबसे अच्छी अचूक दवा आयुर्वेद में यही है, परिजात के पेड़ का पत्ता, फल नहीं पत्ता। आपने बोला चिकनगुनिया, चिकनगुनिया में भी अद्भुत काम करता है। अगर आपको चिकनगुनिया हुआ है तो परिजात के पत्ते का रस पियेंगे तो 3 दिन में ठीक होगा, एलोपैथी डॉक्टर के पास जाएंगे तो 6 महीने भी ठीक नहीं होने वाला, गारंटी मैं देता हूँ। हजारों रुपए खर्च करेंगे, पैरासीटामोल की कितनी भी गोली खाएंगे, कितने भी इंजेक्शन लगाएंगे, 6-8 महीने आपका ठीक ही होने वाला नहीं है। और परिजात के पत्ते का रस 3 दिन में ही चिकनगुनिया ठीक कर देता है। पत्ते, फूल नहीं, पत्ते सिर्फ पत्ते, फूल नहीं खा लेना कभी, ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 पत्ते ही काफी है एक दिन में। बूढ़े आदमी को बहुत अच्छा चलता है, बहुत ही अच्छा चलता है, उसकी और भी कई तकलीफें ये दूर कर देता है। मूत्र से जितनी भी जुड़ी हुई शिकायतें हैं बूढ़े लोगों को, वो परिजात के पत्ते के रस से ठीक हो जाती है बिल्कुल। मूत्र खड़ा तो ठीक नहीं होता, लेकिन मूत्र की दूसरी तकलीफ है, मूत्र में रुकावट आती है, बूंद बूंद करके मूत्र आता है, मूत्र आते समय बहुत जलन होती है, ये सब बीमारियां ठीक कर देता है। आगे चलें, ऐसी ही एक बहुत अच्छी औषधि आपके घर में है, बहुत अच्छी है वो भी, जी पत्ते बारीक करके चटनी बनाना, चटनी बना के 1 गिलास पानी में डालना, पानी को खूब अच्छे से उबालना, इतना गर्म करना कि आधा पानी रह जाए, फिर उस पानी को ठंडा करना, फिर उसको पीना, चबा के खा सकते हैं। सुबह खाली पेट पत्ते अंदर पड़े हैं वो चबा के खा जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो छान के फिल्टर करके पानी तो जरूर पी लेना। कच्चा रस अगर चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन असर ज्यादा दिन में आएगा, इसलिए पत्ते को पीस कर चटनी बनाकर पानी में गर्म करके लेंगे, असर जल्दी आएगा। आगे आपके स्वयं पाक घर में एक बहुत अच्छी औषधि, बहुत ही अच्छी, उसका नाम है दूधी भोपड़ा। ये जो दूधी भोपड़ा है ये अद्भुत है, इसकी भाजी आप खाते हैं रोज बहुत अच्छा है, तरकारी खाते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन अगर इसका रस पिए दूधी भोपड़े का तो आपके शरीर की 15 बीमारियों को अकेला दूधी भोपड़े का रस ठीक कर देता है। सबसे खराब बीमारी जिसको हृदय घात, हृदय घात आप सब समझते हैं,
हृदय घात, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट जिनको भी हुए या हुआ है या होने की शक्यता है, उन सबकी सबसे अच्छी औषध है दूधी भोपड़ा, दूधी भोपड़े का रस। क्या करना है, दूधी भोपड़े को काटना छोटा छोटा पीस, फिर चटनी बनाना, फिर उसको कपड़े में निचोड़ के रस निकल, नहीं तो मिक्सर में सीधे छोटे पीस काट के रस निकल सकते। अब ये जो दूधी भोपड़े का रस है इसमें थोड़ा कोथमीर का रस मिला, एक गिलास दूधी भोपड़े के रस में आधा चम्मच कोथमीर का रस, फिर इसी में आधा चम्मच पुदीने का रस मिला, पुदीना, फिर इसमें आधा चम्मच आल का रस मिला, अदरक, थोड़ा इसमें तुलसी का रस भी मिला सकते हैं आधा चम्मच, और ये सब मिला के जो रस तैयार हुआ इसको सुबह सुबह पीना। तो इससे क्या क्या ठीक होने वाला है, हृदय घात कितना भी खराब स्थिति का हो, 3 महीने अगर किसी ने सतत ये पी लिया उसको जिंदगी में दोबारा हृदय घात कभी नहीं होगा। और डॉक्टर अभी कहता है आपको कि ऑपरेशन करा लो, कल करा लो, नहीं तो परसों आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, आप डॉक्टर को नमस्ते करके घर आ जाइए और उसी दिन से दूधी भोपड़े का रस पीना शुरू कर दीजिए। 3 दिन भी अगर पी लिया तो मेरी गारंटी है कि अगले 30 साल हार्ट अटैक नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। तो हृदय घात की सभी बीमारियों में सबसे अच्छी औषध है दूधी भोपड़े का रस। कभी कभी डॉक्टर आपको ये कहता है कि आपके हृदय में ब्लॉकेज है, आर्टरीज आपकी ब्लॉक हो गई है, 90% ब्लॉक हो गई 2 आर्टरीज, फिर बोलेगा एक तीसरी वाली 70% ब्लॉक हो गई, तो भी डॉक्टर को नमस्ते करके घर आ गए, वो तो बोलेगा अभी ऑपरेशन करा लो नहीं तो कभी भी मर जाओगे। तो डॉक्टर को कहना है कि जीना मरना सब ईश्वर के हाथ में है, आपको नमस्ते, आपने हमको सुझाव दिया, धन्यवाद, घर आके दूधी भोपड़े का रस चालू कर दो, दोबारा उस डॉक्टर के पास जाने की गरज ही नहीं पड़ेगी। हृदय की सभी बीमारियों में सबसे अच्छी औषध है दूधी भोपड़ा। इस दूधी भोपड़े से और भी एक रोग ठीक होता है, ये संधिवात, अगर गुड़गे का दर्द है, कमर का दर्द है, कंधे का दर्द है, दूधी भोपड़े का रस पीते रहिए, 3-4 महीने में ये सब दर्द निकाल देगा। इसी दूधी भोपड़े से एक और रोग ठीक होता है, आधा सिर का दर्द, माइग्रेन। इसी दूधी भोपड़े से एक और रोग ठीक होता है, कब्जियत, कोष्ठबद्धता, मलबद्धता। इसी दूधी भोपड़े से एक और रोग ठीक होता है और वो रोग आपके रक्त के विकार का है, रक्त में कई बार एसिडिटी बढ़ जाती है, रक्त में एसिडिटी आ जाती है, ज्यादातर एसिडिटी पेट में होती है लेकिन कई बार रक्त में आ जाती है, और रक्त की एसिडिटी सबसे खराब होती है। इतने खतरनाक रोग आते हैं कि जिसको ठीक कोई ना कर पाए, सोराइसिस हो सकता है, इचियोसिस हो सकता है, एक्जिमा हो सकता है, इन सभी रोगों में आधारभूत औषधि है दूधी भोपड़े का रस। अगर आपको ब्लड प्रेशर बहुत ऊंचा होता है, बहुत हाई है, दूधी भोपड़े का रस लेंगे ब्लड प्रेशर नॉर्मल कर देता है, मोटापा बहुत हो गया है, ओबेसिटी आ गई है, वजन बढ़ गया है, दूधी भोपड़े का रस पीजिए 4 महीने वजन कम कर देता है, नींद नहीं आती रात को दूधी भोपड़े का रस पीजिए बहुत अच्छी नींद आएगी, भूख नहीं लगती दूधी भोपड़े का रस पीजिए भूख बहुत अच्छी लगेगी, आंखों की रोशनी कम हो गई है जिनकी उनको दूधी भोपड़े का रस पियेंगे तो रोशनी बढ़ जाएगी आंखों, 3-4 महीने। लेकिन इसको ज्यादा भी लेंगे तो कोई तकलीफ नहीं आने वाली, 4 महीने तो कम से कम ले ही लीजिए, लेकिन अगर 4 से 8 महीने भी ले लें तो कोई हरकत नहीं, बार बार नहीं मिलते ना, बार बार मिलेगी, घर में लगा लीजिए। दूधी भोपड़े का एक बीज आप लगाएंगे तो उसपे कम से कम 100 दूधी भोपड़े आएंगे, तो घर में लगा लीजिए, इतनी जगह में, छोटी सी जगह में हो जाती है, गमले में भी हो जाती है, कभी भी मिलेगी। अच्छा, भाई पर लगा रहा क्या जी? नहीं मिला समझ। हाँ, तो दूधी भोपड़े के रस से भी काम होगा, लेकिन परिजात में बहुत जल्दी होगा, इसमें थोड़ा देर होगा। 40 मिनट तक कुछ खा नहीं सकते, दूधी भोपड़े का रस लेने के बाद 40 मिनट तक कुछ खाना पीना नहीं, 40 मिनट बाद कुछ भी खा पी सकते, रस में नमक नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने बोला क्या नमक, मैंने बोला कोथमीर का रस, मैंने बोला पुदीने का रस, मैंने बोला आल का रस,
मैंने कभी नहीं बोला इसमें नमक मिलाना, अगर मिलाना होता तो मैं बोलता। नमक मिलाया तो उसका सब ताकत खत्म हो गया, नमक नहीं मिला। जी नहीं मिला तो कोतमीर का चलेगा, कोतमीर का भी नहीं मिला तो तुलसी का रस तो कभी भी मिलेगा, उतना तो डाल ही दीजिए। आल का रस तो कभी भी मिलेगा, उतना तो डाल लीजिए, चलेगा। पत्ते डाल दीजिए मिक्सर में, जब पीस रहे हैं तो पत्ते सीधे ही डाल दीजिए तो भी चलेगा। समझ में आया? दूधी भोपड़ा बहुत अद्भुत है। मेरी आपको सबको एक छोटी सी सूचना है कि हृदय रोग का कोई भी मरीज, कोई भी पेशेंट डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन कराओ, कभी मत कराना। क्योंकि मैं आपको बताता हूं कि ऑपरेशन कराओ या मत कराओ, स्थिति आपकी वही रहने वाली है। ऑपरेशन होने के बाद यही है कि 2-2.5 लाख रुपए डॉक्टर आपसे ले लेगा, गारंटी कुछ नहीं देगा, वो कहेगा अगले दिन भी हार्ट अटैक आ सकता है, तो क्या फायदा ऑपरेशन कराने से। और मैं आपको बताऊं, हृदय घात का ऑपरेशन करने वाले सब डॉक्टर अपना ऑपरेशन कभी नहीं कराते, वो खुद दूधी भोपड़े का रस पीते, कभी नहीं कराते, क्योंकि उनको माहिती है ऑपरेशन के बाद भी ठीक कुछ नहीं होता। ऐसे मेरे पास बहुत पेशेंट है जिन्होंने ऑपरेशन कराया, एंजियोप्लास्टी कराया, बाईपास सर्जरी कराया, फिर से हार्ट अटैक आया, और दोबारा पैसा नहीं था इसलिए ऑपरेशन नहीं करा पाए और दूधी भोपड़ा लेना शुरू किया और वो ठीक है। इसलिए ऑपरेशन कराने की बिल्कुल कोशिश मत करिए। क्या होता है वो मैं समझाता हूं। डॉक्टर करता क्या है, हृदय को रक्त देने वाली जो वाहिकाएं हैं जिनको आर्टरीज कहते हैं हम लोग अंग्रेजी में, उनमें एक स्प्रिंग डालता है डॉक्टर, और वो स्प्रिंग वही होती है जो बॉल पेन में आपने देखी, बॉल पेन में एक स्प्रिंग देखिए, वही स्प्रिंग है, उसको अंग्रेजी में स्टंट कहते हैं। ये स्टंट 3 रुपए का बनता है और डॉक्टर जब आपको हृदय घात के ऑपरेशन में इसको डाल देता है तो 3 लाख रुपए ले लेता है, 3 रुपए की चीज है, और आपसे 2.5-3 लाख ले लेगा और बोलेगा गारंटी कुछ नहीं, कल फिर अटैक आ सकता, तो फायदा क्या उसको डलवाने का। इसलिए कभी भी हृदय घात का ऑपरेशन कराने की कोशिश मत करिए, दूधी भोपड़े के रस से आपको कोई भी स्थिति ठीक हो जाएगी। मुफ्त की दवा है, ज्यादा खर्चा नहीं है। अलग अलग प्रकार के रहते हैं। हाँ बहुत अच्छा प्रश्न। भोपड़े कम से कम 2 प्रकार के तो मैंने देखे, एक तो गोल होता है और एक लंबा होता है, ये जो लंबा वाला है ये सबसे अच्छा है। तो लंबा वाला जो भोपड़ा है उसका रस सबसे अच्छा है, गोल वाला जो है इसको ज्यादा अच्छा नहीं मानते। बीज निकलता है, कम निकलता है, कोई निकलता है? हाँ अगर बीज कम होगा तो सबसे अच्छा होगा, और कड़ू है तो उसको प्रयोग कम करिए। कड़ू वो तब होता है जब पक जाता है, पका हुआ दूधी भोपड़े का रस ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता, कच्चा हो एकदम। तो उसकी पहचान कैसे करना, एक दूधी भोपड़ा हाथ में लीजिए, उसमें नाखून लगेंगे तो आसानी से नाखून अगर घुस गया तो वो बहुत अच्छा है, और नाखून घुस नहीं रहा है तो बिल्कुल बेकार है। ठीक है आगे चले, चलिए जी। निरोगी मानस भी इसका रस पी सकते, बहुत अच्छे से पी सकते। अगर निरोगी मानुष इसको पिएंगे तो क्या होगा, शरीर के अंदर जितनी भी टॉक्सिक वेस्ट को क्या कहना चाहिए, विजातीय द्रव या विजातीय तत्व जो शरीर के अंदर घुसे हुए हैं जिसको जहर कहा जाता है, दूधी भोपड़े का रस इस पूरे जहर को पेशाब के रास्ते निकाल देता है। ये शरीर की ऐसी सफाई करता है जैसे कोई नहीं कर सकता, बहुत अच्छी सफाई करता है, रक्त की सफाई करता है, जॉइंट्स जितने भी हृदय के आसपास के वहां सफाई करता है, शरीर के जितने भी जॉइंट्स है वहां सफाई करता है, बहुत अच्छा सफाई करता है। जैसे किसी गाड़ी को ओवर हॉलिंग करते हैं ना, वैसे दूधी भोपड़ा शरीर के अंदर की ओवर हॉलिंग कर सकता है। भाई इसको जरा बंद पानी डाल के ना पिए तो अच्छा है, और अगर कोई मजबूरी है तो थोड़ा पानी डाल दीजिए, ज्यादा मत डालिए।
इतना मत पानी डाल दीजिए कि भोपड़ा ना रहे, पानी ही रह जाए। थोड़ा सा मामूली मामूली उतना, जब आप उसको पीस रहे हैं तो थोड़ा पानी तो लगेगा, बिना पानी के पीसेगा नहीं, उतना पानी। तो एक बार लेने बाद में और बार बार लेते हैं? बार बार माने हर महीने में, हर महीने में 30 दिन होते हैं, 30 दिन रोज सुबह एक गिलास पी सकते हैं। अगर आप स्वस्थ हैं तो 200 मिलीलीटर का गिलास इतना काफी है, और बीमारी वालों को 300 मिलीलीटर। साल भर ले सकते हैं, कोई हरकत नहीं, कोई तकलीफ नहीं। आगे चले चलिए जी जी, क्या बोला? हाँ, उषा पान करना हो तो सबसे पहले पानी पीना है। पानी पीने के 40 मिनट के बाद आप दूधी भोपड़े का रस पी सकते हैं। उषा पान तो सबको कंपलसरी करना ही है, उसके 40 मिनट बाद कोई भी औषध ले सकते हैं। अगर आपको मेथी दाना भी लेना है तो उषा पान के 40 मिनट बाद, दूधी भोपड़े का रस लेना है तो उषा पान के 40 मिनट बाद, उषा पान सबको करना है, 40 मिनट बाद आप कोई भी औषध ले सकते हैं। चुना में सकते क्या? नहीं, दूधी भोपड़े के रस में चुना, सुबह के उषा पान में, उषा पान में तो उषा पान का पानी सीधे ही रखिए, सादा सादा चूना मिलाया हुआ पानी बाद में पीजिए। गर्म पानी माने कोमट पानी, हल्का गुनगुना पानी ले सकते। आगे अभी चलता हूं। जैसे दूधी भोपड़ा बहुत अद्भुत है, ऐसे ही एक बहुत अच्छी औषध है स्वयं पाक गर्म, वो भी बहुत अद्भुत है, उसका नाम है हड़द हल्दी, बहुत अद्भुत। अगर गले का कोई भी त्रास हो गया है, खांसी होती है, बार बार खांसी होती है, सर्दी होती है, बार बार सर्दी होती है, बच्चों को कई बार वो टॉन्सिलाइटिस हो जाता है, दर्द होता है टॉन्सिल्स का, ये गले के सभी त्रास की सबसे अच्छी औषध है हड़द। हड़द लेने के दो तरीके हैं, आप हड़द को गर्म पानी में डाल के ले सकते हैं या गर्म दूध में डाल के ले सकते हैं। दूसरा तरीका, आप हड़द में मध मिला के ले सकते हैं और हड़द में गाय का तूप मिला के भी ले सकते हैं। ये दो तरीके से हड़द ली जाती है, या तो पानी और दूध में लीजिए गर्म करके, और या तो मद में या गाय के तूप में लीजिए। गले के सभी रोगों में अद्भुत काम आती है। मैंने आपको कहा बार बार खांसी आती है, बार बार सर्दी होती है, बार बार जुकाम होता है, ये सभी के लिए औषधि है हड़द। बच्चों को टॉन्सिल की जितनी भी तकलीफें हैं उसकी सबसे अच्छी औषध है हड़द। टॉन्सिलाइटिस की तकलीफ में भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे वो तुरंत कहेगा ऑपरेशन कराओ, बच्चों के टॉन्सिल काट के निकालो, कभी मत कराना, उनको थोड़े दिन हड़द दे देंगे, हमेशा के लिए टॉन्सिल की तकलीफ खत्म हो जाएगी। और ज्यादा टॉन्सिल की तकलीफ है कुछ बच्चों को तो सूखी हड़द जो होती है पाउडर के रूप में, उसको सीधे गले में डाल दीजिए, अंदर चम्मच में हड़द भरिए, गले के अंदर तक चम्मच ले जाइए और छोड़ दीजिए, बस 5-7 मिनट में लार के साथ मिलकर वो अपने आप नीचे उतर जाएगी। और हफ्ते में 2 बार भी आपने ऐसा किया तो हमेशा के लिए टॉन्सिल की तकलीफ बच्चों की खत्म हो जाएगी। यही हड़द रक्त का भी शोधन करती है। नियमित रूप से हड़द का दूध आप पीते रहें या बच्चों को हड़द का दूध पिलाते रहें तो रक्त में कभी भी कोई दोष नहीं आता, रक्त में कोई विकार नहीं आता, और रक्त विकार ना हो तो शरीर में कोई रोग नहीं आता आसान। और हड़द एंटीवायरल है, एंटीबायोटिक है, एंटीपायरेटिक है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, 5 गुण एक साथ हड़द में है। कहीं चोट लग गई है तुरंत हड़द लगा दीजिए, खून बंद हो जाए, सेवलॉन लगाने की जरूरत नहीं, कोई एंटीसेप्टिक क्रीम लगाने की जरूरत नहीं। और जिनके शरीर को, ये बात को आप गंभीरता से और ध्यान से सुनिए, जिनके शरीर को रंग साफ करना है, माने आपको ऐसा लगता है कि आपका रंग थोड़ा डार्क है, थोड़ा ब्लैक है, थोड़ा काला है, आप थोड़ा गोरा होना चाहते हैं, रंग साफ करना चाहते हैं, तो हड़द से अच्छी कोई वस्तु पूरी दुनिया में नहीं। जिनको रंग अच्छा करना है अपने शरीर का, नियमित रूप से हड़द खाइए, दूध में डाल के, नहीं तो पानी में डाल के, नहीं तो मध में मिला के, रंग नियमित रूप से आपका साफ होता जाएगा। दुनिया में जो काम कभी भी फेयर एंड लवली नहीं कर सकती वो हड़द कर सकती। कितना लेंगे? वही 1/2 चम्मच नियमित रूप से लेना पड़ेगा, ज्यादा दिन तक लेना पड़ेगा। फेयर एंड लवली तो कुछ नहीं करती, मैंने फेयर एंड लवली को लगा के देखा एक मशी को 4 साल रिगड़ रिगड़ के, वो मशी अभी भी काली की काली।
इसलिए फेयर एंड लवली तो कुछ भी नहीं करते, ये बकवास है और टीवी में बोगस जाहिरात है। और महंगी इतनी आती है फेयर एंड लवली, 25 ग्राम 40 रुपए की है, तो हिसाब निकालेंगे तो 1600 रुपए किलो आती है। अभी 1600 रुपए किलो की फेयर एंड लवली लाए, उससे अच्छा है 20-25 रुपए किलो हड़द ले आइए, उसकी ताकत बहुत है। और आपको एक और माहिती देता हूं, जिनको शरीर की तकलीफ ऐसी है कि सूर्य के प्रकाश में थोड़ा भी निकले तो त्वचा में जलन होने लगती है, इन सब लोगों को मेरी विनती है कि हड़द लगाइए, हड़द लगा के आप बाहर निकलिए, कभी भी त्वचा में जलन नहीं होगी, सन बर्न कभी भी नहीं होगा, सन स्ट्रोक कभी नहीं होगा। और ऐसे लोग जिनको जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करना है, अपने शरीर की शक्ति और वीर्य को सुरक्षित रखना है, वो नियमित रूप से हड़द खाएं तो ब्रह्मचर्य को बहुत अच्छे से आप पालन कर सकते हैं और आपके शरीर के वीर्य को बहुत अच्छे से सुरक्षित रख सकते हैं। और इसी हड़द का अद्भुत उपयोग है, दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी जो किसी औषध से ठीक नहीं होती है वो हड़द से ठीक होती है, और उसका नाम है कैंसर। आप माहिती है आपको, हड़द अमेरिका में पेटेंट करा ली गई, अमेरिका सरकार ने हड़द पर 33 पेटेंट लिए और ये सारे पेटेंट कैंसर ट्रीटमेंट से लिए गए। हड़द का उपयोग कैंसर में होता है। अब कौन सी हड़द का उपयोग होता है, हड़द आपके घर में जो काम आती है वो सूखी हड़द है पाउडर के रूप में, एक ताजा हड़द आती है, लीली हड़द कहते हैं, आंबा हड़द कहते हैं, ताजा हड़द कहते हैं, जो खेत में से निकल के सीधे आती है, उस हड़द की चटनी बनाएं, उसमें से रस निकलता है, वो रस कैंसर के रूप में काम आता है। कैंसर के किसी भी मरीज को जिसको गले का कैंसर है, होंठ का कैंसर है, आहार नली का कैंसर है, ऐसे किसी भी कैंसर के मरीज को हड़द का रस मत मिला के देंगे तो कैंसर में बहुत तेज काम करती है। अभी तक जितनी रिसर्च हुई है दुनिया में हड़द पर, उन रिसर्च का ये कहना है कि हड़द में कर्क्यूमिन नाम का एक केमिकल है जो कैंसर को ठीक करने की ताकत रखता है, और ये सिर्फ भारतीय हड़द में ही है और दुनिया के किसी देश की हड़द में नहीं है। पाकिस्तानी हड़द में ये नहीं है, बांग्लादेशी हड़द में नहीं है, भारत की हड़द में। तो हड़द आप घर में रखिए, ताजा हड़द मिले, और घर में कोई कैंसर का मरीज हो तो उसका रस निकाल के थोड़ा मध मिला के उसको नियमित रूप से पिलाते रहे, और मध ना मिला सके किसी कारण से तो हड़द में गुड़ मिला के काकवी मिला के उसको देते रहे। अब एक और बताता हूं, अपने स्वयं पाक घर में ऐसी ही एक बहुत अच्छी औषध है, उसका नाम है जीरा। जैसे हड़द है वैसे एक है जीरा। जीरा बहुत अच्छी औषध है, पित्त के जितने भी रोग हैं आपके शरीर में ये सब जीरे से ठीक हो जाते हैं। पित्त के रोग आप सब समझते हैं, पेट में गैस बनना, पेट में जलन होना, खट्टी खट्टी डकार आना, भोजन का पचन नहीं होना, इनडाइजेशन होना, वॉमिटिंग होना, बार बार उल्टी होना, वॉमिटिंग सेंसेशन होना, नौसिया होना, ये सब पित्त के रोग। इन पित्त के रोगों की सबसे अच्छी औषध है, उसका नाम है जीरा। जीरे को ले लीजिए आधा चम्मच और आधा कप पानी ले लीजिए, उसमें मिला दीजिए, पानी को खूब गर्म कर लीजिए, पानी को फिर ठंडा कर लीजिए, ठंडा करके इस पानी को चाय की तरह से पी लीजिए और जो जीरा उसमें है उसको चबा के खा लीजिए। तो नियमित रूप से अगर सुबह सुबह आपने लेना शुरू किया तो ये जीरा पित्त के सभी रोगों को आपके शरीर से बिल्कुल दूर कर दे, गैस बनना बंद हो जाएगी, खट्टी डकारें आना बंद हो जाएंगी, भोजन की जो अपच है वो ठीक हो जाएगी, वॉमिटिंग सेंसेशन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इनडाइजेशन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये सब बीमारी पित्त से संबंधित जितनी भी हैं, जिनको भी कहते हैं ना पित्त बिगड़ गया है, पित्त बिगड़ गया, उन सबको बोलिए जीरा खाएं। एसिडिटी वही पित्त बिगड़ा, एसिडिटी भी पित्त की ही खराबी है। तो जीरा बहुत अच्छी औषध है। अभी आगे चलते हैं, ऐसे जी जीरा आधा चम्मच, हाँ 3-4 महीने, 3-4 महीने से ज्यादा कोई भी औषध लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा पाउडर खाए तो भी चलेगा? चलेगा चलेगा जी।
हल्दी थायराइड को तो बराबर नहीं करती, थायराइड को बराबर करने वाली अलग औषधि है अपने घर में, उसका नाम है कोथमीर। अभी बात आ गई है तो इसी को बता देता हूं, कोथमीर जो है ये थायराइड की सबसे अच्छी औषधि है। जिनको भी थायराइड बढ़ गया, डॉक्टर कहता आपका थायराइड बढ़ा हुआ है, तो आप कोथमीर का रस पीजिए। और कोथमीर जब ताजा मिलता है तब तो रस पी सकते हैं, कभी महीने ऐसे भी आते हैं जब नहीं मिलता कोथमीर, तो सूखा वाला जो आता है ना धनिया जिसको कहते हैं, मसाले में हम इस्तेमाल करते हैं, वो पानी में डाल के ले सकते हैं, पाउडर फॉर्म में आता है सूखा वाला। मैं बताता ये थायराइड क्या होती है कल बताऊंगा, आज थोड़ा समय कम है। आज मैं चाहता हूं कि आपके स्वयं पाक घर की मुख्य मुख्य औषधि आपको पता हो जाए। एक बहुत अच्छी औषधि अपने स्वयं पाक घर में है, उसका नाम है नमक। बहुत अच्छी औषधि ये नमक, क्या काम में आता है, जिसको भी ब्लड प्रेशर कम हो गया हो, लो बीपी, उसकी सबसे अच्छी औषधि है नमक। क्या करना है, इसको पानी में मिला के पीना। जिनको भी लो ब्लड प्रेशर की शिकायत है उनको नमक पानी में मिला के पीना सबसे अच्छी औषधि है। कितना नमक और कितना पानी, एक गिलास पानी में आधा चम्मच नमक मिला सकते हैं या आधे चम्मच से थोड़ा कम, उतना अगर नियमित रूप से पिएंगे तो लो ब्लड प्रेशर की बीमारी बिल्कुल ठीक कर देते हैं। और यही नमक हाई ब्लड प्रेशर को भी ठीक करता है। लेकिन वो कैसे ठीक करता है, हाई ब्लड प्रेशर की जिनको बीमारी है उनको नमक मिला के पानी में स्नान करना, पानी से, नमक पानी से स्नान करना। हाई बीपी जिनको, लो बीपी जिनको है उनको नमक पानी पीना है, हाई बीपी जिनको है उनको नमक पानी से स्नान करना। एक बाल्टी पानी में 100 ग्राम नमक मिला दीजिए, इस नमक पानी से स्नान करिए। स्नान करते समय पानी को कभी सिर पर मत डालिए, सिर को छोड़कर पूरे शरीर पर डालिए, और स्नान करने के बाद शरीर को 5-7 मिनट ऐसे ही छोड़ दीजिए, उसको पोंछने का नहीं, नमक लगा है तो लगा रहने दीजिए, कपड़े पहन लीजिए, और कभी भी साबुन मत लगाइए, तो आपको हाई ब्लड प्रेशर 15-20 दिन में ही ठीक हो जाएगा। नमक पानी से स्नान करें। हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, कौन सा नमक सबसे अच्छा, जो नमक आता है वो सेंधा नमक सबसे अच्छा, दूसरे नंबर पे जो नमक आता है काला नमक, और तीसरे नंबर पे नमक आता है वो क्रिस्टल फॉर्म का नमक, पाउडर नहीं, वो जो छोटे छोटे डेले में आता है ना क्रिस्टल, वो नमक। ये जो पाउडर वाला नमक आजकल बाजार में आ रहा है आयोडीन युक्त, ये तो बहुत ही खतरनाक, सरकार ये जबरदस्ती सबको खिला रही है, हमने इसके खिलाफ मुकदमा किया हुआ भारत सरकार ने, भारत सरकार के विरुद्ध हमने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा किया हुआ। ये जो जबरदस्ती सबको आयोडीन युक्त नमक खिला रहे हैं ना, ये बहुत ही खराब है, आप कोई भी मत खाइए इसको, क्योंकि आयोडीन युक्त नमक कभी भी मत खाइए, क्यों नहीं खाए वो जान लीजिए। दुनिया में जर्मनी, फ्रांस, जापान जैसे 24 देश हैं जिनमें आयोडीन युक्त नमक 20 साल पहले बैन कर दिया गया। कारण उसका क्या, इन सभी देशों में आयोडीन युक्त नमक खाने से एक गंभीर बीमारी आई जिसका नाम है नपुंसकता, इम्पोटेंसी। तो वहां के वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके रिपोर्ट दिया कि इम्पोटेंसी का, नपुंसकता का सबसे बड़ा कारण है आयोडीन युक्त नमक। तो अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में, सभी देशों में ये बैन कर दिया गया। फिर वहां का ये नमक भारत आ गया और भारत में सबको जबरदस्ती खिला रहे, तो हमने मुकदमा किया है सरकार के खिलाफ। तो एक दिन क्या हुआ कि भारत सरकार का एक अधिकारी वो आया अदालत में, मुकदमा होता है ना तो आना पड़ता है, तो हमने एक दिन उसको पूछ लिया कि भाई तुम ये जबरदस्ती क्यों खिला रहे हो सबको आयोडीन युक्त नमक। तो उसने कहा राजीव भाई बात ऐसी है कि हमारी भारत सरकार का फैमिली प्लानिंग फेल हो गया और जनसंख्या बहुत बढ़ गई, तो हम सबको जबरदस्ती आयोडीन युक्त नमक खिला रहे, 4-5 साल में नपुंसकता आ जाएगी तो बच्चे पैदा होना अपने आप कम हो जाएंगे, तो भारत की समस्या का परिहार समाधान हो जाएगा। ऐसी हरामखोर सरकार है।
इसलिए मेरी आपको छोटी सी विनती है कि आप ये आयोडीन युक्त नमक बिल्कुल मत लाइएगा। आप नमक लाइए तो वो सेंधा नमक लाइए, पत्थर वाला, या तो काला नमक लाइए, नहीं तो वो क्रिस्टल फॉर्म का जो नमक आता है वो लाइए, उसको धोकर और कूटकर पीसकर पाउडर बना के उसको उपयोग में लाइए। बाजार से पैकेट में बंद जिस पर लिखा हुआ है आयोडाइज्ड वो कभी मत लाइए। और मैं आपको एक माहिती देता हूँ कि आप बोलेंगे कि घेगा रोग हो जाएगा, ग्वाइटर हो जाएगा, कभी नहीं होता। मैंने आज तक आयोडीन युक्त नमक नहीं खाया, मुझे घेगा नहीं, मेरे परिवार में किसी ने नहीं खाया, किसी को नहीं। क्यों नहीं होता घेगा, मैं आपको बताता हूँ। आयोडीन की जरूरत जितनी हमारे शरीर को है उतनी आयोडीन सभी दालों में होती है। ये जो तूर की दाल है, मूंग की दाल है, मसूर की दाल है, उड़द की दाल है, सभी में आयोडीन है। हल्दी में भी है। हरे पत्ते की सभी सब्जियों में आयोडीन है, गाजर में आयोडीन है, मूली में आयोडीन है, बटाटा में आयोडीन है, जमीन के अंदर से जितनी सब्जियां निकलती है सभी में आयोडीन है, शेंग दाने में तो सबसे ज्यादा आयोडीन है। इसलिए जीवन में जो भी हम भोजन कर रहे हैं ज्यादातर भोज्य पदार्थों में आयोडीन है, फिर बाहर से आयोडीन लेने की कोई गरज और जरूरत नहीं है। ये जबरदस्ती सरकार ने अभियान चला रखा है और इस अभियान के पीछे दो उद्देश्य हैं। एक तो भारत में बड़े पैमाने पर लोगों में नपुंसकता लाना ताकि लोग संख्या कम हो। दूसरा उद्देश्य ये है कि 15 पैसे किलो के नमक को 7 रुपए किलो बिकवाना। जो सादा नमक है वो 15 पैसे किलो आता है लेकिन उसको 7 रुपए किलो सरकार ने बना दिया ये आयोडीन युक्त नमक के नाम पर, और आपकी जेब लूट रहे हैं, आप खुशी से लुटवा रहे हैं क्योंकि आपको माहिती नहीं है। आपको ये माहिती नहीं है कि आयोडीन तो सभी भोजन पदार्थों में है, हरे पत्ते की सभी सब्जियों में आयोडीन है, सभी दालों में आयोडीन है, जमीन के नीचे से जो भी सब्जी निकलती है सभी में आयोडीन है। बिना आयोडीन का दुनिया में कुछ होता ही नहीं है। तो इसलिए अतिरिक्त आयोडीन की शरीर को कोई गरज और जरूरत नहीं है, लेकिन अगर अतिरिक्त आयोडीन शरीर में आ जाए तो नपुंसकता आ जाती है, ये पक्का है। इसलिए आप अपने जीवन को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आयोडीन युक्त नमक बिल्कुल बंद कर दीजिए, सादा नमक लाइए वही खिलाइए। और अगर आप जानवरों को पालते हैं जैसे मछली है, दूध के लिए गाय है, उसको भी कभी आयोडीन युक्त नमक मत खिलाइए जानवरों को। पता तकलीफ क्या आ रही है, बहुत सारे शेतकरी मुझे शिकायत करते हैं कि उनकी गाय और भैंस को आयोडीन युक्त नमक खिलाओ तो वो गर्भवती ही नहीं होती, गाय मछली भी गर्भावस्था में नहीं आती, कितनी खराब चीज है ये आयोडीन युक्त नमक। इसलिए आप इसको ना खाएं तो अच्छा। तो नमक कौन सा खाएंगे कल से तय कर लीजिए। वो सेंधा नमक सब जगह मिलता, थोड़ा महंगा आता है वो ले आइए। और एक नमक आता पाकिस्तानी नमक नाम से मिलता है, लाहौरी नमक के नाम से मिलता है, वो भी अच्छा है, नहीं तो वो क्रिस्टल फॉर्म का डेले वाला नमक वो सब गाँव में मिलता है, वो लाइए उसी का उपयोग करें। काला नमक बहुत अच्छा है, हाँ वही संचर नमक जिसको कहते हैं वही काला नमक है। संचर नमक उसको मराठी में कहते हैं, काला नमक हिंदी में। तो आपको मैंने आपके स्वयं पाक घर में क्या क्या है, उनके औषधीय रूप क्या क्या है, क्या क्या औषधि, और ये बात मैं नहीं कहता, भारत के सबसे महान चिकित्सक जिनका नाम था चरक, उन्होंने कही। चरक ऋषि आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुए और उनका ये मानना था कि भारतीय स्वयं पाक घर दुनिया का सबसे बड़ा औषध केंद्र, अर्थात सारी औषध स्वयं पाक घर में है। अगर हम उसका ध्यान से सदुपयोग कर सकें तो वो हमारी चिकित्सा में सबसे ज्यादा उपयोगी है। कल मैंने आपको ऐसी ही कुछ औषध की माहिती दी थी जो स्वयं पाक घर में है और आप उसका सदुपयोग कर सकते हैं। मैंने आपको मेथी के दाने के बारे में माहिती दी थी, थोड़ा सा मैंने आपको दालचीनी के बारे में बोला था, जीरे के बारे में बोला, हड़द के बारे में बोला, नमक के बारे में बताया। आपके स्वयं पाक घर में कुछ सब्जियां इस्तेमाल होती हैं भाजीपाला तरकारी के रूप में, दूधी भोपड़े के बारे में मैंने आपको कुछ माहिती दी थी। ऐसी ही कुछ माहिती आज जो कल छूट गई, अधूरी रह गई, और मैं आपको देना चाहता हूं। आज और कल की पूरी माहिती स्वयं पाक घर के बारे में जो है, इसमें आपके मन में कोई जिज्ञासा हो, प्रश्न हो,
आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो, कल जितना मैंने बताया, आज तो जो मैं बताऊंगा वो तो ठीक ही है, कल जो मैंने बताया उसमें आपके मन में कोई जिज्ञासा प्रश्न ना समझ आया हो, तो आप अभी 10 मिनट में आपको मैं समय देता हूं, आप पूछ लीजिए। क्योंकि कोई बात समझ में नहीं आई तो पूछना अच्छा होता है बनिस्पत की उसको गलत करने से। मैंने आपको कुछ बोला और आपने उसको कुछ ठीक से समझा नहीं और गलत प्रयोग कर लिया और आपको लाभ होने की जगह नुकसान हो गया, तो फिर आप मुझे गाली देंगे कि राजीव भाई ने ऐसा बोला था, मैंने कुछ बोला था लेकिन आपने कुछ और सुना और उसकी वजह से तकलीफ हो सकती। तो कल जितना मैंने आपको बताया है, आपके मन में अगर कहीं समझ में नहीं आया हो, कोई जिज्ञासा हो, प्रश्न हो, तो तुरंत पूछ लीजिए। 10 मिनट के बाद फिर मैं नया विषय शुरू करूँगा। पूछे। हेलो, इसको कुछ पूछना होगा तो मैं भी आ जाऊंगा, थोड़ा विचार दे सही। भोजन के बाद बेलदोड़ा लवंग खा सकते? क्या पूछा आपने, फिर से कहिए। भोजन के बाद बेलदोड़ा लवंग, लवंग हाँ, और बेलदोड़ा ऐसा कुछ खा सकते? खा सकते हैं, लवंग खाने में कोई तकलीफ नहीं है। भोजन के बाद आप बड़ी सौंफ खा सकते हैं, भोजन के साथ भोजन के बाद छोटी सौंफ खा सकते हैं, लवंग खा सकते हैं, इलायची खा सकते हैं, भोजन के बाद आप पान खा सकते हैं, भोजन के बाद आप चूना खा सकते हैं, भोजन के बाद आप गुड़ खा सकते हैं। भोजन के बाद बहुत कुछ खाया जाता है, पानी नहीं पिया जाता। कल आपने वो चूना बताया था जी, 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 वो प्रयोग किया तो उसे लगातार करने से फायदा हुआ कुछ? हाँ, चूने का प्रयोग कम से कम 3 से 4 महीने आप करेंगे तो आपके बहुत सारे रोगों में बहुत फायदा होगा। चूने से जो रोग ठीक होते हैं, आपको कहीं भी घुटने का दर्द है, कमर का दर्द है, या तो मनके का त्रास है, आपको कहीं भी नींद अच्छी नहीं आती है, सुबह उठते पे आलस्य बहुत रहता है, शरीर में फुर्ती नहीं है, चुस्ती नहीं है, भूख अच्छी नहीं लगती, शरीर बहुत बारीक है, अच्छा भोजन करने पे भी वजन नहीं बढ़ता है, ऐसी सभी बीमारियों में चूने से बहुत लाभ होगा आपको। आपने बहुत दिन लंबे समय तक शराब पिया है, शराब पीने से शरीर के अंदर के अंग खराब हो गए, तो भी चूना आपके लिए बहुत गुणकारी है। बार बार आपको सर्दी जुकाम होती है, शरीर की प्रतिकारक शक्ति बहुत कम हो गई है, उसका भी बहुत अच्छा इलाज इस चूने से होता है। घर के छोटे बच्चे हैं जिनकी ऊंचाई नहीं बढ़ रही है, उनको चूना खिलाइए तो बहुत अच्छे से ऊंचाई बढ़ती है। जो मतिमंद बच्चे हैं जिनकी मानसिक विकलांगता है, उनको चूना खिलाइए, वो भी बहुत है। तो चूना एक मैंने 48 रोगों में उपयोग करके देखा है, बहुत अच्छे परिणाम इसके आते हैं और इसका साइड इफेक्ट सिर्फ एक ही व्यक्ति को होता है, कोई स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, जिनको मूतखड़ा की शिकायत है उनको कभी भी चूना नहीं खाना चाहिए, उन्हीं को इसका साइड इफेक्ट होता है, बाकी किसी को नहीं होता। जिनको भी मूतखड़ा की शिकायत है अगर वो चूना खाएंगे तो मूतखड़ा और ज़्यादा होगा और उसका साइज बड़ा हो जाएगा। अगर वो मान लीजिए 2 मिलीमीटर का है तो 5 मिलीमीटर हो सकता है, 5 मिलीमीटर है तो 10 हो सकता है। तो बस एक ही लोग हैं, व्यक्ति हैं, स्त्री या पुरुष, जिनको चूना नहीं खाना चाहिए, वो है जिनको मूतखड़ा। पहले मूतखड़ा की बीमारी ठीक कर लीजिए, उसके बाद आप भी चूना खा सकते हैं। एक आंख से जरा भूखापन दिखता है, उसमें कौन सा उपचार करना चाहिए? ये तो मैं अभी आगे बताऊंगा, कल मैंने जितनी बात कही है उतने पर प्रश्न करिए। और पेट की एसिडिटी, गैस एसिडिटी का कल मैंने बताया था, सबसे अच्छी दवा है जीरा। जीरे को पानी में डालिए, पानी को उबालिए, उसको फिर हल्का ठंडा करके पी लीजिए, तो एसिडिटी की सभी तकलीफ आपकी खत्म हो जाएगी। और पानी का जो नियम मैंने बताया है, खाने के 1.5 घंटे बाद पानी पीना, पानी हमेशा घूट घूट भर के पीना, थोड़ा थोड़ा करके पीना, सुबह उठते ही सबसे पहले पानी पीना और ठंडा पानी कभी नहीं पीना, ये 4 नियम का पालन करेंगे तो कभी जिंदगी में एसिडिटी नहीं आएगी। तो
कितना खाने का प्रमाण और किसके साथ खाना चाहिए हो? मैंने कल बताया था कि एक दिन में एक ग्राम से ज्यादा चूना कभी मत खाइए। आप बाजार में जाइए, पान की दुकान से चूने की एक छोटी सी पुड़िया मिलती है, उसमें लगभग 10 ग्राम चूना होता है। उसके 10 हिस्से करेंगे तो एक ग्राम निकलेगा। वो एक ग्राम चूना आप दही में मिला के खा सकते हैं, एक कप दही में, या एक गिलास साक में मिला के पी सकते हैं, एक गिलास दूध के रस में मिला के पी सकते हैं, एक गिलास किसी भी फल के रस में मिला के पी सकते हैं, नहीं तो एक गिलास पानी में मिला के पी सकते हैं। छह साल का लड़का है, उसको चुनने का ये शुरू करना है, तो वो पानी में तो नहीं लेंगा, तो नहीं साथ में नहीं तो कोई जूस में, और वो किसी में नहीं लेता है ना, तो दाल में उसके मिला दी, दाल में या सब्जी। अंदर अगर अंतर आया है, गैप आया है, तो चूना खाने से बराबर गैप भर जाएगा। नहीं, कम हुआ है अंतर, गैप कम हुआ है। हाँ, किसको हुआ? आपको? हाँ, अच्छा, तो आप और क्या चाहते हैं? और गैप कम करना है? मैंने तो ठीक तरह से हो सकता है कि हाँ बिल्कुल। खून बढ़ाने के लिए क्या खाएं? जी अभी बताता हूँ इसको, तो आज के विषय में ये बताऊंगा, कल जो मैंने बोला उसने पे प्रश्न करें। दमे की बीमारी वाले को दमे का मैं बताऊंगा अभी। जी अदरक पीसी हुई, हाँ, उसमें मध डाल के, हाँ, उसको गर्म करके, हाँ, बोले तो ज्यादा परमाण में गर्म करके, हाँ, तो बिगर तुलना किया, दो चम्मच खाया तो चलेगा? नहीं चलेगा। कभी भी मध अगर मिला दिया है किसी चीज में तो उसको गर्म नहीं किया जा सकता। आप अगर अदरक के रस को पहले गर्म करिए, बाद में मध मिलाइए तो चलेगा। अगर अदरक के रस में मध मिला दिया तो ऐसे ही खा लेना अच्छा है, गर्म मत करिए, क्योंकि मध को गर्म करते ही वो विष में बदल जाता है। मध अकेली दुनिया की चीज है जो बिना गर्म किए ही खाई जाती है। अगर आपने उसको गर्म किया या किसी गर्म चीज में डाला तो वो विष में बदल जाता है, जहर हो जाता है। तो इसलिए अदरक के रस में मध मिलाना है तो ऐसे ही मिलाइए, या तो अदरक के रस को गर्म करिए, बाद में मध मिलाइए, फिर खा सकते। मेरा एक सवाल है जी, ओल्ड एज पर्सन के लिए सामान्यता गुड़का दुखी ये बीमारी बहुत लोगों में दिखाई जाती है। बिल्कुल, ये बैठते उठते समय या बाकी टॉयलेट में जाते समय वो गुड़गा उसका सीधा होता नहीं और चलने में भी मुसीबत जाती है, तो सामान्यतः ये बीमारी से हटने के लिए क्या करना चाहिए? मैंने कल बताया था, शायद आपने ध्यान से नहीं सुना, पारिजात नाम का एक पेड़ होता है, परिजात को हिंदी में हार सिंगार भी कहते हैं। परिजात के पेड़ के 5-6 पत्ते तोड़िए, उसकी चटनी बनाइए, एक गिलास पानी में मिलाइए, पानी को खूब गर्म करिए, इतना गर्म करिए कि पानी आधा हो जाए, फिर उसको ठंडा होने के लिए रख दीजिए, रात भर उसको रखा रहने दीजिए, सुबह उठकर उसको खाली पेट पीना है। तो परिजात के पत्ते का चटनी का बनाया हुआ रस किसी भी वृद्ध व्यक्ति को जिनकी उम्र 90 वर्ष है, 95 वर्ष है, वहां तक ये दिया जा सकता है, और ये देते ही आप देखेंगे कि 3-4 दिन के अंदर तो अद्भुत परिणाम आएगा, और 15-20 दिन के अंदर उनका घुटना बिल्कुल सीधा होना शुरू हो जाएगा। और ये ज्यादा से ज्यादा आप बुजुर्ग व्यक्तियों को, वृद्ध व्यक्तियों को 1 महीने तक दे सकते हैं, उससे ज्यादा मत दीजिएगा, क्योंकि पारिजात के पत्ते में गर्मी बहुत होती है, तो 1 महीने से ज्यादा इसको देने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर उपचार करूं तो डायबिटीज कमी होती है? हाँ, कल मैंने बताया डायबिटीज के बारे में, आपके घर में सबसे अच्छी औषध है जिसका नाम है मेथी का दाना। आप इस मेथी दाने को पानी में रात को डालिए, 1 चम्मच मेथी दाना 1 गिलास पानी में डाल लीजिए,
सवेरे उठकर उस मेथी दाने को चबा के खाइए, पीछे से उस पानी को पी जाइए। अगर ऐसा 3-4 महीने नियमित रूप से आपने किया, बहुत जल्दी आपकी डायबिटीज ठीक होगी। ये एक उपाय है। इसी में एक दूसरा उपाय भी है। आप चाहें और अच्छे से और जल्दी डायबिटीज ठीक करना है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं 3 महीने में ही मेरी डायबिटीज तो ठीक होनी चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, तो मेथी दाने की जितनी मात्रा है इतनी ही मात्रा त्रिफला चूर्ण उसमें मिला दीजिए। त्रिफला चूर्ण आप समझते हैं, हरडे, बेड़ा, आंवला, इन तीनों को मिलाकर बनता है त्रिफला। तो त्रिफला चूर्ण की मात्रा और मेथी दाने की मात्रा दोनों बराबर ले लीजिए। या तो मेथी दाने का पाउडर बना लीजिए, 1 चम्मच मेथी दाना पाउडर, 1 चम्मच त्रिफला पाउडर, दोनों 1 गिलास पानी में रात को डाल दीजिए। सुबह उठकर उस पानी को पी लीजिए पूरा का पूरा, बिना उसको फिल्टर किए, बिना छाने हुए, तो सब कुछ जो है वो पेट में जाना चाहिए। तो त्रिफला चूर्ण और मेथी दाना बराबर मात्रा में एक दिन में कम से कम 2 चम्मच दोनों मिलाकर, 1-1 चम्मच नियमित रूप से लेंगे तो 3 महीने के अंदर ही आपकी जो शुगर लेवल है वो बिल्कुल सामान्य हो जाएगी। आपको ऐसा बिल्कुल लगेगा नहीं कि आपको कभी जिंदगी में डायबिटीज था। तो ये दूसरा उपाय है डायबिटीज का। एक और उपाय है, अगर आप उसे कर सकें तो, कल मैंने ये नहीं बताया था, आज बता रहा हूं। अपने घर में अगर कोरपड़ आप समझते हैं, अंग्रेजी में हम लोग सब उसे एलोवेरा कहते हैं, तो कोरपड़ अगर है आपके घर में तो इसका पत्ता काटिए चाकू से और उसका ऊपर से छिलका उतारिए। जैसे ही आप छिलका उतारेंगे तो उसमें से रस निकलना शुरू हो जाता है। उसको ऐसे थोड़ी देर लटकाएंगे, टप 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 सब पूरा रस निकल आएगा। वो 3-4 चम्मच उसका रस अगर सुबह सुबह खाली पेट आपने पी लिया तो भी 3-4 महीने में आपका डायबिटीज ठीक कर देगा। तो ये 3 चीजें हमारे स्वयं पाक घर में है, एक तो कोरपड़ है, दूसरा आपके पास मेथी का दाना है, तीसरा आपके पास त्रिफला का चूर्ण है। डायबिटीज ठीक करने के लिए सैकड़ों दवाएं हैं आयुर्वेद में, लेकिन मैं सिर्फ उतनी ही दवाएं आपको बता रहा हूं जो स्वयं पाक घर में हैं। वैसे तो मैं आपको इतनी दवाएं बता सकता हूं, आप उनको ढूंढते रहिए बाजार में, बहुत पैसे भी खर्च होंगे, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि आप बहुत पैसे खर्च करें फिर ठीक हो। बहुत पैसे खर्च करके ठीक करने वाले तो बहुत डॉक्टर 40 गांव में बैठे हैं। हाँ, मैं वैसा आदमी नहीं हूं जो आपके पैसे खर्च कराऊं। मैं ऐसा इलाज आपको बताना चाहता हूं, ऐसे उपाय बताना चाहता हूं जो आप बिना किसी खर्चे के आसानी के साथ अपने घर में बैठ के कर सकें, स्वयं पाक घर के बाहर आपको ना जाना पड़े। जी 20 स्पून। जब भी मैं कोई चम्मच की बात करूंगा तो हमेशा याद रखिए वो टी स्पून ही होगी। कभी भी मैं बोलूं 1 चम्मच ये 1 चम्मच ये तो वो टी स्पून ही होगा। दिवसातून 7-8 वेळा सर्दी होती, डोळ्यातून एक सारखं पाणी घ्यायचं। बिल्कुल आसान है इसको ठीक करना, थोड़े दिन चूना खिला दीजिए। मैंने आपसे कहा था कल कि सर्दी होना माने प्रतिकारक शक्ति बहुत कम है। बार बार सर्दी होना, सतत सर्दी होना, ये उन्हीं लोगों को होता है जिनकी प्रतिकारक शक्ति बहुत कम है। इसको बढ़ाने की सबसे अच्छी दवा है चूना, दही में मिला के थोड़े दिन खिला दीजिए, सर्दी होना बिल्कुल बंद हो जाएगी। सर लो बीपी और हाई बीपी का एक बार टेस्ट कीजिए। लो और हाई बीपी, लो बीपी के लिए मैंने बोला था कि नमक को पानी में मिला के पीना, लेकिन कौन सा नमक? मैंने आपको बोला था संचर नमक एक होता है और एक आप वो नमक जिसको उपवास में इस्तेमाल करते हैं, क्या कहते हैं, सेंधा नमक। कोई लोग उसको सेंधा नमक कहते हैं, कोई लाहौरी नमक कहते हैं, कोई पाकिस्तानी नमक भी कहते हैं। मूल बात उसमें यह है कि वो पत्थर से बना हुआ नमक है। नमक 2 तरह का है पूरी दुनिया में, एक तो दरिया के पानी से बनाया हुआ जो पैकेट में मिलता है, आप जिसको आयोडीन युक्त के नाम से जानते हैं, ये सब दरिया के पानी वाला नमक है। और दूसरा नमक है जिसको संचर नमक, काला नमक, सेंधा नमक, उपवास वाला नमक, ये पत्थर से बना हुआ है। तो ये जो पत्थर वाला नमक होता है ये दुनिया में सबसे अच्छा माना जाता है, इसलिए ये थोड़ा महंगा बिकता है। तो जिसको भी ब्लड प्रेशर की शिकायत है उनके लिए ये नियम है कि वो नमक को पानी में मिला के पिए, 1 गिलास पानी
और उसमें एक पाव चम्मच, चम्मच माने टी स्पून नमक मिला के आप पीते रहिए, तो जिनको भी लो ब्लड प्रेशर है वो ठीक हो जाएगा। हाई ब्लड प्रेशर के लिए मैंने बताया था कि जिनको ऊंचा दबाव है रक्त का, उनके लिए नमक के पानी से स्नान करना। एक बाल्टी पानी है उसमें कम से कम 15-20 ग्राम नमक मिला दीजिए, नमक मिला हुआ पानी से स्नान करिए। स्नान करते समय सिर को पानी मत डालिए, सिर बचाकर पूरे शरीर को पानी डाल सकते हैं। और स्नान करने के बाद शरीर को पोंछना नहीं है, तौलिया इस्तेमाल मत करिए, कोई कपड़े से शरीर को रगड़ना नहीं है, जैसे पानी है उसको सूखने दीजिए, और ये सूखने के बाद आप वस्त्र पहन लीजिए, कपड़े पहन लीजिए। और जिनको हाई ब्लड प्रेशर है उनको साबुन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। तो इस पद्धति से अगर रोज स्नान करेंगे तो 15 दिन में ही आपका हाई ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। आयुर्वेद में बाघभट्ट संहिता में एक सूत्र है हाई ब्लड प्रेशर के लिए और लो ब्लड प्रेशर के लिए संस्कृत में। तो उस सूत्र में ऐसा लिखा हुआ है कि जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, उच्च रक्त दबाव, उनको समुद्र स्नान करना चाहिए। अब 40 गांव में समुद्र कहां से आएगा स्नान करने के लिए? तो इसलिए मैंने आपको सरल करके बता दिया कि आप पानी को जब स्नान कर रहे हैं तो उसमें नमक मिला दीजिए, समुद्र तैयार हो गया। समुद्र का माने है नमक का पानी, तो बाल्टी का पानी है उसमें नमक मिला दीजिए, समुद्र तैयार हो गया, इस पानी से स्नान करिए। तो ये हाई ब्लड प्रेशर की सबसे अचूक, सबसे सरल, सबसे अच्छी दवा है। हाई ब्लड प्रेशर के किसी भी मरीज को नमक मत खिलाइए, नमक के पानी का स्नान कराइए, और लो ब्लड प्रेशर के किसी भी मरीज को नमक खिलाइए ज्यादा से ज्यादा। दिन नहाने का कम से कम आप महीने भर तो नहा ही सकते हैं, बीच में 5-7 दिन ब्रेक करके फिर महीने भर नहा सकते हैं, ब्रेक कर करके 3 बार एक एक महीने नहा सकते हैं। मेरे पांव के में कुछ सूखते हैं इसीलिए। ये अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर, कल मैंने जो कहा उसकी बात, ये अभी मैं बताने वाला हूँ पांव की नस सूजती है या पेट में दर्द है क्या करना। नहाने का सुबह? जी नहाने का सुबह नियम यही है। आयुर्वेद में एक बहुत बड़ा अध्याय है, उसका नाम है दिनचर्या। दिनचर्या के अध्याय में सवेरे सोकर उठने से रात तक सोने में क्या क्या करना चाहिए उसके सारे नियम हैं। तो उस अध्याय के अनुसार हमेशा स्नान करने का सबसे अच्छा समय है सुबह का समय। उसमें उठने का यह है कि 4:30 बजे के आसपास उठ जाना चाहिए, और स्नान का समय उसमें है 6 से 6:30 बजे का। तो सुबह 6-6:30 बजे के आसपास आप स्नान कर लीजिए। अभी गर्मियों में तो आसान है, लेकिन आप बोलेंगे जी ठंडी के दिनों में स्नान करना सुबह 6-6:30 बजे मुश्किल है, तो आपकी सुविधा के अनुसार आप करिए, लेकिन स्नान हमेशा सुबह करना ही सबसे अच्छा होता है। ये क्यों होता है ये मैं अभी थोड़ी देर बाद बताने वाला हूँ। शाम का भी स्नान होता है, लेकिन वो रोगियों के लिए है, कुछ खास बीमारियां जिनको है उनको शाम का स्नान बहुत अच्छा होता है, लेकिन सभी स्वस्थ लोगों को सुबह का स्नान। जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपने पूछा गर्म पानी, नमक पानी के लिए है। अच्छा नमक पानी कितने दिन लेना? हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को 15-20 दिन आप नमक पानी पिलाइए। नमक पानी पीने ही वाला ना, स्नान करने वाला तो महीने भर तक कर सकते हैं, पीने वाला अगर नमक पानी है तो 15-20 दिन, उसके बाद उनका ब्लड प्रेशर चेक कराइए, अगर सामान्य आ जाता है तो फिर आगे देने की जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई दवा लेने की जरूरत नहीं हाई ब्लड प्रेशर में, बिल्कुल दवा लेने की जरूरत नहीं है हाई ब्लड प्रेशर। जी हाँ, अभी इन्होंने एक प्रश्न पूछ लिया है, अभी चर्चा हो रही थी ना स्नान की, तो इन्होंने पूछ लिया कि गर्म पानी का स्नान या ठंडे पानी का स्नान। आयुर्वेद में बहुत स्पष्टता से लिखा गया है कि गर्म पानी से कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए, स्नान में हमेशा ठंडा पानी ही रखना चाहिए। ठंडे पानी से मतलब जो सामान्य तापमान का पानी है वही पानी से स्नान करना अच्छा होता है। और अगर आपको कोई बहुत बड़ी मजबूरी है, मान लीजिए आपको ज्वर है, ज्वर माने फीवर है, बुखार है, बहुत तेज बुखार है, और आप नहाना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में गर्म पानी उपयोग कर सकते हैं। अगर स्वस्थ है शरीर तो बिल्कुल भी गर्म पानी से मत नहाइए, नहीं तो बीमारी आएगी।
और आयुर्वेद में बहुत सख्ती के साथ एक सूत्र लिखा गया है भागवत संहिता में कि सिर के ऊपर गर्म पानी अगर आपने डाला तो तैयार रहिए 123 रोग आपकी जिंदगी में आएंगे। सिर के ऊपर अगर गर्म पानी डाला तो 123 रोग आपके जीवन में आएंगे। मानसिक रोग भी हो सकते हैं वो और शारीरिक रोग भी हो सकते हैं, इसलिए सिर के ऊपर कभी भी गर्म पानी मत डालिए। वैसे तो गर्म पानी से नहाइए मत, मैं आपसे कहता, लेकिन आपका दिल नहीं मानता, शरीर नहीं मानता, आदत बुरी पड़ गई है। महाराष्ट्र के लोगों को ये बहुत बुरी आदत है, गर्मी में भी गर्म पानी से नहाते हैं। तो अगर आदत बुरी पड़ गई है, शरीर को लग गया है इसका, तो आप ऐसा करिए कि गर्म पानी शरीर के किसी भी अंग पर डालिए, सिर पर मत डालिए, सिर को बचाइए कम से कम। सिर को डालने के लिए ठंडा ही पानी रखिए, साधारण पानी। सिर और आंख ये दोनों गर्म पानी से बचने चाहिए। क्यों बचने चाहिए, कारण मैं बता देता हूं। ये सिर और आंख दोनों जो है ना, कफ का स्थान है। हमारे शरीर में तीन दोष होते हैं ना, वात, पित्त और कफ। तो ये जो सिर है, सिर यहां सबसे ज्यादा कफ रहता है, आंख और सिर में सबसे ज्यादा कफ रहता है। और कफ और गर्म पानी की खतरनाक दुश्मनी, अगर गर्म पानी दें तो कफ और तेजी से बढ़ता है। इसलिए सिर और आंख दोनों को गर्म पानी से बचाना चाहिए। आंखों को कभी भी धोना हो तो ठंडे पानी से ही धोइए, सिर को कभी भी धोना हो तो ठंडे पानी से ही धोइए, बाकी शरीर को थोड़ा गर्म पानी डालें तो चलेगा। नहीं तो मेरा सुझाव है कि गर्म पानी डालिए ही मत, ठंडे पानी से ही नहाइए। आदत डाल दीजिए, शरीर में आदत पड़ जाए जी। ठंड काल में भी आप कोशिश ये करिए कि बहुत गर्म पानी ना रहे, कोमट पानी रहे, हल्का गर्म पानी रहे, गुनगुना पानी रहे। बहुत गर्म पानी उस समय भी अच्छा नहीं है शरीर के लिए। नहीं, पानी का ठंडी से कोई संबंध नहीं है। आपके दिमाग में एक बहुत बड़ी गैर समझ है, वो ये कि ठंड पानी से नहाएंगे तो सर्दी हो जाएगी। सर्दी का पानी से कोई रिश्ता नहीं है, सर्दी का रिश्ता पोट से है। पोट खराब होगा तो जरूर सर्दी होगी। जिनको संडा साफ नहीं होती, बार बार जिनको कोष्ठबद्धता रहती है, मलबद्धता रहती है, कब्जियत रहती है, उनको ही सर्दी सबसे ज्यादा होती है। पानी का सर्दी से कोई संबंध नहीं, इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए कि ठंडे पानी से नहाने से सर्दी होती है, बिल्कुल नहीं होती। सर्दी उनको होती है जिनको पोट साफ नहीं होता, उन्हीं को सर्दी होती है। ये उनके लिए है जिनको शरीर में कोई भयंकर दर्द है। अगर शरीर में आपको मसल्स पेन है, दो तरह के पेन होते हैं, एक तो बोन्स में है, हड्डियों में, और दूसरा मांसपेशियों। मांसपेशियों का अगर कोई भयंकर दर्द है तो ठंडे गर्म पानी से नहाने पर बहुत आराम मिलेगा। एक बार ठंडा पानी डालिए, फिर गर्म पानी, फिर ठंडा, फिर गर्म, तो मांसपेशियों का दर्द आपका खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर स्वस्थ हैं आप तो ऐसा मत करिए, खाली ठंडे से ही नहाना ठीक। चले आगे बढ़े, कल मैंने आपको जितने रसोई के, स्वयं पाक घर के, औषध के बारे में माहिती दी थी, उसी के आगे की थोड़ी माहिती मैं और देता हूँ। कल मैंने आपको कुछ ऐसी औषधियों के बारे में बताया था जो बहुत ही अच्छी हैं। उनमें से एक मेथी का दाना था, एक चूना था, एक दालचीनी थी, एक हड़द थी, एक नमक था, ऐसे ही कुछ कुछ बातें थी। आज मैं आपको ऐसी कुछ माहिती देता हूँ जो ऐसी ही अद्भुत औषधियाँ हैं और अपने स्वयं पाक घर के बिल्कुल नजदीक में उपलब्ध हैं। उनमें से एक औषध है, उसका नाम है तुलसी। तुलसी हम सबके घर में है, ऐसा कोई घर शायद नहीं मिले जहां तुलसी ना हो। तुलसी दो प्रकार की होती है, एक तुलसी ऐसी है जिसको हम लोग कहते हैं राम तुलसी, और एक है जिसको हम कहते हैं श्याम तुलसी। राम तुलसी का ऐसा होता है कि उसका रंग हल्का हरा होता है, लाइट ग्रीन, और जो श्याम तुलसी है उसका रंग बहुत गहरा हरा होता है, डार्क ग्रीन। कभी कभी वो दिखने में काली भी दिखाई देती है, इसलिए उसको श्याम तुलसी कहते हैं। तो ये जो श्याम तुलसी है, इसी के औषधीय गुण हैं, राम तुलसी में ज्यादा औषधीय गुण नहीं है। तो घर में लगानी है आपको तो हमेशा सोच विचार कर
श्याम तुलसी ही लगाइए। तुलसी की विशेषता ये है कि ये कभी भी लगाई जा सकती है, साल के किसी भी महीने में आप इसका रोपण कर सकते हैं। और दूसरी विशेषता ये है कि ये सभी समय मिलती है, कोई भी समय में आपको ये मिलती है, तो आप गमले में लगा सकते हैं, घर में लगा सकते हैं। अब ये जो श्याम तुलसी है इसके क्या क्या उपयोग आप कर सकते हैं? इसका सबसे बड़ा उपयोग है किसी भी तरह के बुखार को समाप्त करने, ज्वर, फीवर, किसी भी तरह का फीवर आपको है, वायरल फीवर है, बैक्टीरियल फीवर है, या टाइफाइड का बुखार आ गया आपको, या सर्दी जुकाम के कारण कोई बुखार आ गया, या कई बार ऐसा होता है कि शरीर से बहुत ज्यादा श्रम किया, बहुत काम किया तो भी बुखार आ सकता है, तो किसी भी तरह के बुखार को तोड़ने में श्याम तुलसी का बहुत बड़ा योगदान है। इतना बड़ा योगदान है जो शायद किसी दूसरी चीज का नहीं है। तो आप इसको हमेशा घर में रखिए और किसी भी तरह का बुखार आए तो इसका भरपूर उपयोग करें। इसका उपयोग करने का तरीका बहुत सरल है, 15-20 पत्ते इसके तोड़िए श्याम तुलसी के, चटनी बना के उसका रस निकाल लीजिए, इस रस को गर्म कर दीजिए, इसमें थोड़ा गुड़ मिला दीजिए, और अगर आप शहद खा सकते हैं, मध खा सकते हैं तो थोड़ा सा मध मिला दीजिए, और इस रस को मध के साथ मिलाकर, नहीं तो गुड़ के साथ मिलाकर, एक एक चम्मच सुबह दोपहर शाम अगर लेंगे तो किसी भी तरह के बुखार को तोड़ सकते। अंग्रेजी की दवा पैरासीटामोल जो काम करती है वही काम ये तुलसी करती है, बहुत अद्भुत। तुलसी का सबसे बड़ा उपयोग है किसी भी तरह के बुखार को तोड़ने में। अगर 104 डिग्री 105 डिग्री बुखार आ गया है तो तुलसी का काढ़ा बना के दीजिए, बुखार तुरंत 105 से 102 101 पे आ जाए। काढ़ा कैसे बनाना है? तुलसी के पत्ते 15-20 तोड़कर पानी में डाल दीजिए, आधा कप पानी में खूब उबालिए, इस पानी को इतना उबालिए कि ये आधा रह जाए, फिर इस पानी में थोड़ा गुड़ मिला दीजिए, और गुड़ मिलाकर पीने लायक जितना गर्म है उतना इसको बना के पी लीजिए। तो ये काढ़ा है तुलसी का, इस काढ़े से कितना भी खराब से खराब बुखार है तुरंत नीचे आता है, बहुत ताकत है तुलसी में बुखार तोड़ने की। इसी तुलसी का बहुत ज्यादा सदुपयोग सभी माताएं कर सकती हैं। मासिक पाड़ी से जुड़े हुए एक बहुत खराब रोग में इस तुलसी का बहुत अच्छा उपयोग होता है, सफेद पानी आना, पांडरे पानी की शिकायत, जिसको हम सब लोग आजकल बहुत परेशान है, काफी माताओं को ये तकलीफ आजकल हो रही है। तो पांडरे पानी जाने की शिकायत जिनको है, अंग्रेजी में जिसको ल्यूकोरिया कहते हैं, इसकी सबसे अच्छी औषध है यही तुलसी, श्याम तुलसी। इस श्याम तुलसी का भरपूर उपयोग करिए, आपको इस बीमारी से बिल्कुल आसानी से निजात मिल जाएगी। इसको लेना कैसे है, तरीका मैंने बताया है कि इसका काढ़ा बना के ले सकते हैं, नहीं तो चटनी बना के रस निकाल के ले सकते हैं। और जिन माताओं को ज्यादा दिनों की ये शिकायत है श्वेत प्रदर की, लिक्योरिया की, उनको इस तुलसी के रस के साथ खड़ी शक्कर जरूर खानी चाहिए, तो जिंदगी भर के लिए आपको ये बीमारी खत्म हो जाएगी, दोबारा कभी नहीं आएगी। इस तुलसी का दूसरा सबसे बड़ा उपयोग, इसी तुलसी का एक तीसरा उपयोग भी है, बुजुर्गों को जो अधिक उम्र के व्यक्ति हो गए हैं, जिनको पेशाब की अक्सर शिकायत आती है, बूंद बूंद पेशाब आती है, भूलकर कभी भी पेशाब नहीं आती, लघवी के लिए जाते हैं लेकिन लघवी नहीं होती, कई बार ऐसा सेंसेशन आ जाता है, होती है तो एक दो बूंद होती है, आगे नहीं होती, ऐसे सभी बुजुर्ग नागरिकों के लिए, वृद्धों के लिए भी इस तुलसी का अद्भुत उपयोग है। तरीका मैंने बता दिया, एक ही है, या तो काढ़े के रूप में नहीं तो उसका रस। और ये तुलसी एक काम में आती है, अगर आपके बाल में बहुत ज्यादा डेंड्रफ है, बहुत डेंड्रफ है, बहुत परेशान है, खोड़ा, खोड़ा कहते हैं, क्या कहते हैं बरन, कोंडा, ये बहुत हो गया, डेंड्रफ हो गया, खुजली बहुत आ रही है, तो यही श्याम तुलसी का रस निकालिए चटनी बनाकर और ये बाल में लगा लीजिए, एक तास के बाद बाल को धो दीजिए, सब कोंडा निकाल दें, डेंड्रफ आपका एकदम ठीक कर देते। और इस तुलसी का एक अच्छा उपयोग है, कभी माताओं को मासिक पाड़ी के समय बहुत जास्ती रक्त जाने की शिकायत है, आपको 3 दिन रक्त जाना चाहिए लेकिन 5 दिन जा रहा है, 7 दिन जा रहा है, कभी कभी 10 दिन जा रहा है, तो यही तुलसी का रस पी लीजिए,
रक्त को तुरंत बंद करते हैं। बहुत अद्भुत है। इस एक तुलसी का मैंने देखा है अपने शरीर की कम से कम 25 से 30 बीमारियों में इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। बच्चों के लिए इसका बहुत अच्छा उपयोग है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों के शरीर में पेट में कीड़े हो जाते हैं, जंतु हो जाते हैं, और उस जंतु के कारण वो बहुत परेशान रहते हैं। अक्सर ऐसी परेशानी उनको आती है कि आप तो बहुत अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं, लेकिन वो सब खाना उनके जंतु खा जाते हैं, शरीर को नहीं लगता। अगर ऐसी जरा भी संभावना लगे कि बच्चों को शरीर में जंतु है, तो यही तुलसी का रस और उस काढ़े से जंतु सब निकल जाते हैं। इस तुलसी का बहुत बहुत अच्छा उपयोग कई कई बीमारियों में आप कर सकते हैं। और एक आखिरी बीमारी, शरीर को कहीं पर कोई घाव हो गया, व्रण जिसको कहते हैं, और इतना भयंकर घाव हो गया कि भरता नहीं, उसमें से लस्सी भी निकलती है, उसमें से रक्त भी निकलता है, घाव भरता नहीं है, तो ये जो तुलसी की चटनी बना के आप लगा दें तो खराब से खराब घाव भर जाता है। तो ये तुलसी अपने घर में जरूर रखिए, कम से कम स्वयं पाक घर के नजदीक रखिए, गमले में लगा कर रखिए, और घर में थोड़ा बड़ा बगीचा है तो ज्यादा बड़े इलाके में लगा के रखिए, बहुत काम आएगी, हमेशा काम आएगी। आगे चलते हैं। अपने घर के स्वयं पाक घर के नजदीक में ऐसी ही एक बहुत अच्छी औषध है, तुलसी जैसी ही, उसको मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था, खोरपट, एलोवेरा, ग्वारपाठा, अद्भुत है ये, बहुत बहुत बीमारियों में काम आता है। आप इसको भी गमले में लगा सकते हैं, बहुत आसान है इसका लगना। खोरपट का रस हमेशा इस्तेमाल किया जाता है, तो उसका पत्ता काटेंगे, पत्ता काटते ही रस निकलना शुरू हो जाता है, और उसको छील देंगे तो और ज्यादा रस निकलता है। ये रस इकट्ठा करके आप इसको कई तरीके से उपयोग कर सकते हैं। सबसे बड़ा उपयोग इसका है डायबिटीज में, जिनको भी शक्कर की बीमारी है, शुगर की बीमारी है, उनको ये खोरपट का रस इकट्ठा करना और 4-5 चम्मच सुबह खाली पेट पीना, बहुत अद्भुत काम करता है। दूसरा, ये खोरपट का रस ऐसे लोगों की सबसे अच्छी दवा है जिनको नपुंसकता है, इम्पोटेंसी की बीमारी जिनको बहुत है, ऐसे सब लोगों को खोरपट का रस बहुत अद्भुत काम करता है। आप उनके लिए भी बोल सकते हैं कि 3-4 चम्मच रोज सुबह इसको पीना। तीसरा, ये खोरपट का रस उन सबके काम आता है जिनके शरीर में फोड़े बहुत होते हैं, फुंसियां बहुत होती हैं। अक्सर आपने देखा है कि गर्मियों के दिन में कई छोटे बच्चे तो ऐसे हैं जिनको हमेशा कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ पाँव कहीं हर जगह शरीर में फोड़े फुंसी होते रहते हैं, इनके लिए भी ये खोरपट का रस बहुत अद्भुत है। बालों में अगर आपको डेंड्रफ है, कोड़ा जो मैंने कहा, इसमें खोरपट का रस लगाएं तो बहुत अद्भुत काम करता है। बाल आपके बहुत झड़ते हैं, बहुत ज्यादा टूटते हैं, समय से पहले आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा बाल टूट रहे हैं, कारण आपके कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसमें भी खोरपट का रस बहुत अच्छा काम करता है। बालों में लगाइए, एक तास के लिए छोड़ दीजिए, फिर बाल धो लीजिए। एक हफ्ते में एक दिन भी अगर आपने लगाना शुरू किया तो बाल टूटने आपके बंद कर देगा। आपको ऐसा लगता है कि बाल आपके बहुत हल्के हो गए हैं, तो भी आप खोरपट का रस उपयोग करिए, बाल एकदम अच्छे हो जाए। अगर समय से पहले बिना किसी कारण से, जेनेटिक प्रॉब्लम भी नहीं है, तो भी किसी को बाल अगर सफेद हो रहे हैं, उनको बोलिए कि खोरपट का रस लगाएं, बाल एकदम काले कर देता है। इसी खोरपट के रस से शरीर के अंग का कोई भी हिस्सा जो सड़ गया है, बहुत खराब एक बीमारी है जिसको अंग्रेजी में गैंग्रीन कहते हैं, गैंग्रीन, और एलोपैथी के किसी भी डॉक्टर के पास इसका कोई इलाज नहीं। गैंग्रीन का अगर कोई भी बीमारी आ गया तो एलोपैथी का डॉक्टर एक ही बात आपको बोलेगा कि शरीर का ये अंग काट के निकाल दो, ये सड़ा हुआ शरीर का अंग फिर से ठीक करने की ताकत दुनिया में जिस औषध में है वो यही है, खोरपट का रस। कितना भी खराब अंग सड़ गया हो, पांव में, हाथ में, कहीं भी किसी भी हिस्से में, आप खोरपट का रस वहां लगाना शुरू कर दीजिए, 8-10 दिन में आप चमत्कार देखेंगे, अद्भुत परिणाम आता है। इसी खोरपट के रस का और अच्छा एक उपयोग है, जिनको भी रक्त का दूषण हो गया, रक्त का दूषण बहुत तरह का होता है, जैसे आपके रक्त में एसिडिटी बढ़ गई, रक्त में अम्लता बढ़ गई, और रक्त की अम्लता बढ़ने से क्या बीमारियां होती हैं, चर्म रोग सबसे ज्यादा आते हैं, सोराइसिस नाम का एक चर्म रोग है,
इजियोसिस नाम का एक चर्म रोग है, एक्जिमा नाम का एक चर्म रोग है। ये सारे के सारे चर्म रोग रक्त की अम्लता बढ़ने से आते हैं। तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को आप कोरपट का रस पिलाना शुरू कर दीजिए, चर्म रोग ठीक कर देता है। और कोरपट का रस पीने में तो काम आता ही है, चर्म रोग है तो उसको बाहर से लगा भी सकते हैं, तेल की तरह उसकी मालिश भी कर सकते हैं और जल्दी ठीक कर देता है। इसी कोरपट के रस से आपके शरीर का अंदर के कई रोग ठीक होते हैं। जैसे आपको अल्सर है, अल्सर आप समझते हैं पेट में घाव हो गया, अल्सर है या पेप्टिक अल्सर है, इसको ठीक करने की ताकत कोरपट के रस में है। तो जो अल्सर के पेशेंट हैं, जिनको अल्सराइटिस है, वो भी इस कोरपट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक कोरपट मैंने इसका उपयोग करके देखा है, कम से कम 53 बीमारियों में, 53 डिसीज में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट। इसलिए आप अपने स्वयं पाक घर के नजदीक में एक गमले में जरूर इस कोरपट को लगा के रखिए, ये बहुत काम आता है। और एक आखिरी बीमारी इसकी और बता देता हूं, बच्चों से लेकर बड़ों तक कान में कभी भी दर्द हो जाए, कितना भी तेज दर्द हो कान में, आप कोरपट के रस की एक थेम डाल दीजिए कान में, 5 मिनट में ही दर्द बंद कर देगा। 5 ही मिनट लगते हैं, दर्द बंद हो जाए। कई बार आपने देखा है बच्चों और बड़ों को एक बीमारी होती है, कान में से लस निकलती है, उस बीमारी में भी कोरपट का एक थेम कान में डाल दीजिए, 3-4 दिन सतत डालेंगे लस निकलना बंद होता है। इसी कोरपट का और कई जगह उपयोग होता है। आपके मुंह से बहुत बास आती है, सुबह उठते ही आपको ऐसा लगता है कि मुंह से बदबू आ रही है, आप कोरपट के रस को मुंह में मालिश करिए, मुंह से मतलब मसूड़ों पे मालिश करिए, उसके बाद कुल्ली कर लीजिए तो मुंह से बास आना बंद करा दे। अगर आपके मसूड़ों से खून आता है, पायरिया नाम का रोग, अक्सर हमारे दांतों से खून आता है, मसूड़ों से खून आता है, तो कोरपट के रस को हल्के हल्के मालिश करिए, 3-4 दिन के अंदर ही पायरिया को ठीक करने की शक्ति इसमें है, अद्भुत है ये कोरपट। और ये कोरपट सौभाग्य या दुर्भाग्य सबसे ज्यादा भारत में ही होता है। अगर इस कोरपट का कोई बिजनेस करे तो एक ही साल में कोटिपति हो सकता है। इस कोरपट का रस अमेरिका में 1,000 रुपए लीटर बिकता है, 1,000 रुपए लीटर, गाय के थूक से भी महंगा, गाय का थूक बिकता है 100, 200, 250 रुपए लीटर, कोरपट का रस 1,000 रुपए लीटर बिकता है। और ये इतना महंगा क्यों बिकता है, क्योंकि दुनिया के दूसरे देशों में ये ज्यादा होता नहीं, लेकिन इसकी डिमांड बहुत है। जितनी भी कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्रीज हैं, कॉस्मेटिक्स के सामान बनाने वाली कंपनियां, सबको ये चाहिए। अमेरिका और यूरोप में सबसे ज्यादा इसकी मांग है, लेकिन वहां उत्पन्न हो नहीं पाता ज्यादा, ज्यादा ये भारत में होता। तो अगर आपके पास थोड़ा खेत है, खेती है, तो किनारे किनारे कोरपट लगा दीजिए, इसको पानी नहीं देना पड़ता, इसको खत नहीं देना पड़ता, कुछ नहीं देना पड़ता, ये अपने से ही बढ़ता रहता है। काटते जाइए, रस निकालते जाइए, बाटली में भर के आप सीधे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, भारत के बाजार में भी बेच सकते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस है। और ऐसा बिजनेस है जिसमें घाटा कुछ नहीं होने वाला, मुनाफा ही मुनाफा है। इसके दो फायदे होते हैं, अगर शेत के चारों तरफ आप ये कोरपट लगा दें, चारों बाजू में, तो उस पूरे शेत में कोई भी जंतु नहीं आता, तो जंतुनाशक औषधि की जरूरत नहीं। और कोरपट बड़ा होने के बाद 1,000 रुपए लीटर का भाव दे देता है। इसको आप रस के रूप में भी बेच सकते हैं, डायरेक्ट भी बेच सकते हैं। जी रस कैसे निकलता है, इसका रस निकालने के लिए बहुत छोटी सी मशीन आती है, वो मशीन आप अपने घर लगा सकते हैं, मशीन से रस निकल सकता है। और मशीन नहीं लगाना हो तो हाथ से भी रस निकल आता है। निकालने का तरीका मैंने बताया, इसका पत्ता काटना, फिर उसको चाकू से छीलना, फिर छोटे छोटे पीस उसके करना और उसको स्मैश करके रस निकल आता है। जी मिक्सर में निकल आता है, क्रशर आता है इसका एक, उसमें भी निकल आता है, मिक्सर में भी निकल आता। तो इसको आप जरूर अपने घर में रखिए, कम से कम गमले में लगा के रखिए, ये बहुत तरह के उपयोग में आपको आने वाला है। अभी जी कांटे रहते हैं, इसके पत्ते में कांटे रहते हैं, छोटे छोटे कांटे रहते हैं। इसके आगे एक औषधि की माहिती देता हूं। जी
इसका रस का कोई एक्सपायरी डेट नहीं, एक बरस, दो बरस, दस बरस, बीस बरस, पचास बरस, कभी भी खराब नहीं होता। जैसे गंगा जल खराब नहीं होता, वैसे खोरपट का रस कभी खराब नहीं होता। कांच की बाटली में भर के कभी भी रख सकते हैं। रस कितना लेना? 3 से 4 चम्मच, उतना ही पर्याप्त है। अभी इसी कोरपट के जैसा एक और बहुत अच्छा औषध है जो अपने स्वयं पाक घर के बिल्कुल नजदीक हो सकता है, गेंदे का फूल, गेंदा मराठी में क्या कहते हैं, झेंडू, यस झेंडू, झेंडू का फूल, गेंदे का फूल, अंग्रेजी में हम सब उसे मैरीगोल्ड कहते हैं। ये दुनिया की सर्वोत्तम औषधियों में गिना जाता है, बहुत अच्छी औषधि। इस झेंडू के फूल का इतना ताकत है, आपको याद है कई बार हमारे भारत देश के सैनिक जब सीमा पर लड़ते हैं, युद्ध लड़ते हैं, अभी थोड़े समय पहले आपको शायद याद होगा कारगिल युद्ध हुआ, उस कारगिल युद्ध में भारत के 680 सैनिकों को तो वीरगति प्राप्त हुई, शहीद हुए, और बाकी कुछ 1200-1300 सैनिक थे जो घायल हुए, किसी को गोली लगी, किसी को बम लगा, और सबको घाव भयंकर हो गए। आप किसी भी मिलिट्री हॉस्पिटल में जाएं तो आपकी आंखों से देखेंगे कि जिन सैनिकों को भयंकर चोट लगती है, घाव होता है, गोली लगती है, बम लग जाता है, उन सबको यही दिया जाता है, झेंडू के फूल का रस, झेंडू के फूल की चटनी। झेंडू के फूल की चटनी अगर बना के उसको लेपन किया जाए तो बड़े से बड़ा घाव भर जाता है, और ये रस पीने को दिया जाए और जल्दी भर जाता है। तो जब कारगिल युद्ध के समय अपने सैनिकों को, जिनको घायल होने की सूचनाएं थी, सबको हॉस्पिटल के अंदर यही उपयोग में लाया गया और बहुत अच्छे परिणाम है। इस झेंडू के फूल को हमेशा घर में बना के रखिए, किसी भी तरह की चोट में अद्भुत काम करता है। ये सबसे बड़ा एंटीसेप्टिक है, सबसे बड़ा दुनिया का, इससे अच्छा एंटीसेप्टिक पूरी दुनिया में नहीं। और अगर झेंडू के फूल की चटनी बनाए और इसमें थोड़ा खोरपट का रस मिलाए तो बिल्कुल सोने में सुहागे जैसा काम करता है। बहुत ही अद्भुत कॉम्बिनेशन है, झेंडू के फूल की चटनी और खोरपट का रस मिक्स करके खराब से खराब घाव पर लगा दीजिए, पूरा शरीर सड़ गया हो ऐसे लोगों को लगा दीजिए। मैंने इसका उपयोग किया है कोड़ियों पर, आप जानते हैं कुछ लोग कोड़ी हो जाते हैं, शरीर का अंग उनका गलना शुरू कर देता, उनके शरीर के गले हुए अंगों पर जब मैंने ये लगा दिया तो उसी के बाद उनका गलना बंद हो गया शरीर। तो आप इसको घर में लगा के रखिए, झेंडू के फूल का सबसे अच्छा उपयोग है। शरीर के बाहर के अंग में कहीं भी चोट लगे, किसी भी तरह से, गोली लग गई हो, बम लग गया हो, एक्सीडेंट की चोट हो, जल्दी से उसको भरना हो, हील करना हो, तो ये बहुत अच्छी औषध है जिसको आप झेंडू का फूल कहते हैं। इसी तरह से अपने स्वयं पाक घर के नजदीक में एक बहुत अच्छी औषध है जिसको आप चाहें तो उपयोग कर लीजिए, आपके पास थोड़ी भी जमीन है तो उसमें वो लगा सकते हैं, वो है पालक और एक है मेथी। इसको भाजी पाले के रूप में आप सब उपयोग करते हैं, ये दोनों ही अद्भुत है। मेथी और पालक का सबसे रक्त को तेजी से बढ़ाना शरीर में, जिनको भी शरीर में रक्त अल्पता, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एनीमिया, खून बनना कम हो गया, शरीर में रक्त की कमी आ गई है, किसी भी कारण से खून नहीं बन रहा है, शरीर में रक्त की कमी है, उनको सबसे अच्छा है मेथी का रस और पालक का रस देना शुरू कर दीजिए। जूस के रूप में दे दीजिए, बहुत अच्छा काम करता है, नहीं तो सीधे पत्ते चबा के खाने को दे दीजिए तो भी काम करता है। शरीर में रक्त की मात्रा तेजी से बढ़ाने की सबसे ज्यादा ताकत जिनमें है उनमें से ये एक है, पालक और मेथी। हाँ, ऐसा होता है लेकिन सभी को नहीं होता। जिनको शरीर में पहले से एक खराब बीमारी हो, बार बार डिसेंट्री होने की, बार बार संडास लगने की, उनको ये ना खाए तो अच्छा है। एक ही लोग हैं जिनको ये नहीं खाना चाहिए, जिनको बार बार संडास जाने की तकलीफ हो, जिनकी लार्ज इंटेस्टाइन थोड़ी सी बढ़ गई हो, उसमें थोड़ा एक्सपेंशन आ गया हो, उनको पालक और मेथी से बचना चाहिए। और एक लोगों को बचना चाहिए जिनको मूत खड़ा है, किडनी में हो या गॉल ब्लैडर में, उनको भी मेथी और पालक खाने से बचना चाहिए। बाकी कोई भी इसको खा सकते हैं, स्त्री भी खा सकते हैं, पुरुष भी खा सकते हैं, बच्चे भी खा सकते हैं, बड़े भी खा सकते हैं।
और जिनको संडास नहीं आती है, आसानी से पेट साफ नहीं होता है, उनके लिए तो सबसे अच्छी औषध है ये पालक, सबसे अच्छी औषध है। पालक की भाजी रोज खाइए, मेथी की भाजी रोज खाइए। मेथी की भाजी जितने दिन मिलती है उतने दिन खाइए। कम से कम साल में 3-4 महीने तो मेथी मिलती ही है, कम से कम साल में 3-4 महीने पालक तो मिलता ही है। तो भोजन लंच में या तो डिनर में एक बार चाहे मेथी और एक बार पालक नियमित रूप से 3 महीने खाएं, तो अगले 9 महीने तक आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियां नहीं आए उसकी गारंटी ये दो सब्जियां देती है। 3 महीने खा लिया तो अगले 9 महीने के लिए फुर्सत, तो बहुत अच्छी है, सस्ती मिलती है, ज्यादा महंगी नहीं है और घर में भी लगा सकते हैं। थोड़ा भी आपके पास अगर खेत है घर के आजू बाजू में थोड़ा भी, तो वहां पर आसानी से पालक लगाया जा सकता है, मेथी लगाई जा सकती है। ये मेथी और पालक बहुत अच्छे से औषध के रूप में काम आते हैं उनको जिनको एक बीमारी है बहुमूत्रता। बहुमूत्रता माने बार बार पेशाब जाना, बार बार लघवी के लिए जाना, बार बार लघवी के लिए जाना, एक तास में 2-3 बार लघवी के लिए चले जाएं, रात में या दिन में, ऐसी बीमारी को बहुमूत्रता कहते हैं। इस बीमारी की सबसे अच्छी औषध के रूप में यह है पालक और मेथी, अद्भुत है, आप इसको उपयोग करें। जिनको आंखों की रोशनी कम हो गई हो, कम दिखाई देता है, उनके लिए भी ये सबसे अच्छी औषध है पालक और मेथी। जिनको सवेरे ही सोकर उठने से बहुत चक्कर आते हो, उनके लिए भी ये सबसे अच्छी औषध है पालक और मेथी। शरीर में रक्त के दूषण से कोई बीमारी जिनको बार बार होती हो, उनके लिए भी ये सबसे अच्छी औषध है पालक और मेथी। और आखिरी जिनको डायबिटीज है, उनके लिए तो ये सर्वोत्तम औषध है। डायबिटीज के हरेक मरीज को रोज मेथी खानी चाहिए भाजी के रूप में, रोज पालक खाना चाहिए। जितना ज्यादा मेथी और पालक की भाजी खाएंगे उतनी जल्दी डायबिटीज आपके शरीर से खत्म हो जाए। आगे चलते, एक बहुत अच्छी औषध ऐसे ही आपके घर में है, लेकिन वो स्वयं पाक घर में आती है, हम शायद उसको गमले में नहीं लगा सकते, वो भी भाजी के रूप में आती है, बैंगन, मराठी में क्या कहते हैं, बांगे, बांगे, यस यस यस। मराठी लोगों को ये बहुत प्रिय सब्जी है। मैं जब भी महाराष्ट्र में कहीं भी जाता हूँ, उत्तर महाराष्ट्र, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, सब जगह ये भाजी के रूप में तो जरूर खाने को मिलता है। ये भगवान की सब्जी है ऐसा समझ के आप, भगवान की बनाई हुई सब्जी है ऐसा इसको मान सकते हैं। इसमें अद्भुत गुण है, इसका सबसे बड़ा गुण है इसका रंग, इसका कलर, इसका जो कलर है वो वायलेट कलर है, बैंगनी रंग है, और पूरी प्रकृति में बैंगनी रंग सबसे अच्छा माना जाता है। बैंगनी रंग का, वायलेट कलर का कोई भी फल अगर आप खाते हैं तो आप दुनिया में सबसे अच्छा फल खाते हैं ऐसा मान लीजिए। तो वायलेट कलर के जो फल हैं हमारे अपनी जिंदगी में वो दो ही हैं, एक तो जामुन है और दूसरा ये बैंगन है। तो भरपेट खाइए इसको, बैंगन भी खाइए, जामुन भी खाइए, लेकिन बैंगन ये ही वाला सबसे अच्छा है जिसका कलर वायलेट है। एक ऐसा भी बैंगन आता है जो ग्रीन कलर का है, वो ज्यादा अच्छा नहीं है, ग्रीन कलर वाला बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता, जिसका कलर वायलेट है वही सबसे अच्छा है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सूर्य के प्रकाश को सबसे ज्यादा अवशोषित करने की ताकत इसमें है वांगे में, और सूर्य प्रकाश दुनिया में पूरी की पूरी प्रकृति का, ब्रह्मांड का ऊर्जा केंद्र है, इसलिए वांगे की सब्जी, बैंगन की सब्जी बहुत अच्छी है। बहुत लोगों को ये मन में गैर समझ हो गई है कि वांगे की सब्जी अच्छी नहीं है, बादी करती है, थोड़ी भारी होती है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वांगे की सब्जी आप भरपेट खाइए, ना बादी होती है ना भारी करती है। आयुर्वेद में भागवत संहिता में भागवत ऋषि ने एक सूची बनाई है कि कौन सी भाजी सबसे अच्छी और कौन सी सबसे खराब, तो भागवत ऋषि की भाजी में सबसे ऊपर इसका नाम है वांगे का, जो सबसे अच्छी भाजी है। सबसे खराब भाजी में जो नाम है वो इमली है, इमली, इमली सबसे खराब भाजी में माना जाता है, और सबसे अच्छा ये बैंगन या वांगे की सब्जी, तो आप इसको भरपेट खा सकते हैं। और इसका बेस्ट जो कॉम्बिनेशन है वांगे का वो जवारी के साथ, जवारी की रोटी और वांगे की सब्जी अगर मिल गई तो सोना
मिल गया ऐसा समझ लीजिए। दूसरा इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन है बाजरी, बाजरी की रोटी और वांगे की सब्जी। गेहूं के साथ इसका दुश्मनी, वांगे का दुश्मनी गेहूं के साथ है, माने गेहूं की रोटी के साथ वांगे की सब्जी ना खाएं तो बहुत अच्छा है। अगर वांगे की सब्जी खा रहे हैं तो इसको ज्वारी की रोटी के साथ खाएं, बाजरी की रोटी के साथ खाएं, और ये मक्की की रोटी के साथ भी खाया जा सकता है। गेहूं के साथ सबसे कम खाएं। गेहूं के साथ इसका कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है, क्योंकि क्योंकि गेहूं में जो पोषक तत्व है और वांगे में जो पोषक तत्व है ये एक दूसरे को सूट नहीं करते। और एक बात है, आपके स्वयं पाक घर में जो भाजी आती है उसमें से ऐसी ही एक बहुत अच्छी भाजी है टमाटर। टमाटर अब आजकल जो टमाटर आ रहा है वो काम का नहीं है। आजकल जो है ना बड़ा बड़ा टमाटर आया है और वो बहुत कड़क भी होता है और उसमें टेस्ट भी नहीं है। ये टमाटर किसी काम का नहीं। आप टमाटर नाम देखकर कुछ खा रहे हैं तो ठीक है, वरना उसमें टमाटर का कोई भी गुणधर्म नहीं। जो देशी टमाटर आता है, देशी टमाटर आप सब समझते हैं, जो देशी टमाटर है, ज्वारी टमाटर है, ये सबसे अद्भुत औषधि है उन सब के लिए जिनको डायबिटीज है। जिनको भी डायबिटीज है उनको भरपेट टमाटर की सब्जी खानी चाहिए, देशी टमाटर। जिनको भी डायबिटीज है उनको टमाटर का सूप पीना चाहिए। जिनको भी डायबिटीज है उनको टमाटर काट के सलाद के रूप में खाना चाहिए। जितना ज्यादा टमाटर आप खाएंगे उतनी जल्दी डायबिटीज कम होगा। लेकिन टमाटर वही हो जो मैं आपसे कह रहा हूं, देशी टमाटर, जवारी टमाटर मिलता नहीं है। आप थोड़ा ढूंढेंगे तो मिलता है, महंगा मिलता है, देर से मिलता है। और आप शेतकरी के सामने बोलिए हमको देशी टमाटर चाहिए तो वो देगा। अभी शेतकरी नागरिकों को मैं कहता हूं तो वो कहते हैं राजीव भाई कोई डिमांड ही नहीं करता, सबको देखने में अच्छा टमाटर चाहिए, तो ये विदेशी ही है। आपको देखना अच्छा ना हो लेकिन क्वालिटी अच्छी हो ऐसा टमाटर देशी है। तो आप बोलिए भाजीपाला वाले को, वो शेतकरी को बोलेगा, शेतकरी उसका बीज लगाएगा, बीजारोपण करेगा तो आपको मिलेगा। नहीं तो आपके पास अगर थोड़ी खेती है तो आप इसमें देशी टमाटर जरूर लगाइए। इस देशी टमाटर का बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा उपयोग है। जिन बच्चों को बचपन में चश्मा लग गया आंखों में, उम्र तो कम है लेकिन आंखों की रोशनी कम हो गई है, उन सभी को टमाटर में काली मिर्च मिलाकर खिलाइए। टमाटर काटिए कच्चा और उसमें काली मिर्च का पाउडर डाल के रोज एक प्लेट भर के सुबह सुबह खिलाइए। 4 महीने अगर लगातार खिला दिया तो आंखों का चश्मा उतर जाए। जी दही मत डालिए, खाली टमाटर काली मिर्च उसके ऊपर डालकर कच्चा टमाटर के छोटे छोटे पीस काटकर देशी टमाटर के एक प्लेट भर के, प्लेट भरने से मतलब मेरा है कि खाने के बाद उनका पेट भर जाए। बच्चों 15 साल से कम उम्र के जितने भी बच्चों को चश्मे चढ़े हैं आंखों पर, अगर टमाटर और काली मिर्च नियमित रूप से 4 महीने खिला दें तो उनके चश्मे उतर जाएंगे। इसी टमाटर का एक और अच्छा सदुपयोग है, कई बार छोटे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मैं अक्सर देखता हूं, डेली का डेली संडास नहीं होती, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, कई बार ऐसे बच्चे मेरे पास इलाज के लिए आते हैं। उनको खाली टमाटर, देशी टमाटर का रस देना शुरू कर दीजिए, जूस देना शुरू कर दीजिए, सूप देना शुरू कर दीजिए, तो रोज का रोज उनका पोट साफ होने लगेगा, बराबर समय से उनको संडास होने लगेगी। ये टमाटर रक्तवर्धक है, रक्त शोधक है। रक्त में अगर हीमोग्लोबिन कम हो गया हो तो टमाटर खाइए खिलाइए, हीमोग्लोबिन बढ़ता है। रक्त की मात्रा कम हो गई हो तो रक्त बढ़ाता है, रक्त का शोधन भी कर देता है। रक्त में अगर ट्राइग्लिसराइड बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ हो, नियमित रूप से आप कच्चे टमाटर खा लें 4 महीने के बाद और उसके बाद आपका लिपिड प्रोफाइल चेक करें तो ट्राइग्लिसराइड कम हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल, जो खराब कोलेस्ट्रॉल है जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, एलडीएल और वीएलडीएल, ये बहुत बढ़ गया हो, 4 महीने नियमित रूप से प्लेट भर के करेंगे। देखिए प्रकृति का कुछ नियम है, उसमें से एक नियम हमेशा ध्यान रखिए कि वृक्ष को जब तक स्वयं फल की जरूरत है तब तक वो उसको पकड़ के रखता है, जिस दिन उसकी जरूरत पूरी हो जाती है वो खुद छोड़ देता है, फिर वो आपके काम का हो जाता है। तो टमाटर जब तक हरा है तब तक वृक्ष के लिए जरूरी है, क्यों पता है?
हरे रंग का टमाटर ही वृक्ष को भोजन बनाकर देता है। आपने वो क्रिया सुनी है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पेड़ के हरे पत्ते और हरे पत्तों के साथ फल जो हरे रंग के हैं वो दोनों मदद करते हैं भोजन बनाने, और पेड़ को उस भोजन की सप्लाई होती है। जब तक पेड़ को भोजन की जरूरत है तब तक उसके ऊपर फल हरे रंग के रहते हैं। जिस दिन पेड़ को वो भोजन की कमी नहीं रहती या जरूरत उतनी नहीं रहती, वैसे ही वो टमाटर लाल हो जाता है, आम पीला हो जाता है और दूसरे फल के रंग बदल जाते हैं, और पट से पेड़ उसको छोड़ देता है, फिर वो आपके काम का हो जाता है। तो जब तक वो वृक्ष के काम का है तब तक मत तोड़िए। जिस दिन वो उसके काम का नहीं है वो अपने आप छोड़ने वाला है, आप उसको उठा लीजिए। तो टमाटर को वृक्ष तभी छोड़ेगा जब लाल रंग का वो हो जाएगा, इसलिए टमाटर का माने ही है लाल टमाटर। एक और ऐसी ही भाजी है, अपने घर में हम चाहें तो उपयोग करें चाहें तो ना करें, इसमें मेरा आग्रह नहीं है, आपके ऑप्शन के लिए छोड़ता हूं। उस भाजी का नाम है कांदा। तो चाहिए ही चाहिए, चाहिए कुछ को नहीं चाहिए। जो जैन धर्म को पालन करते हैं, चुस्त वैष्णव हैं, उनको ये कांदा नहीं चलता, लेकिन जो जैन धर्म का पालन नहीं करते हैं उनके लिए कांदा चलता। तो मेरे आपके इसलिए मैंने कहा आग्रह नहीं है, आप चाहे तो उपयोग करिए चाहे तो छोड़ दीजिए, इसके बारे में जानकारी जरूर दे देता। ये कांदा जो है पित्त को शांत करने वाली सबसे अच्छी औषध है दुनिया में। अगर पित्त खराब है किसी का, पित्त खराब आप समझते हैं गैस बनना, खट्टी खट्टी डकार आना, मुंह में पानी आना, सतत जड़ जड़ होना, खाने को पाचन नहीं होना, ये सब पित्त की तकलीफ है। वमन होना, उल्टी होना, वॉमिटिंग होना, ये सब पित्त की। तो पित्त को सबसे ज्यादा संतुलित करने की ताकत जिसमें है वो कांदे में। तो कांदा आप चाहें तो खाइए। आप बोलेंगे पित्त शांत करने की और भी दवाएं, हाँ बहुत सारी दवाएं हैं, मैं बता दूंगा, लेकिन कांदा अभी बता रहा। कांदा पित्त को शांत करने की सबसे अच्छी औषध है। पित्त की खराबी से शरीर जितने भी रोगों में फंसता है सब रोगों को ठीक करने की ताकत कांदा में। जैसे गर्मी है और गर्मी में सन स्ट्रोक हो गया, लू लग गई आपको, अब लू के बाद आपको बहुत कुछ तकलीफ आने वाली है, वो सभी रोगों में कांदा आपके लिए उपयोगी है, सभी रोगों में लू लगने के बाद। इसी तरह से आंखों का एक रोग होता है जिसको कैटरेक्ट कहते हैं, मोतियाबिंद। मोतियाबिंद को गलाने की ताकत अगर दुनिया में किसी चीज में है तो वो कांदे के रस में। बिना ऑपरेशन अगर आपको आंखें ठीक रखनी है तो कांदे का रस सतत आंखों में डालिए। जिंदगी भर आप चाहते हैं कि आंखों को चश्मा ना चढ़े और कभी भी आंखें आपकी खराब ना हो तो कांदे का रस आप अपनी आंखों में डालिए। आप में से किसी को भी मोतियाबिंद हो गया हो और आप नहीं चाहते कि आपका ऑपरेशन हो या आपके पास ऑपरेशन कराने के लिए पैसा नहीं है, तो आप कांदे के रस से मोतियाबिंद को गला सकते हैं और आंखें ठीक कर सकते हैं। इसको कितने दिन लेना है, कैसे लेना है, इसका सूत्र मैं बता देता हूं, कागज पेन हो तो लिख लीजिए क्योंकि ये बहुत काम आएगा। एक चम्मच पांडरे कांदे का रस, देखिए कांदा एक ही काम का है जिसको पांडरा कांदा कहते हैं, ये लाल वाला किसी काम का नहीं। औषधीय गुण जो है वो सफेद प्याज में ही है, पांडरे कांदे में ही है, लाल वाले में कोई औषधीय गुण नहीं है। वो तो खाने के लिए आप खा सकते हैं, औषधीय गुण उसमें नहीं है। औषधीय गुण जो है वो पांडरे कांदे में ही है। तो पांडरे कांदे का एक चम्मच रस ले लीजिए, एक चम्मच इसमें नींबू का रस मिला दीजिए। एक नींबू आता है जिसको बेदाना नींबू कहते हैं, जिसमें ज्यादा बीज नहीं होते, वो बहुत अच्छा है। तो एक चम्मच नींबू का रस, एक चम्मच पांडरे कांदे का रस, फिर इसमें आप मध मिला दीजिए, लगभग 3 से 4 चम्मच मध। और इसी में एक चम्मच गुलाब जल मिला दीजिए। ये चारों को मिलाकर एक बाटली में भर के रख लीजिए और खूब अच्छे से हिलाकर एक एक थेम आंख में डालिए। 1 महीने लगातार डाल दिया तो मोतियाबिंद आपका कट के निकल जाएगा।
गुलाब जल एक चम्मच, जितना आपका कांदे का रस उतना ही गुलाब जल, उतना ही नींबू का रस, लेकिन मध इसमें 3 से 4 फुट जाते, मैंने 3 से 4 चम्मच मध। अब ये जो सोल्यूशन तैयार हुआ है इसको बाटली में भर के रखेंगे, 4-5 महीने ये खराब नहीं होता, इसको रूम टेम्परेचर पे भी रखा जा सकता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा इसको फ्रिज में रखना, खाली सीधे रूम टेम्परेचर पे रख के रात में सोते समय 1-1, 2-2 थेम आंख में डालते रहिए, 1-1.5 महीने के बाद आपका मोतियाबिंद खत्म कर देगा। और एक बीमारी है आंखों की जिसको ग्लूकोमा कहते हैं, ग्लूकोमा, ग्लूकोमा माने काला पानी, आंखों में हमेशा काला काला दिखता है और कुछ दिखता ही नहीं, उनकी भी ये सबसे अच्छी औषधि। और एक बीमारी है आंखों में जिसको रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं, आंखों का ये जो रेटिनल पर्दा है ना ये खिंच जाता है आगे या पीछे, उसमें भी ये सबसे अच्छा काम आता है। अब इसमें आपत्ति के रूप में क्या है, अगर कोई जैन है, चुस्त जैन, एक तो वो कांदा यूज नहीं कर सकते और दूसरा मध भी नहीं कर सकते, तो उनके लिए ऐसी ही बीमारी अगर है तो एक दूसरी औषध बता देता हूं, जो कांदा यूज नहीं करते और जो मध भी यूज नहीं करते उनके लिए बहुत अच्छी औषध इसी बीमारी में, जिनको कैटरेक्ट है, ग्लूकोमा है, रेटिनल डिटैचमेंट है, उसकी औषध का नाम है गाय का मूत्र, गोमूत्र। गाय का मूत्र इकट्ठा कर लीजिए किसी बाटली में और उसको रख लीजिए, इसी को 1-1 थेम आंख में डालना, बस सीधे सीधे गाय का मूत्र, गाय माने देशी गाय, देशी गाय का मूत्र 1-1 थेम रोज रात को आंख में डालिए सोते समय, तो 1 से 1.25 महीने में ये भी आपका कैटरेक्ट ठीक कर देगा, 2-1.25 महीने में ग्लूकोमा ठीक हो जाता है, और 3 महीने सतत डालें तो रेटिनल डिटैचमेंट ठीक कर देगा, 4 महीने लगातार डालेंगे तो चश्मा उतार देगा आपका। बिंदु जो है जी, वो मर्च हो जाता है या बाहर निकलता है? मर्च हो जाता है, वो एक्चुअली क्या है, मोतियाबिंद एक तरह से फैट है, वसा है, तो वसा जल जाता है, जल जाता है तो वो वहीं अंदर ही खत्म हो जाता है, बाहर नहीं निकलेगा। जी जान के, अगर अगर गाय बड़ी है जो 3-4 बार मां बन चुकी है, उस गाय का मूत्र लेंगे तो फिल्टर कर लीजिए, और गाय की बछड़ी है तो वो डायरेक्ट भी डाल सकते हैं क्योंकि वो बहुत शुद्ध होता है और काफी कुछ फिल्टर होके जाता है। आंखों के रोग में मैंने इससे अच्छी कोई औषध अभी तक नहीं देखी, गोमूत्र से अच्छी, एकदम टैक्स फ्री, कॉस्ट फ्री, साइड इफेक्ट नहीं है और एक्सपायरी डेट कुछ भी नहीं, हर गली हर गांव में उपलब्ध है, और गाय माता इतनी अद्भुत है कि वो कभी भी मूत्र देने के लिए पैसे नहीं लेती, आप डब्बा लगा दो भर लो, लेकिन रखने का है कांच की बाटली, तो कांच की बाटली में अगर आप इसको भर के रखेंगे तो ये कभी भी खराब नहीं होता, गोमूत्र 10 साल, 15 साल, 20 साल, 40 साल तक सुरक्षित रखा रहता है, तो उसमें कभी भी जंतु नहीं पड़ते। ऐसा कहा जाता है कि गंगा जल में और गाय मूत्र में कभी भी जंतु नहीं पड़ते, माने गंगा जल की जितनी पवित्रता है गाय के मूत्र की भी उतनी ही पवित्रता है, तो इस गोमूत्र का आप भरपूर इस्तेमाल करिए आंखों के लिए। अब बात शुरू हुई है तो आगे और बढ़ता हूं, इसी गोमूत्र का और कहां कहां इस्तेमाल आप कर सकते हैं, आंखों में तो कर ही सकते हैं, 1-1 ड्रॉप डालें, 1-1 थेम डालें, कान में अगर कोई भी तकलीफ है आपको, कोई भी तकलीफ, लस निकल रही है, दर्द हो रहा है, कान में खुजली बहुत आ रही है, कुछ कुछ उसमें थोड़े फुंसी कान में हो गए, तो भी 1-1 थेम गोमूत्र कान में डाल सकते हैं, दोनों ही कान में डाल सकते हैं, और 1-1 थेम गोमूत्र 6-7 दिन ही डालेंगे तो कान के सब रोग ठीक कर देता है। इसी गोमूत्र को और क्या कर सकते हैं, जिनको दमा है, अस्थमा है, ब्रोंकियल अस्थमा है, सांस बहुत भरती है, इतनी सांस भरती है कि 10 कदम चल के बैठना पड़ता है, फिर 10 कदम चलते हैं, फिर बैठते हैं, इतनी गंभीर हालत जिनकी है, उनको गोमूत्र पीना चाहिए 1/2 कप सवेरे सवेरे खाली पेट। अब आप ये पूछेंगे कि गोमूत्र कैसे पी है, उसमें बात आती है, तो दारू कैसे पीते हैं, उसमें भी तो बात आती है, अगर दारू की बोतल गटक सकते हैं तो गोमूत्र पीने में क्या तकलीफ है।
वो कम से कम दारू से अच्छा है। तो जिनको भी दमा है, अस्थमा है, सांस भरती है, दम भरता है, थोड़ा भी चले तो बैठ जाना पड़ता है, सबसे अच्छी औषध उनके लिए है ये गोमूत्र। अगर सतत आधा कप गोमूत्र पीना शुरू करेंगे तो 3 से 3.25 महीने में दम भरना, सांस भरना, ये सब ठीक हो जाए। और गोमूत्र जिनको ट्यूबरकुलोसिस हो गया, टीबी, और कंफर्म है कि उनको टीबी है, डॉक्टर बोलता है कि आपको टीबी ही है, तो मेरी आपकी गारंटी है, मेरी तरफ से आप ये कर लीजिए कि सब दवाएं छोड़ दीजिए, टीबी की कोई दवा मत खाइए, बस आधा कप रोज गोमूत्र सवेरे सवेरे पीते जाइए, 4 महीने के बाद ट्यूबरकुलोसिस जड़ से खत्म हो जाएगा, जड़ से, रूट से, जिंदगी में दोबारा आपको टीबी नहीं होगा। गोमूत्र रोज ताजा होना, ताजा हो तो बहुत अच्छा, और अगर किसी कारण से ताजा नहीं हो सकता तो बाटली में भर के रख लीजिए, 2-3 दिन पुराना भी चलता है, लेकिन ताजा होगा तो सबसे अच्छा। मैंने पिछले 2 साल गोमूत्र के बहुत परीक्षण करके देखे हैं, ट्यूबरकुलोसिस के बहुत सारे पेशेंट जो सरकार की दवा खाते हैं, आपने देखा वो डॉट्स आता है, डॉट्स की दवाएं आती हैं, तो जो डॉट्स की दवाएं खाते हैं मैंने उनको बंद करा दिया कि मत खाओ, खाली गोमूत्र पियो। तो गोमूत्र पीने मात्र से 3 से 3.25 महीने, ज्यादा से ज्यादा 3.5 महीने में सबको टीबी खत्म हुई। और दोबारा जब उनकी जांच कराई तो डॉक्टर हैरान हो गया कि इतने अच्छे रिजल्ट्स तो डॉट में कभी नहीं आते, आपने दवा क्या दी। मैंने कहा इनको डॉट्स दिया ही नहीं, इनको तो खाली गोमूत्र पिला। तो डॉक्टरों को इंटरेस्ट हुआ कि इसमें ऐसा क्या है, ये एंटी टीबी, इसमें कोई एक्टिविटी है क्या, एंटी ट्यूबरकुलोसिस। तो CBRI लखनऊ ने इस पर बहुत रिसर्च किया और उनका ये मानना है कि ट्यूबरकुलोसिस की दुनिया में आज तक जितनी दवाएं बनी हैं उनसे 20 गुना ज्यादा ताकतवर है गोमूत्र, 20 गुना। डॉट्स की गोलियां आती हैं, सरकार बांटती है, किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में मिलती है, टीबी की गोलियां देखिए आपने, वो एक पैकेट के रूप में देते हैं। तो ट्यूबरकुलोसिस की लेटेस्ट जितनी मेडिसिन दुनिया में है उन सभी से 20 गुना ज्यादा ताकतवर है गाय का मूत्र, 20 टाइम्स। जिन बच्चों को बाल अस्थमा दमा है उनके लिए, उनके लिए भी अच्छा है। बचपन से जिन बच्चों को दमा है, बहुत सारे बच्चों को जन्म से दमा होता है, उनको आप 1 ही चम्मच दीजिए, बड़े लोगों को आधा कप, छोटे बच्चों को 1 चम्मच, 14 साल की बच्चे। हाँ हाँ दे दीजिए 1 चम्मच, उसको 2 चम्मच तक दे सकते हैं, 14 साल का बेटा या बेटी किसी को भी। तो आप गोमूत्र अद्भुत है, इसको उपयोग करिए दमा में, अस्थमा में, ट्यूबरकुलोसिस में, ब्रोंकियल अस्थमा में। इसी गोमूत्र का और प्रयोग है, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि उनको एलर्जी होती है, कई लोगों को कई कई चीज से एलर्जी होती है, किसी को धूल से एलर्जी है, तो किसी को परफ्यूम से एलर्जी है, किसी को सेंट से एलर्जी है, किसी को अगरबत्ती के धुएं से एलर्जी है, किसी को धूप बत्ती के धुएं से एलर्जी है, किसी को कांग्रेस घास से एलर्जी है, किसी को किसी से एलर्जी है। दुनिया में ये जितने एलर्जी वाले लोग हैं इनकी सबसे अच्छी दवा है गाय का मूत्र। किसी भी एलर्जी के आप मरीज हैं आप गोमूत्र पी लीजिए, 4 महीने लगातार पी लीजिए, उसके बाद आप एलर्जी टेस्ट कराइए, आपकी एलर्जी ठीक कर दे, किसी भी तरह की एलर्जी। और ये गोमूत्र किन के लिए काम आता है, शरीर में त्वचा के जितने रोग आते हैं, इचियोसिस है, खुजली हो गई, सोराइसिस है, एक्जिमा हो गया, फोड़े, फुंसी, ये सब तरह के त्वचा रोगों में सबसे अच्छी औषधि है गोमूत्र। कैसे करना, मालिश करना इसकी, और मालिश करके थोड़ी देर के लिए सूर्य प्रकाश में बैठना और उसके बाद स्नान करना। बस इतना ही ध्यान रखना है कि जिनको गोमूत्र की शरीर पर मालिश करने की दवा है, माने जिनको त्वचा का रोग है और गोमूत्र शरीर पर मालिश करना है, उनको कभी भी साबुन नहीं वापरना चाहिए, किसी भी तरह का साबुन मत लगाइए, तो सारे रोग आपके बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। इसी गोमूत्र का और उपयोग आप कर सकते हैं बालों में, अगर बाल बहुत झड़ते हैं, गिरते हैं, गोमूत्र मालिश करिए बालों में, 1 घंटे के बाद बाल धो दीजिए, 1 ही हफ्ते में बाल टूटना बंद हो जाए। अगर आपको शरीर का कोई भी अंग जहां जॉइंट्स में है, माने जोड़ में दर्द दे रहा है, जिसको आप संधिवात कहते हैं, गुड़गे दुखना, कमर दुखना, आप गोमूत्र पी लीजिए, 15 से 20 दिन में जोड़ों का सब दर्द ठीक कर देगा।
जिनको संडास नहीं आती, खुलकर नहीं आती, पोट साफ नहीं होता, बहुत ज्यादा मलबद्धता है, गोष्ठबद्धता है, उनको मेरी विनती है कि गोमूत्र पी लीजिए, एक हफ्ते में ही पोट बिल्कुल साफ कर दे। इस गोमूत्र का उपयोग करके मैंने अब तक 48 बीमारियों का इलाज किया और अद्भुत परिणाम इसके हैं। और ये 48 बीमारियां अक्सर हमें होती है, सर्दी है, खांसी है, जुकाम है, बुखार है, सबकी औषध गोमूत्र है। कितना भी तेज बुखार आ रहा हो गोमूत्र दे दीजिए, 1 से 1.25 घंटे में बुखार उतरना शुरू हो जाता है। बहुत अच्छी औषध है। बस इसमें सावधानी एक ही रखनी है कि गाय का मूत्र माने देशी गाय का, जर्सी का नहीं। जर्सी और देशी का अंतर आप समझते हैं, जर्सी गाय के पीठ पर खांदा नहीं होता, वो ऐसे सपाट होती, और देशी गाय के पीठ पर ऐसा खांदा होता। तो गोमूत्र माने देशी गाय का मूत्र, और देशी गाय में बछिया का हो, बछड़ी का, जो कभी मां नहीं बनी है, तो वो सबसे अच्छा हर एक बीमारी में। और बछड़ी है और काले रंग की है तो सर्वोत्तम। काले रंग की बछड़ी अगर है, उसका मूत्र कैंसर जैसी बीमारी को ठीक करने की ताकत रखता है। गले का कैंसर, आहार नली का कैंसर और पेट का कैंसर, ये 3 कैंसरों में मैंने उपयोग करके देखा है काली बछड़ी का मूत्र, अद्भुत परिणाम देखा। आप बोलेंगे कैंसर में खाली गोमूत्र से हो जाता है, गोमूत्र के साथ एक छोटी सी औषध और देनी पड़ती है कैंसर में, सिर्फ कैंसर में, और वो है हड़द का रस। आंबा हड़द है ना, ताजा, उसका रस सुबह सुबह आधा कप गोमूत्र देना, 1 तास नंतर आंबे हड़द का रस देना, 2 या 3 चम्मच। 4 से 5 महीने सतत दें तो गले का कैंसर, आहार नली का कैंसर, पोट का कैंसर, बहुत अच्छे परिणाम, बहुत ही अच्छे। और इसलिए अमेरिका की सरकार ने गोमूत्र पर पेटेंट करा लिया, उनको ये मालूम हो गया। और अमेरिका की सरकार ने हड़द पे भी पेटेंट करा लिया, क्योंकि वो कैंसर में उपयोग हो रही है। तो हमारे आयुर्वेद चिकित्सा के अनुसार जिंदगी की खराब से खराब कोई बीमारी, खराब से खराब रोग है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, या तो स्वयं पाक घर, नहीं तो स्वयं पाक घर के नजदीक का जो इलाका है इसी में आपके सभी रोगों के इलाज हो सकते हैं। एक भी रोग ऐसा नहीं है जिसके लिए आपको कहीं बाहर जाना पड़े। अब थोड़ा और आगे बढ़ता हूं, इसी गोमूत्र से आप मूड़ गया, बवासीर और भगंदर, तीनों रोग को ठीक कर सकते हैं। जिनको मूड़ व्याध है, बवासीर है, भगंदर है, वो रोज आधा कप गोमूत्र पिए और उसके 1 तास के बाद केले में कपूर रख के खाएं। केला है, पका हुआ केला, उसको काटें और थोड़ा कर्पूर उसमें रख के केले को खाएं। 7 दिन अगर केला और कपूर खा लिया तो आपकी बवासीर खूनी हो या बिना खूनी ठीक कर देगा। 15-17 दिन अगर खा लिया तो मूड़ व्याध और भगंदर भी ठीक कर देगा, लेकिन गोमूत्र के साथ। ऐसे ही आपके शरीर में रक्त की कमी आती हो, रक्त अल्पता हो जाती हो, तो भी गोमूत्र आप उपयोग कर सकते हैं। बार बार खांसी होती है, 10 साल पुरानी खांसी है, 20 साल पुरानी खांसी है, गोमूत्र पी लीजिए, 8-10 दिन में खांसी ठीक हो जाती है। ऐसा कोई रोग नहीं जो गोमूत्र से ठीक ना हो। इसलिए चरक संहिता में चरक ऋषि ने, बागभट्ट संहिता में बागभट्ट ऋषि ने गाय मूत्र को ब्रह्मांड की सबसे अच्छी औषधि कहा। तो आप इसका इस्तेमाल करिए। गाय है 40 गांव में, देशी गाय है, मैंने देखा है 2-3 दिन में घूम के कई लोगों के पास देशी गाय है। आपके पास अगर थोड़ी भी कैपेसिटी है तो एक गाय खरीद लीजिए, घर के सामने रख लीजिए। घर के सामने जगह नहीं है तो कहीं खेत में एक गौशाला बना के सब लोग सामूहिक रूप से गाय पालन कर सकते हैं। इसका मूत्र आपको औषधि के रूप में काम आएगा और दूध भी काम आएगा। दूध बचेगा तो दही बनेगा, तूप भी बनेगा, सब कुछ काम आएगा। मेरे अपने गांव में, जहां मेरा जन्म स्थान है उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ जिले में, गाय का मूत्र 500 रुपए लीटर बिकता और गाय का दूध 15 रुपए लीटर ही बिकता। दूध से महंगा मूत्र बिकता, क्योंकि मेरे गांव में गोमूत्र से औषधि बनाने का एक केंद्र चलता है।
तो हमारे गांव में किसी की भी गाय हो, मूत्र जो है खरीदने के लिए, इकट्ठा करने के लिए मारामारी रहती है, क्योंकि गोमूत्र का आसवन करके उससे औषधियां बनती हैं और भारत के बहुत सारे स्थानों पर वो बिकती है। आयुर्वेद चिकित्सा में अभी गोमूत्र को बहुत महत्व आ गया है और भारत सरकार ने गोमूत्र की औषधि बनाने का लाइसेंस देना भी अभी शुरू कर दिया है। तो किसी को भी 350 रुपए में लाइसेंस मिल सकता है, अगर आप गाय पालते हैं देशी गाय और वो दूध ना भी दे तो भी उसका मूत्र बेचकर आप साल में 2 लाख रुपए की आमदनी कर सकते हैं एक गाय से। एक गाय का एक साल का मूत्र इकट्ठा करें तो 2 लाख रुपए की औषधि उससे बनती है और बाजार में आसानी से दिखती है। इसलिए मेरी सबको विनती है कि गाय पालिए, ये स्कूटर मोटरसाइकिल बेचिए और गाय खरीदिए। ये स्कूटर मोटरसाइकिल कभी भी बंद हो जाएगा आपका, कुछ भरोसा नहीं, क्योंकि कल को डीजल पेट्रोल नहीं मिलेगा तो चलाएंगे कैसे? ये डीजल पेट्रोल अभी 100 रुपए लीटर हो जाएगा तो कैसे चलाएंगे आप? अभी थोड़े दिन में अमेरिका और ईरान का युद्ध होने वाला है तो पेट्रोल का भाव 100 रुपए के भी ऊपर चला जाएगा, तब मोटरसाइकिल कैसे चलाएंगे, स्कूटर कैसे चलाएंगे? इसलिए आप बेच दीजिए इनको, स्कूटर मोटरसाइकिल को जितनी जल्दी हो, गाय खरीद लीजिए। गाय हमेशा जिंदा रहेगी और आपको भी जिंदा रखेगी। और मेरा सब शेतकरी नागरिकों को ये विनती रहती है कि गाय को कसाई को कभी मत बेचिए, क्योंकि इतने दुख की बात है कि जो गाय के मूत्र से साल में 2 लाख रुपए की आमदनी है उसी गाय को शेतकरी कसाई को बेचता है 5,000 रुपए में, कसाई काट के उसका मांस बेच देता। हर साल हिंदुस्तान में 4,50,00,000 गाय का कत्ल होता हर साल, 4.5 करोड़। और ये सब कत्ल होने वाली गाय शेतकरी के घर से जाती है। शेतकरी है हिंदू और बोलता है गौ माता की जय और बेचता है गाय कसाई को, वो ले जाके काट देता है कत्ल खाने, फिर उसका मांस बिकता है। तो पूरे देश को दर वर्षी 15,000 से 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है गाय कटने से। तो अगर सब शेतकरी नागरिकों को ये माहिती हो कि गाय के दूध से ज्यादा कीमती उसका मूत्र है। शेतकरी भाई क्या बोलते हैं मुझे, वो कहते हैं राजीव भाई गाय दूध नहीं देती, अभी क्या करने का, बेच दो उसको। तो मैं उसको बोलता हूं कि दूध नहीं देती तो क्या, मूत्र तो देती है, जीवन के आखिरी दिन तक देती, और मूत्र से औषधि बनती है और एक साल में 2 लाख रुपए की बनती है। तो गाय काटोगे तो 5,000 से 10,000 मिलेगा और उसको पालोगे तो मूत्र के रूप में 2 लाख रुपए की इनकम आने वाली। तो धीरे धीरे कुछ गांव में शेतकरी नागरिकों को ये समझ में आ रहा है, वो गाय बेच नहीं रहे हैं, उसका मूत्र इकट्ठा कर रहे हैं, उससे औषध बन रही है, वो औषध देश भर के बाजारों में बिक रही है। ऐसे कई केंद्र भारत में शुरू हुए हैं, आप चाहें तो 40 गांव में भी शुरू हो सकता है। इसके लिए गाय चाहिए, बस देशी गाय चाहिए, वो दूध दे या ना दे, मूत्र देने वाली चाहिए, उसका मूत्र इकट्ठा करें और 48 औषधियां उससे हम बनाएं। ये औषधियां भरपूर बिकती हैं। आंख वाली एक औषधि जो मैंने आपसे कहा थोड़ी देर पहले, गोमूत्र आंख में डालो, इसका मैंने एक फॉर्मुलेशन बनाया, गोमूत्र गुलाब जल पांडरे कांदे का रस और अदरक का रस, माने आल का रस और लींबू का रस, ये 5 चीजें मिला के आंख में इतने अच्छे परिणाम है उसके, अद्भुत। और वो औषधि की पूरे भारत में डिमांड है, कोई भी बना के कहीं भी उसका छोटी मोटी फैक्ट्री लगा के बिजनेस शुरू हो सकता है। अभी मेरा ये कहना है कि गाय को आप मत पालिए, गाय आपको पाल देगी। आप गाय को पालेंगे तो साल में जास्ती से जास्ती 15,000-20,000 का चारा खिलाएंगे, वो 2 लाख रुपए की इनकम तो मूत्र से दे देगी। तो आप गाय को नहीं पालेंगे, वो आपको पालेंगे। तो अगर संभव हो आप में से किसी के लिए भी तो एक एक गाय जरूर रख लीजिए, घर के सामने थोड़ी भी जगह है तो गाय रख लीजिए, और नहीं तो आपस में मिलकर एक समिति बना लीजिए, एक गौशाला बना लीजिए, कहीं 40 गांव के आसपास कोई बड़ा क्षेत्र मिल जाए तो वहां पे गाय रखना शुरू करिए। दूध शहर को मिलेगा पीने को और मूत्र की औषधि बनेगी। तो गोमूत्र की औषधि का कभी भी उपयोग आप करिए, कोई धोखा नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं है उसका, कोई उस पर टैक्स नहीं है, किसी भी तरह के कॉम्प्लिकेशंस उसमें नहीं है, हर तरह से वो अच्छी है।
और कभी धोखा नहीं, किसी भी तरह का धोखा आज तक गोमूत्र औषधि में मैंने नहीं देखा। गंभीर से गंभीर पेशेंट को मैंने ट्रीटमेंट दिया है गोमूत्र का, कोई धोखा आज तक नहीं आया। एक बार मैंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था अभी थोड़े दिन पहले। मैंने सुना है बचपन से कि गाय के शरीर में 33 कोटि देवता रहते, मेरी अज्जी से सुना था। वो मुझे संस्कृत में एक सूत्र सिखाती थी, गोमय वसति लक्ष्मी, ऐसा करके वो एक बहुत लंबा सूत्र है। गाय के शेन में लक्ष्मी का निवास है, गाय के मूत्र में धन्वंतरी का निवास है, गाय के गले में शंकर भगवान का निवास है, ऐसा ऐसा बहुत लंबा एक सूत्र है। तो पहले तो मेरे समझ में नहीं आता था बचपन में, अब समझ में आया। तो एक दिन मैं सोचता था कि गाय के गले में शंकर भगवान का निवास है ऐसा बोलते हैं सूत्र में, इसका परीक्षण करके देखो इसका अर्थ क्या है। तो मैंने एक दिन सोचा शंकर भगवान का क्या गुण है, तो शंकर भगवान का ये गुण है कि कितना भी वो जहर पिए उनके गले के नीचे नहीं उतरता। तो मैंने मेरी एक गाय को जहर देना शुरू किया भोजन में जानबूझ के, देखना है कि इसमें शंकर भगवान है क्या। तो उसको सतत जहर देना शुरू किया, और जहर क्या, कॉपर सल्फेट नीला थोटा जिसको आप कहते हैं, चारे में थोड़ा थोड़ा मिला के देना शुरू किया। और हर दिन मैं क्या करता था कि थोड़ा उसको जहर खिलाता था भोजन में, इतना कि वो मरे भी नहीं, इतना ही। और उसका दूध निकालता था, उस दूध को टेस्ट कराता था कि इसमें देखो जहर आया क्या, उसका मूत्र लेता था, मूत्र को टेस्ट कराता था इसमें जहर आया क्या, उसका जो शेन होता था शेन को टेस्ट कराता था इसमें जहर आया क्या। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, 6 महीने लगातार मैंने उस गाय को जहर खिलाया, उसके मूत्र में थोड़ा भी जहर नहीं आया, दूध में भी नहीं आया और शेन में भी नहीं आया। लेकिन 6 महीने के बाद वो गाय मर गई, वो खुद मर गई, लेकिन उसके दूध में मूत्र में शेन में जहर नहीं आया। मरने के बाद हमने उसका डिसेक्शन कराया तो हमने देखा कि सारा जहर उसके गले में ही रुका हुआ। तब मैंने मान लिया कि गाय के गर्दन में है शंकर भगवान का निवास। गाय की क्वालिटी देखिए कि वो जहर खाएगी लेकिन दूध में नहीं आने देगी उसको, वो जहर खाएगी मूत्र में भी नहीं आने देगी उसको। इसका माने गाय के गर्दन में कोई बहुत बड़ा फिल्टर है जो जहर को रोक लेता है। तो आपके मन से मैं एक गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ, एक गैर समझ हमारे मन में है। हमारे मन में गैर समझ क्या है, अरे गाय पॉलिथिन खाती रहती है, कहीं भी कचरा खाती रहती है, उसका मूत्र खराब हो जाएगा। कभी चिंता मत करिए, कुछ भी खराब नहीं होता। गाय पॉलिथिन खाए या शरीर का खराब से खराब कचरा जो आप छू नहीं सकते गाय उसको भी खाए, तो भी उसके मूत्र में उसके दूध में उसके शेन में कुछ भी जहर नहीं आता। गाय अद्भुत है, इसलिए उसको आई सरीखा मानते। किसी भी दूसरे जानवर को हमारे देश में आई का दर्जा नहीं, सिर्फ गाय को। मशी को कोई आई नहीं कहता, गाय को ही कहता। दूध तो मशी भी देती है और गाय से जास्ती देती है, और कई लोगों के हिसाब से तो गाय से अच्छा दूध मशी देती है क्योंकि उसकी चाय भी अच्छी बनती है मशी के दूध की। मशी मावजी है ना? हाँ, मशी मौसी है, बहुत जल्दी यमराज के पास पहुंचाएगी आपको। गाय के शरीर में ऐसे कुछ हार्मोन्स हैं, ऐसे कुछ केमिकल्स हैं जो किसी भी तरह के जहर को शरीर में ही रोक लेते हैं, मूत्र में दूध में शेन में नहीं जाने देते। इसलिए सड़क पर घूमने वाली गाय अगर आपको लगता है कि कुछ कचरा खा रही है, उसका मूत्र आपको लेने में मन में कोई हिचक मत रखना है, मेरी गारंटी उसके मूत्र में कुछ तकलीफ नहीं आएगी। क्योंकि शहर के लोग मुझे कई बार बहाना ये बनाते हैं, राजीव भाई हमारे यहाँ गाय तो है लेकिन कचरा खाती रहती है इसलिए उसका मूत्र कैसे लेना। आप बिल्कुल मत घबराइए, वो कितना भी खराब से खराब कुछ खाए आपके लिए वो जहर नहीं देने वाली, वो जहर अपने हिस्से में रखती है, अमृत आपको देती है, इसलिए उसको आई कहते हैं, इसलिए उसका दर्जा आई के बराबर है और इसलिए माना जाता है कि उसमें 33 कोटि देवता है। तो गोमूत्र का चिकित्सा के रूप में भरपूर उपयोग आप करिए।
मेरा इसके पीछे एक स्वार्थ है। मेरा स्वार्थ यह है कि अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों को गोमूत्र चिकित्सा की माहिती है और वो अपने जीवन में उसको उपयोग करें, परिणाम उसका बहुत अच्छा निकले, तो वो उसका प्रचार बहुत कर सकते। और ये जो माउथ पब्लिसिटी होती है ये बड़ी जबरदस्त होती है। एक के मुंह से बोला, दूसरे के मुंह से, तीसरे के ये जो माउथ पब्लिसिटी बहुत गहरा असर करती है। तो ये गांव गांव गली गली माउथ पब्लिसिटी शुरू हो जाए गाय के मूत्र के बारे में, तो उसका अंतिम परिणाम क्या निकलेगा? शेतकरी गाय बेचना बंद कर देंगे, क्योंकि अभी वो गाय बेच देते हैं, क्या सोचते हैं, दूध तो देती नहीं। अब उनको पता चलेगा कि भले दूध ना दे, मूत्र तो देती है, और 2 लाख रुपए की इनकम मूत्र से होती है, तो दूध से भी ज्यादा कीमती है। तो जब शेतकरी गाय को मूत्र के लिए पाल लेंगे तो गाय बिकना बंद हो जाए, और गाय बिकना बंद हुई तो कसाई खाने अपने आप बंद हो जाए, और कसाई खाने बंद हो गए तो 4.5 करोड़ गाय इस देश की दर वर्ष बचेगी, तो गाय की संख्या बढ़ेगी, तो बैल की संख्या भी बढ़ेगी, और बैल की संख्या बढ़ेगी तो शेतकरी को खेती करने के लिए ट्रैक्टर की गरज नहीं पड़ेगी, और थोड़े दिन के बाद ट्रैक्टर वो चला भी नहीं पाएगा जब डीजल 100 रुपए लीटर हो जाएगा, तो बैल से ही खेती करनी पड़ेगी। और गाय बैल दोनों रहे खेती के लिए, तो शेण और मूत्र गाय और बैल दोनों का मिलेगा, और शेण और मूत्र को खत के रूप में उपयोग करें तो रासायनिक खत यूरिया डीएपी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो शेतकरी समाज का दर वर्षी 3 लाख करोड़ रुपए बचत हो जाए जो यूरिया डीएपी में खर्च होता है। और मेरा ऐसा सपना है कि हरेक शेतकरी गाय के शेण और मूत्र से खेती करे तो यूरिया डीएपी का जहर खेत में नहीं जाएगा, तो वो जहर हमारे अन्न में भी नहीं आएगा, तो अन्न हमको शुद्ध खाने को मिलेगा, तो बीमारियां हमारी ऐसे ही सब खत्म हो जाए, तो हम सुखी हो जाएंगे, देश भी सुखी हो जाएगा। हम कितने सुखी हो सकते हैं अगर हमारे शरीर से बीमारियां खत्म हो जाएं, तो दर वर्षी हमारा 5,40,000 करोड़ रुपए का खर्चा बचेगा। और शेतकरी समाज गाय का शेण और मूत्र डालना शुरू करे तो उनका 3 लाख करोड़ रुपए बचेगा, माने 8,80,000 करोड़ रुपए हर साल देश का बचत हो। इतने रुपए से अगर सोना खरीद लिया जाए तो सोना इतना आता है कि भारत के एक एक गांव की सड़क सोने से बनाई जा सके, माने एक ही वर्ष में भारत फिर से सोने की चिड़िया बनेगा अगर हमारी गाय बचे तो। गाय बचने का एक ही तरीका है कि गाय के मूत्र का प्रचार हो, हम सब मिलकर गोमूत्र का प्रचार करें, इसका उपयोग करें। इस दृष्टि से मैंने आपको ये माहिती दी, आप इस माहिती का दूसरे लोगों को ज्यादा से ज्यादा देने का काम करेंगे तो गाय का भी भला होगा, आपका भी भला होगा और देश का भी भला होगा। हम गौ माता की जय बोलें तो गौ माता बचनी भी चाहिए, खाली जय बोलने से नहीं चलेगा। गाय माता आपकी बचे तो गौ माता की जय बोलने का लाभ है। खाने वाले भी कम होने चाहिए ना। हाँ, खाने वाले अपने आप कम हो जाएंगे, गाय का मांस नहीं खाएंगे। देखिए बात सीधी सी है कि अगर कसाई के हाथ में गाय नहीं गई तो कटेगी तो नहीं, कसाई के हाथ में नहीं कटे तो मांस नहीं मिलेगा। जैसे पीने वाले कहीं से भी पीना शुरू कर देते वैसे खाने वाले, हाँ ऐसे खाने वालों को समझाएंगे, बताएंगे, विचारेंगे उनके साथ, और अगर नहीं मानेंगे तो गांधीगिरी अपनाएंगे, उनको भी रास्ते से लाएंगे। लेकिन ये एक बार चल पड़ेगा तो बहुत होगा। मैंने मेरे छोटे से गांव में इसका प्रयोग करके देखा, आज से 15 साल पहले हमारे गांव की सब गाय कटने के लिए कसाई खाने में जाती थी, क्योंकि हमारे गांव के शेतकरी गाय दूध ना दे तो सब बेचते। जब से हमने गोमूत्र औषधि बनाने का केंद्र हमारे गांव में शुरू किया उसके बाद से आज तक एक भी गाय कटने को नहीं गई, क्योंकि हर एक शेतकरी को मूत्र का भाव मिल रहा है, पहले दूध का, जब तक दूध दिया तब तक दूध का, जब दूध नहीं है तो मूत्र का, तो इसलिए अब कोई शेतकरी हमारे गांव से गाय नहीं बेचता। उसकी स्वाभाविक मृत्यु होती है तो गाय हमारे गांव में मरती है, लेकिन कसाई के हाथ अब नहीं जाती। धीरे 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 ऐसे भारत में छोटे छोटे हजारों गांव हो रहे हैं जहां गाय के मूत्र का सदुपयोग हो रहा है औषधि के रूप में। मेरा आप सबको ये निवेदन है कि आप भी 40 गांव में और इसके आसपास के एरिया में गोमूत्र का, गाय के दूध का इतना प्रचार करें कि यहाँ भी ये काम शुरू हो जाए।
और ये शुरू हुआ तो आपका तो भला होगा ही, देश का उससे भी ज्यादा भला होगा। गाय के गोबर से बहुत सारी चीजें बनती हैं, उनमें से एक चीज है जो आप भी बना सकते हैं, बहुत आसान है। गाय के गोबर से मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती बनती है। ये जो मच्छर अगरबत्ती आती है ना बाजार में, कछुआ छाप अगरबत्ती, और ये तो सब जहर है। आप ये मत जलाइए, आप गाय का शेण ले आइए और उसको सुखा लीजिए। जब वो सूख जाए तो उसका वो बना लीजिए, क्या कहते हैं, गौरी, वो बना लीजिए और इसको थोड़ा घी डाल के जला दीजिए, तो इसमें से जब धुआं निकलता है सारे मच्छर भाग जाते। और गाय के शेण की गौरी जलाते समय उसके ऊपर थोड़ा सूखे हुए कड़ू लीम के पत्ते डाल दें तो खराब से खराब मच्छर भाग जाते, 15 ही मिनट में भाग जाते, और इसका असर 6 तास रहता। घर में गाय की गौरी आपने जलाई, थोड़ा उसके ऊपर सूखे कड़ू लीम के पत्ते डाले, 15 मिनट अगर इसका धुआं पूरे घर में भर गया, उसके बाद 6 तास तक दोबारा मच्छर घर में नहीं आते। तो इसका सदुपयोग आप मॉस्किटो रिपेलेंट के रूप में कर सकते हैं। और सरकार को मैंने एक प्रपोजल दिया है बना के कि पूरे देश में दर वर्ष ही मलेरिया आता, और मलेरिया का कारण है मच्छर, और वो मच्छर है एडीज एजिप्टाई जाति का एक मच्छर है, यही मलेरिया लाने का सहायक है, इसी से डेंगू आता है और इसी से वो आता है चिकनगुनिया, ये तीनों बीमारियां एक ही उससे आती है। तो अगर हम गांव-गांव ये अभियान चलाएं कि गाय की शेण उसको सुखाइए, गौरी बनाइए, घी डाल के जलाइए, थोड़ा उस पर कड़ू लीम के पत्ते डाल दीजिए, तो सब गांव में ये प्रचार अगर हो जाए तो एक तो चिकनगुनिया से बच जाएंगे, मलेरिया से बच जाएंगे, क्योंकि एडीज एजिप्टाई मच्छर को भगाने की ताकत इस गाय के शेण से निकले हुए धुएं में, और उसका बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है। और अभी एक उपयोग और करने के लिए एक्सपेरिमेंट हो रहा है इस देश में, गाय के शेण में से गैस निकलती है जिसको मीथेन कहते हैं, इस मीथेन गैस से आपकी सब गाड़ियां चल सकती, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, बस, ट्रक, सब चल सकता है। आपने देखा बहुत बार गाड़ियां एलपीजी से चलती हैं, जो घर में हम गैस जलाते हैं एलपीजी, उसका सिलेंडर कार में लगाए, कार भी चलती है, तो एलपीजी की जगह गोबर गैस अगर भर दें जिसको मीथेन गैस कहते हैं, उससे भी गाड़ी चलती है। और वो चला के देखिए, मैंने भी देखी, हमारे कई दोस्तों ने देखी, दिल्ली में आईआईटी में ऐसी 4 गाड़ियां हैं जिनमें गाय के गोबर की गैस रोज भरी जाती है और वो रोज दिल्ली में घूमती है, और एक दिन में आराम से 250-300 किलोमीटर चलती है, एक सिलेंडर भरा तो, एक सिलेंडर में लगभग 7 से 8 किलो गैस आती है। गाय के गोबर की जो गैस है वो एलपीजी से थोड़ा जास्ती भारी है, एलपीजी 14 किलो आती है, उसी सिलेंडर में ये 7 किलो तक आती है, लेकिन ये काम उतना ही करती है जितना एलपीजी करती है। आपका एलपीजी का सिलेंडर 5 लोगों के परिवार के भोजन को लगभग 1 महीने तक बना सकता है, 7 किलो गाय के शेण से निकला हुआ गैस भी 5 लोगों का भोजन 1 महीने तक बना सकता है। तो गाय के शेण से गैस निकाल के सिलेंडर में भर के अगर बड़ा बिजनेस इस देश में शुरू कर दिया जाए तो एक भी गाय कतल खाने में कटने के लिए नहीं जाएगी। मूत्र से औषधि बनाए और शेण से गैस बनाए, दोनों का देश के लिए सदुपयोग होता है। लेकिन इसमें रुकावट कहां है? रुकावट एक ही जगह है, इसका प्रचार कम है, और इसका प्रचार कोई टीवी नहीं। मैं बहुत टीवी चैनल के पास गया कि आप इसका प्रचार करो, तो वो कहते पैसा कौन देगा हमको गोमूत्र का प्रचार करने का, या गाय के शेण का प्रचार करें तो पैसे कौन देने वाला, गाय तो देने वाली नहीं है, तो इसलिए उनको इसका प्रचार करने में कुछ इंटरेस्ट नहीं। तो मैंने सोचा इसका एक ही तरीका है, वॉक 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 एंड टॉक टॉक टॉक, गांव गांव जाएं, लोगों को बताएं, समझाएं, वो अपनी चिकित्सा भी करें, प्रचार भी करें। तो इसलिए मैंने भी आपको थोड़ी जानकारी गोबर, गोमूत्र, गाय के दूध के बारे में दी है, आप इसका खुद अपने जीवन में उपयोग करके देखें और दूसरों को इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा प्रचार करना शुरू करें, तो बहुत अच्छे परिणाम 2-3 साल के बाद इस देश में निकलेंगे। मैंने सोचा है कि मेरे गाँव में अगर ऐसा हो सकता है तो किसी भी गाँव में हो सकता है। मेरा गांव तो बहुत छोटा है, 2000 की लोक संख्या का गांव है उत्तर प्रदेश में, वहां अगर गाय कटने से बच सकती है तो 40 गांव में भी हो सकता है और पूरे देश में हर जगह हो सकता है।
बस एक बार इसका कायदे से प्रचार करने की जरूरत है। तो मैंने पिछले 5-6 साल गोमूत्र पर, गाय के दूध पर, गाय के तूप पर जितने एक्सपेरिमेंट किए, गाय के तूप के मेरे कम से कम 25-30 एक्सपेरिमेंट है। जितना पुराना गाय का तूप है उतनी अच्छी औषधि है। अगर कभी आपको 2 साल पुराना, 3 साल पुराना, 5 साल पुराना, 10 साल पुराना गाय का तूप मिले किसी भी भाव में, आप मुझे दे दीजिए, मैं खरीदने को तैयार हूं। अगर 20 साल पुराना किसी के पास गाय का तूप हो तो सोने के भाव में मैं उसे खरीदने को तैयार हूं, मिले मुझे, क्योंकि ये इतनी अच्छी औषध है, कैंसर जैसे रोग में अद्भुत परिणाम देती है। 20 साल पुराना गाय का तूप कैंसर की बीमारी को जड़ से खत्म करने की ताकत रखता है। ये सिर्फ गाय का तूप ही रखता है, मशी का नहीं। तो इसलिए गाय का तूप, गाय का दूध, गाय का शेन, गाय का मूत्र, ये सबका ज्यादा से ज्यादा देश में उपयोग हो, सदुपयोग हो, प्रचार हो, इस दृष्टि से एक छोटी पुस्तक हमने बनाई। उसका नाम है गोमूत्र चिकित्सा, पंचगव्य चिकित्सा। वो यहाँ स्टॉल पे है। मेरी विनती है कि आप उसे जरूर लीजिए और उसको पढ़िए। पढ़ने के बाद दूसरों को दीजिए, वो पढ़ें, फिर तीसरे को दीजिए, वो पढ़ें, फिर चौथे को दीजिए। इस तरह से घर 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 उसका अगर प्रचार हो जाए तो बहुत बड़ा उद्देश्य देश का, हमारे समाज का इसमें से हल होगा। चिकित्सा तो होगी ही, लेकिन उससे ज्यादा बड़ा उद्देश्य है गाय कटना बंद हो जाए, कसाई खाने बंद हो जाए, गाय बिकना बंद हो जाए, वो हमारे लिए बहुत अधिक। और अगर गाय कटना बंद हुई तो दर वर्ष ही देश का 15-20 हजार कोटी रुपए सीधे लाभ होता है, सीधा सीधा। तो इस दृष्टि से मैंने कुछ कहा, आपने सुना, मैं आपका आभारी। अब अगर आज का जो कुछ मैंने बोला इसमें कोई शंका हो, समाधान हो, तो अभी पूछिए, क्योंकि कल मैं बिल्कुल अलग विषय पर बात करूंगा। अभी जितना मैंने कहा उसमें कोई शंका हो, समाधान हो, प्रश्न हो, जरूर पूछिए। तुलसी के पत्ते खाए तो चलेंगे? चलेगा, लेकिन तुलसी के पत्ते का ध्यान ये रखिए कि दांत से चबाना नहीं कभी भी, क्योंकि उसमें बहुत अधिक मात्रा में पारा होता है। दांत से चबाएंगे तो दांत कमजोर पड़ जाएंगे, इसलिए तुलसी के पत्ते खाना है तो चूसते रहिए और थोड़ी देर चूसते चूसते उसको निकल जाएंगे, अंदर जाने दीजिए। और नहीं तो तुलसी का रस पत्ते का सबसे अच्छा। केले में कापूर कितना डालना? केले में कापूर बहुत मामूली, एक कापूर जिसको आप पूजा में उपयोग करते हैं उसके 4-5 हिस्से कर दीजिए, एक हिस्सा एक केले, बहुत मामूली, बारीक एकदम। बंदरा इसकी छोकरी है जी, दिखता नहीं, दिखता नहीं जन्म से? जन्म, हाँ। तो आप मुझे कल उसको दिखाइए, कहा है, तो मेरा फोन नंबर और पता उनको दे दीजिए, वो मुझे संपर्क करें, एक बार मैं देख लूं तो फिर बता सकता। और कोई प्रश्न पूछूं? जी, ध्यान नहीं रहता है। हाँ, जिनको भी बच्चों को ये शिकायत है, अक्सर बच्चों को ये शिकायत होती है कि रात में बिस्तर में लगवी कर देते हैं, तो इसकी सबसे अच्छी औषध है खारिक। खारिक देखा? खजूर, खजूर को दूध में डालिए, 1 गिलास दूध में 3-4 खजूर डालिए, इसको उबालिए, दूध को उबाल के ठंडा करिए, फिर बच्चों को कहिए कि वो जो खजूर है उसको चबा के खाएं और उसी दूध को पी लें रात को सोते समय। तो अगर 15-20 दिन सतत आपने कर दिया तो बच्चों को लगवी रात में होना बंद हो जाएगा, बिस्तर पे होना बंद हो जाएगा। जी, दोनों में से जो मिले, खजूर मिले तो खजूर खाइए, खारिक मिले तो खारिक खाइए, और खजूर और खारिक ना मिले तो छुआरा, छुआरा समझते, सूखा हुआ बाजार में आता है ना, किशमिश के जैसा छुआरा सूखा हुआ आता है, खारिक बोलते हैं, ठीक है, तो वो ले लीजिए। और कोई प्रश्न पूछे? नाक से, जिनको भी नाक से बहुत पानी जाता है उनकी 2 औषधि है, एक में पहले बता चुका हूं कि उनको दही में चूना मिला के खिलाइए, रोज 100 ग्राम दही 1 ग्राम चूना, 15-20 दिन में ठीक हो जाएगा। दूसरी उनकी औषध है कि गाय का तूप रात को नाक में डालिए सोते समय, एक एक थेम दोनों नाक में, तो 3 दिन के बाद ही पानी जाना बंद हो जाएगा गाय का तूप।
सर्दी बहुत होती है, छींक बहुत आती है, नाक से पानी निकलता है, ऐसे किसी भी मरीज को एक एक टेम गाय का तूप रात को सोते समय नाक में डाल दीजिए, नींद बहुत अच्छी आएगी और नाक से पानी निकलना, छींक आना, सर्दी ये सब बंद हो जाए। देखिए मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं कि हमारे मस्तिष्क में ऐसा एक हिस्सा है जहां तक कोई दवा नहीं पहुंचती, ना होम्योपैथी की, ना एलोपैथी की, ना आयुर्वेद की, किसी भी तरह की दवा मस्तिष्क के कुछ एक हिस्से तक कभी भी नहीं पहुंचती। लेकिन गाय के तूप की ताकत यह है कि वो मस्तिष्क के हर हिस्से तक पहुंच जाता है, हर हिस्से तक पहुंच जाता है। ये अद्भुत है। इस पर अभी रिसर्च कर रहे हैं हम लोग कि ऐसा क्या है गाय के तूप में जो मस्तिष्क के उस हिस्से तक भी पहुंच जाता है जहां तक कोई औषधि नहीं पहुंचती। ये गाय के तूप में है, इसलिए मस्तिष्क की गंभीर से गंभीर कोई बीमारी हो उसमें गोल का गाय का तूप सबसे अच्छा है। रात को नाक में डाल दीजिए एक एक थे, वो दिमाग के वहां तक पहुंच जाता है जहां कोई नहीं पहुंचता, बहुत अच्छे परिणाम देता है। आपको जिस आंख से नहीं दिखता है उसमें रोज गाय के मूत्र का एक एक खेम डालिए, 3-4 महीने सतत डालिए, फिर मुझे बताइए। और कोई प्रश्न जी? खर्राटे, हाँ यस, जो रात को सोते समय बहुत खर्राटे भरते हैं उनकी भी यही औषध है कि उनको गाय का तूप एक एक खेम नाक में के बाद खर्राटे बंद हो जाते। एक ही दिन लगेगा, दूसरे दिन से खर्राटे आएंगे ही नहीं। जिनको पैरालिसिस का झटका आया हुआ है, शरीर के किस अंग में आया है वो देखिए, लेफ्ट या राइट? राइट। तो राइट में अगर पैरालिसिस का झटका है तो लेफ्ट नॉस्ट्रल, बाई नाक में, दाबे बाजू की नाक में गाय का तूप डालिए। राइट में है तो लेफ्ट में डालिए, लेफ्ट में है तो राइट में डालिए, 3-4 महीने सतत तूप डालिए। होने वाला है कल परसों।